गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून। भाई सभी को ब्लैक बोर्ड जो है वो प्रॉपरली क्लियरली विजिबल है? इज द ब्लैक बोर्ड विजिबल टू एवरी वन? मैं थोड़ी सेटिंग कर लूँ एक बार, उसके बाद विल स्टार्ट द लेक्चर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। आशीष वर्मा, यस सर। शिवानी कंबोज, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सर जी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर जी, गुड आफ्टरनून। आई होप सभी को ब्लैक बोर्ड में विजिबल होगा और लेक्चर शुरू करेंगे। बस एक बार थोड़ा सा मैं देख लूँ कि सबको प्रॉपरली सब कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं। नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार गुड आफ्टरनून। तो स्टूडेंट्स मैं ठीक हूँ जी, मैं ठीक हूँ। ओके, तो इन टुडेज लेक्चर विल डिस्कस पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। देखो स्टूडेंट्स, मैंने जो सिलेबस कवर करना है वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला के अनुसार मैं सिलेबस कवर करूंगा। मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूं, ये टॉपिक अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो और ये टॉपिक आपके सिलेबस में है तो आप इस लेक्चर, ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। जो बाद में कभी मेरा लेक्चर देखेंगे उनके लिए भी मैं एडवांस में बता रहा हूँ कि हम इन लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, उसका मीनिंग, नेचर, स्कोप, उसके बेसिस, देन रिलेशनशिप बिटवीन द पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ, देन उसके बाद सोर्सेज ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, देन मैं एक बार सिलेबस फटाफट बता देता हूँ आपको। इसके अलावा बेसिस के बाद, सोर्सेज के बाद, देन सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, देन स्टेट, स्टेट टेरिटरी, एक्विजिशन ऑफ स्टेट टेरिटरी, लॉज, देन लॉजेज ऑफ स्टेट टेरिटरी, देन उसके बाद स्टेट सक्सेशन, देन रिकॉग्निशन, देन एक्स्ट्राडिशन, देन अजाइलम, देन उसके बाद अजाइलम के बाद आपका सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, वार, ये सारी चीज़ें हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ सी, ये सारी चीज़ें जो है वो इंटरनेशनल लॉ का सिलेबस कवर करता है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला का। तो लेक्चर आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही अगर आपको लेक्चर अच्छा लगेगा तो लेक्चर को लाइक जरूर करना, और साथ में आप हमारे एक नए चैनल को भी हमें सपोर्ट कीजिए। हमारा एक नया चैनल है जिसका नाम है ब्लॉग विद ट्विंस, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें हम ब्लॉगिंग की वीडियोज़ डालते हैं, तो इस चैनल को भी सपोर्ट दें अपना, इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं, आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। कभी भी आप बाद में लेक्चर देखो तो मैं डिस्क्रिप्शन में पूरे टॉपिक्स लिख दूंगा जिसमें आपको हेल्प मिलेगी कि इसमें हमने क्या क्या कवर किया हुआ है और आपके लिए ये यूज़फुल है या नहीं है, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ।
पब्लिक इंटरनेशनल लॉ क्या होता है? बच्चे अभी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं बच्चों का, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं बच्चों का, बच्चे जुड़ रहे हैं लगातार, तो जुड़ नहीं रहे हैं, कम हो गए, 19 हो गए, 23 थे पहले। ओके, तो सबसे पहला जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन पेपर में अक्सर आ जाता है, वो आता है व्हाट इज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड व्हाट आर इट्स डेफिनेशंस एंड व्हाट इज इट्स स्कोप। ये क्वेश्चन जनरली आ जाता है, ये नेचर भी आ जाता है। तो सबसे पहले पब्लिक इंटरनेशनल लॉ क्या होता है, तो दोस्तों इंट्रोडक्शन के साथ टॉपिक को शुरू करूंगा। तो आज का जो ईरा है, द टूडेज ईरा इज ईरा ऑफ इंटरनेशनलिज्म। जो आज का ये युग है वो अंतर्राष्ट्रीयवाद का युग है, इंटरनेशनलिज्म का युग है, जिसका क्या मतलब है कि ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दे आर डिपेंडिंग अपॉन ईच अदर। एवरी वन इन द वर्ल्ड, एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड, दे आर डिपेंडिंग अपॉन ईच अदर फॉर देयर सोर्सेज, फॉर देयर सेटिस्फैक्शन, फॉर देयर वेरियस वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज। इस संसार में, इस वर्ल्ड में आज के टाइम पर कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, हर एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड करती है अपनी नीड्स के लिए, अपने अपनी जरूरतों के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। तो स्टूडेंट्स, जब हम लोगों की बहुत सही जरूरतें हैं, सभी कंट्रीज़ की जरूरतें हैं, वो दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन बनाने पर पूरी होती हैं। मतलब क्या हुआ बोलने का, कि एक कंट्री जो है वर्ल्ड की, वो दूसरी कंट्री के साथ क्या कर रही है इस टाइम पे, मुझे शेयर नाम इसको, ठीक है, मैंने सेट किया हुआ है। जो एक कंट्री है वर्ल्ड की, वो दूसरे के साथ रिलेशन बना रही है, इंटरनेशनल रिलेशंस यहाँ पे निकल के सामने आ रहे हैं। एक दूसरा, मनीष मैंने कहा कुछ मत करना, मैंने सेट किया हुआ है, नहीं हो रही लाइटिंग, यहाँ देख फोन में आ गई लाइटिंग, मुझे आग लगा यहाँ देखिए, दे दे फोन को, सॉरी आई एम सो सॉरी। तो जो टूडेज ईरा है वो ईरा ऑफ इंटरनेशनलिज्म है, जिसमें हर एक कंट्री एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है अपनी नीड्स को लेकर, अपने रिसोर्सेज को लेकर। किसी भी कंट्री में सारे रिसोर्सेज हों ऐसा नहीं है। इंडिया में बहुत सारी चीज़ों की कमी है जो हमें दूसरे देशों से मंगवानी पड़ती हैं। इंडिया अपने देश में जो ज़्यादा चीज़ें हैं वो दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करता है। तो इस कारण क्या होता है, जितने भी आपस में हम आयात निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, ये ऐसे ही तो नहीं होता, ये इंटरनेशनल रिलेशंस की वजह से होता है। हमारे दूसरी कंट्री के साथ अच्छे रिलेशंस हैं तभी हम ऐसा कर पा रहे हैं। तो जब हम लोग ऐसा करते हैं, जब कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाती है, एक दूसरे के साथ वो आयात निर्यात करती है, तो बहुत बार बहुत सारे डिस्प्यूट्स भी पैदा हो जाते हैं। तो इन डिस्प्यूट्स को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास एक लॉ की बॉडी है जिसका नाम है इंटरनेशनल लॉ। मतलब एक अभी प्रेजेंट टाइम में कंट्रीज़ के बीच डिस्प्यूट्स को ख़त्म करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, पीस को वर्ल्ड में मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक कानून है जिसका नाम है इंटरनेशनल लॉ, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विधि। हमारे पास इंटरनेशनल लेवल का कानून है जो बेसिकली वेरियस कंट्री के, वेरियस स्टेट्स के, वर्ल्ड स्टेट यहाँ यूज़ करूँगा मैं, कंट्री नहीं यूज़ करूँगा, वेरियस स्टेट्स के रिलेशनशिप को आपस में रेगुलेट करता है। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज इंटरनेशनल लॉ, देन इंटरनेशनल लॉ इज दैट ब्रांच ऑफ लॉ विच regulates the relationship among the various countries, which regulates the relationship among the various nations of the world. तो इस टाइम पर जब हम लोग एक दूसरे के साथ आयात निर्यात करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, तो बहुत बार डिस्प्यूट्स भी पैदा होते हैं, वर्ल्ड में पीस भी मेंटेन करनी है। तो इन सभी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए जो हमारे पास लॉ आया है वो इंटरनेशनल लॉ। तो इंटरनेशनल लॉ कंट्रीज़ के बीच रिलेशनशिप को रेगुलेट करता है, एक बात तो आप ये समझ लें। दूसरा, अगर मैं इसके मीनिंग की बात करूँ, इनफैक्ट मीनिंग तो आपको पता चल ही गया होगा, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अगर मैं मीनिंग की बात करूँ तो मीनिंग में सिंपल आप यही लिख सकते हो कि इंटरनेशनल लॉ एक ऐसा लॉ है जो वेरियस कंट्रीज़ के बीच रिलेशनशिप को रेगुलेट करता है। ये एक ऐसा लॉ है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस
के एक कंट्री के साथ क्या रिलेशन है उसको रेगुलेट करता है। ये एक ऐसा लॉ है जो हमें बताता है कि जब कंट्री के बीच डिस्प्यूट हो जाएगा तो उसको सेटलमेंट कैसे किया जाएगा। ये एक ऐसा लॉ है, एक ऐसा कानून है जो हमें बताता है कि कंट्रीज के बीच पीस कैसे मेंटेन होगी, अगर पीस मेंटेन ना हो तो डिस्प्यूट कैसे ख़त्म किया जाएगा, कैसे कन्वेंशन बनाई जाएंगी, क्या उसके रूल्स होंगे। ये सारी चीज़ें बताने वाला जो लॉ है वो इंटरनेशनल लॉ है। अब मेरे दोस्तों, इसकी मैं अगर डेफिनेशन की बात करूं, डेफिनेशन तो बहुत सारी आपको मिल जाएंगी, आप बुक में काफ़ी डेफिनेशन याद कर सकते हो। मैं आपको एक डेफिनेशन बताऊंगा जिसके ऊपर डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन बन जाता है, वो डेफिनेशन बनती है आपकी ओपेनहाइम की डेफिनेशन। हमारे एक स्कॉलर हुए हैं ओपेनहाइम। हाँ, एक और बात आपको बता दूं डेफिनेशन से पहले, जो ये इंटरनेशनल लॉ वर्ड है ये 1780 में, ये जो वर्ड है इंटरनेशनल लॉ, ये 1780 में जर्मी बेंथम हमारे स्कॉलर हैं, इन्होंने इस वर्ड को सबसे पहले यूज़ किया था। इंटरनेशनल लॉ के वर्ड को यूज़ करने वाले सबसे पहले पर्सन कौन है, 1780 में यूज़ करने वाले जर्मी बेंथम है, इन्होंने इंटरनेशनल लॉ के वर्ड को यूज़ किया था। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं फादर कौन है इंटरनेशनल लॉ का, तो ग्रोटियस है हमारे, इनको इंटरनेशनल लॉ का फादर माना जाता है। द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज ग्रोटियस, ये माना जाता है इंटरनेशनल लॉ के फादर। लेकिन इंटरनेशनल लॉ वर्ड सबसे पहले यूज़ किसने किया, ऐसा कोई पूछता है आपसे, तो सबसे पहले जिन्होंने वर्ड यूज़ किया उनका नाम था जर्मी बेंथम 1780 में। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब मैं डेफिनेशन पे आता हूँ। तो जो हमारे स्कॉलर हैं ओपेनहाइम, इन्होंने इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन दी थी। तो इन्होंने इंटरनेशनल लॉ के बारे में क्या बोला, मैं एक बार देख कर बता देता हूँ एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको। इन्होंने क्या बोला, लॉ ऑफ नेशन और इंटरनेशनल लॉ इज द नेम फॉर द बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स, कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल। क्या बोला उन्होंने, द लॉ ऑफ नेशन और इंटरनेशनल लॉ इज अ बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स विच आर कंसिडर्ड लीगली बाइंडिंग बाई सिविलाइज्ड स्टेट विच आर कंसिडर्ड लीगली बाइंडिंग बाई सिविलाइज स्टेट इन देयर इंटरकोर्स विद ईच अदर। जो तो वो टर्म मैंने आपको बताई है, ये मेन टर्म है इनकी डेफिनेशन की। तो ओपेनहाइम ने क्या बोला कि इंटरनेशनल लॉ या लॉ ऑफ नेशन, कंट्री का जो लॉ है इंटरनेशनल लॉ है, उसका मतलब है बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स जो कि बाइंडिंग होंगे सिविलाइज्ड स्टेट के ऊपर इन ऑर्डर टू रेगुलेट द इंटरकोर्स विद ईच अदर, अपने रिलेशन को रेगुलेट करने के लिए कन्वेंशनल और कस्टमरी रूल्स जो कंट्रीज के ऊपर बाइंडिंग होंगे सिविलाइज्ड स्टेट टर्म यूज़ की उन्होंने, सिविलाइज स्टेट के ऊपर बाइंडिंग होंगे वो इंटरनेशनल लॉ है। तो मेरे दोस्तों, जो ओपेनहाइम ने ये डेफिनेशन दी थी, ये डेफिनेशन उन्होंने जो दी थी 1905 में, इस डेफिनेशन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। जो क्रिटिक्स थे उन्होंने क्या बोला कि ओपेनहाइम का मानना है इंटरनेशनल लॉ क्या है, वो कस्टमरी और कन्वेंशनल रूल्स की बॉडी है जो सिविलाइज स्टेट के ऊपर बाइंडिंग होते हैं, सिविलाइज स्टेट को जो रेगुलेट करते हैं। तो जो क्रिटिक्स थे, जो विरोध करने वाले थे, उन्होंने बोला कि भाई ओपेनहाइम के अनुसार जो इंटरनेशनल लॉ है वो केवल सिविलाइज स्टेट के ऊपर एप्लीकेबल होता है। और सिविलाइज स्टेट का मतलब क्या था उस टाइम पे सिविलाइज स्टेट का मतलब क्या था, जो स्टेट क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करते हैं, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, उसके ऊपर फोकस किया था ओपेनहाइम ने, उनको सिविलाइज स्टेट बोला था। तो इस डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया गया ये बोलकर कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो केवल सिविलाइज स्टेट के ऊपर ही एप्लीकेबल नहीं होता, इंटरनेशनल लॉ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है, इंटरनेशनल लॉ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। द वर्ड सिविलाइज स्टेट वॉज वेरी वेग, द वर्ड सिविलाइज स्टेट वॉज वेरी नैरो, देयरफॉर हिज डेफिनेशन वॉज क्रिटिसाइज्ड ऑन दिस पॉइंट। पहला ये क्रिटिसिज्म हुआ। बाद में सिविलाइज स्टेट जो टर्म थी वो जब ओपेनहाइम की जो बुक थी उसके 8th एडिशन में
एट्थ एडिशन में इस वर्ड को हटा दिया गया, एट्थ एडिशन में इस वर्ड को डिलीट कर दिया गया सिविलाइज्ड स्टेट को। इसकी जो फाइनल डेफिनेशन है वो भी बताऊंगा मैं, अब जो लेटेस्ट डेफिनेशन है, लेकिन इस पॉइंट पर जो क्रिटिसाइज किया गया, दूसरा क्रिटिसाइज किस पॉइंट पर किया गया ओपेनहाइम को, इसने बात करी कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स की, लेकिन लोगों ने बोला कि भाई इंटरनेशनल लॉ केवल कस्टम और कन्वेंशन ही के ऊपर बेस नहीं करता, इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज केवल कस्टम और कन्वेंशन ही नहीं है, इंटरनेशनल लॉ के तो और भी सोर्सेज हैं, जैसे कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। क्या बोल रहा हूँ मैं आपको कि ये बोला गया कि ओपेनहाइम ने बोला कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, वो कस्टमरी और कन्वेंशनल रूल्स की बॉडी है, पर ऐसा नहीं है, इंटरनेशनल लॉ केवल कस्टम और कन्वेंशन से नहीं बनता, जनरल प्रिंसिपल से भी बनता है। अब जनरल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा, जब हम सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ पढ़ेंगे ना, अभी 2, 5, 10, 15 मिनट जब भी टॉपिक आएगा हम डिस्कस करेंगे कि ये कौन सा सोर्स है। जनरली आपको बता देता हूँ, कुछ एक प्रिंसिपल्स ऐसे होते हैं जो पूरी वर्ल्ड की कंट्रीज उसको फॉलो कर रही हैं, जैसे गुड फेथ, हमारे इंडिया में हम गुड फेथ को फॉलो करते हैं कि अगर कोई काम गुड फेथ में किया हो वो काम सही होगा, वैसे ही अमेरिका भी इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है, गुड फेथ के प्रिंसिपल को, वैसे ही बाकी कंट्रीज भी इस गुड फेथ के प्रिंसिपल्स को फॉलो करती हैं। तो एक जनरल प्रिंसिपल हो गया जो बहुत सारी कंट्रीज क्या कर रही हैं, फॉलो कर रही हैं। तो इस जनरल प्रिंसिपल जो कि बहुत सारी कंट्रीज फॉलो करती हैं, ये गुड फेथ भी सोर्स माना जाएगा, गुड फेथ भी सोर्स माना जाएगा इंटरनेशनल लॉ का। तो इस पॉइंट पर भी इस डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया गया। अपने दो पॉइंट याद रखने हैं इनकी डेफिनेशन के, ओपेनहाइम ने बेसिकली फोकस किया बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स के ऊपर जो बाइंडिंग होंगे सिविलाइज स्टेट के ऊपर, और इसी पॉइंट के ऊपर इसको क्रिटिसाइज किया गया कि भाई इंटरनेशनल लॉ तो स्टेट को ही रेगुलेट नहीं करता, ये तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी रेगुलेट करता है, WTO, WHO और बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको ये रेगुलेट करता है, तो इस पॉइंट पर इसको क्रिटिसाइज कर दिया गया ओपेनहाइम की डेफिनेशन को। जो ओपेनहाइम की डेफिनेशन है मेरे दोस्तों, ये पेपर में कभी कभी अकेली भी पूछ ली जाती है, इसलिए इस डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ के जाना। इसके अलावा बाकी जो डेफिनेशन है वो आप याद करके जा सकते हो, ये मेन डेफिनेशन है। और दूसरा जो है वो इसको क्रिटिसाइज किया गया ऑन द पॉइंट ऑफ सिविलाइज्ड एंड कन्वेंशनल रूल्स, कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो सिविलाइज्ड और कन्वेंशनल रूल्स की बॉडी है, पर ऐसा नहीं है, इंटरनेशनल लॉ तो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ जो बाकी कंट्रीज फॉलो कर रही हैं, जैसे गुड फेथ, रेस्ट जो डिकाटा, एस्टोपल, जो बाकी कंट्रीज पूरी वर्ल्ड की फॉलो कर रही हैं, वो भी इंटरनेशनल लॉ में फॉलो होंगे। तो इस पॉइंट पर इनको क्रिटिसाइज किया गया। अब बाद में हुआ क्या, फाइनली जब ये क्रिटिसिज्म निकले तो इसके बाद दो स्कॉलर्स के नाम मैं आपको बता देता हूँ जिन्होंने ओपेनहाइम की डेफिनेशन को क्या किया, चेंज कर दिया, इसमें अमेंडमेंट ले आए। वो दो थे, एक तो था अर्थुस बार्ट्स और दूसरा था प्रोफेसर सर रॉबर्ट जैनिंग। दो पर्सन थे, अर्थुस बार्ट एंड सर रॉबर्ट जैनिंग। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ओपेनहाइम की बुक इंटरनेशनल लॉ के नाइन्थ एडिशन में जो ओपेनहाइम ने बुक दी थी उसमें कुछ चेंजेस लाए, और जो नई डेफिनेशन आई हमारे पास वो क्या है मैं पढ़ के सुना देता हूँ, आप कॉपीज में लिख सकते हो। इंटरनेशनल लॉ इज द बॉडी ऑफ रूल्स विच आर बाइंडिंग ऑन द स्टेट इन देयर इंटरकोर्स विद ईच अदर। दीज रूल्स आर प्राइमरली दोज विच गवर्न्स द रिलेशंस ऑफ स्टेट्स, बट स्टेट आर नॉट ओनली द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू सम एक्सटेंट इंडिविजुअल आल्सो इज द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। मतलब क्या हुआ, ओपेनहाइम की पुरानी डेफिनेशन जिसमें फोकस किया गया था इंटरनेशनल लॉ केवल रूल्स की बॉडी है, जो रूल्स स्टेट के ऊपर बाइंडिंग होते हैं, इसको हटाकर एक नई डेफिनेशन आ गई जिसने बोला गया इंटरनेशनल लॉ बॉडी ऑफ रूल्स है, कस्टमरी कन्वेंशन को छोड़ दो, अब कस्टमरी कन्वेंशन को छोड़ दिया अर्थुस बार्ट्स और जैनिंग ने, इन्होंने डायरेक्टली बोला इंटरनेशनल लॉ बॉडी ऑफ रूल्स है जो स्टेट्स के ऊपर बाइंडिंग होते हैं अपने इंटरकोर्स में, अपने आपस में रिलेशंस में, लेकिन हाँ साथ में बोल दिया कि स्टेट इज नॉट ओनली द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड आल्सो ह्यूमन बीइंग,
इज द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो ये एक एक्यूरेट डेफिनेशन हमारे पास ओपेनहाइम की बाद में आ गई 9th एडिशन की बुक में। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया हो, यहां तक आपको समझ आ गया दो स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मुझे अगर बता दीजिए आपको यहाँ तक समझ आ गया। हमने अभी तक पढ़ा क्या, हमने बस सिंपल सा पढ़ा कि इंटरनेशनल लॉ होता क्या है और इसका मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो मैंने आपको जनरल सा बता दिया कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो कंट्रीज के रिलेशंस को आपस में रेगुलेट करता है और कंट्रीज के बीच जो रिलेशन है उसको आपस में रेगुलेट करता है बेसिकली। और मैंने एक आपको डेफिनेशन बता दी। यस सर यहाँ तक हमें समझ आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर हम सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, लॉ जिसमें मैक्सिमम वीडियोस डालते हैं, रिवीजन सेशन भी हम डालते हैं टाइम टू टाइम, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमें कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अपनी सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे नंबर, फ़ोन पे नंबर या हमारे पेटीएम पर 8219820461 इस पर आप हमें कॉन्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। कोई भी जो मेरी वीडियो बाद में देखेगा अगर उन्हें हेल्पफुल लगे तो वो आप हमें कॉन्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये कंपल्सरी नहीं है, ये आपकी विश के ऊपर होगा, ये कोई कंपल्शन नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर 8219820461 इस पर आप हमें गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम कुछ भी करके आप हमें कॉन्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे नेचर। पेपर में क्वेश्चन आता है कि इंटरनेशनल लॉ का नेचर क्या है। जब भी नेचर आता है इंटरनेशनल लॉ का, कि क्वेश्चन आता है कि इंटरनेशनल लॉ का नेचर क्या है, तो इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल लॉ है क्या, क्या वो सच में लॉ है। जैसे इंडियन पिनल कोड एक लॉ है, जैसे CRPC एक लॉ है, जैसे फैमिली लॉ हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, तो जो इंटरनेशनल लॉ है क्या वो सच में लॉ है। तो इसके दो व्यूज हमारे सामने निकल के आते हैं। कुछ एक स्कॉलर्स हैं वो ये मानते हैं कि इंटरनेशनल लॉ एक लॉ नहीं है, इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ लॉ, इट इज नॉट अ लॉ, ये कानून है ही नहीं, इंटरनेशनल लॉ एक लॉ नहीं है। कुछ एक स्कॉलर ऐसा मानते हैं जैसे कि ऑस्टिन, हमारे जो ऑस्टिन है जो बहुत ही फेमस स्कॉलर है हमारे, ऑस्टिन, होब्स, बेंथम, पुफेंडोरफ, ये क्या बोलते हैं, ये मानते हैं कि इंटरनेशनल लॉ तो लॉ है ही नहीं, इंटरनेशनल लॉ को तो लॉ हमने ऐसे ही बोल दिया, वो लॉ तो है ही नहीं। पर वहीं पे अगर मैं दूसरे स्कॉलर्स की नाम लूँ, दूसरा व्यू ये है कि इट इज़ अ लॉ इन ट्रू सेंस, ये लॉ है। मतलब क्वेश्चन में अगर नेचर आता है क्वेश्चन में कि नेचर क्या इंटरनेशनल लॉ का, तो आप समझ जाना अब हमें ये बताना पड़ेगा कि इंटरनेशनल लॉ क्या सच में लॉ है कि नहीं है। एक व्यू है कि ये लॉ नहीं है, वो कौन देता है ऐसा व्यू, ऑस्टिन, होब्स, बेंथम, पुफेंडोरफ, और दूसरा है कि ये लॉ है, ये कानून है सच में, जैसे बाकी कानून है वैसे ये भी एक कानून है। और ये व्यू कौन देता है, ये व्यू देता है ओपेनहाइम। मेन आपने ओपेनहाइम ही लिखना है, मेनली इसमें ओपेनहाइम है और इसके सपोर्टर्स बाकी। तो ओपेनहाइम ने बोला है कि ये लॉ है, लेकिन बाकी ये स्कॉलर्स बोलते हैं कि ये लॉ नहीं है। तो हम अब इस व्यूज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इट इज़ नॉट अ लॉ, पहले इसको पढ़ेंगे फिर पढ़ेंगे इट इज़ अ लॉ। इसके साथ साथ नेचर में आपने क्या लिखना है, एक व्यू और दिया गया है, वो क्या है, वो ये है कि इंटरनेशनल लॉ इज़ वीक लॉ, मतलब लॉ तो है लेकिन ये वीक लॉ है, स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं है, जैसे बाकी लॉ होते हैं वैसे लॉ नहीं है, ये एक वीक टाइप का लॉ है। और ये व्यू किसने दिया है, ये व्यू प्रोफेसर स्टार्क ने दिया है, स्कॉलर है हमारे स्टार्क, STARK, स्टार्क ने बोला है कि ये लॉ है ही नहीं। इस नेचर में ही एक व्यू आप और लिखोगे, वो क्या है कि इंटरनेशनल लॉ इज वैनिशिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस, इट इज अ वैनिशिंग
पॉइंट ऑफ जूरिसप्रूडेंस, जूरिसप्रूडेंस एक व्यू ये दिया गया है कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो बैनिशिंग पॉइंट है किसका, जूरिसप्रूडेंस का। और ये व्यू किसने दिया है, ये व्यू होलैंड ने दिया है, ये व्यू किसने दिया है, ये व्यू होलैंड ने दिया है। तो नेचर का क्वेश्चन आपको आता है तो आपने चार चीजें लिखनी है पेपर में, याद रहे, एक तो इट इज नॉट अ लॉ, एक इट इज अ लॉ, एक इट इज अ वीक लॉ, देन इट इज अ वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिसप्रूडेंस। ये चारों चीजें आपने नेचर में लिख कर आनी है अगर पेपर में क्वेश्चन नेचर से आता है। तो सबसे पहले इट इज नॉट अ लॉ को पढ़ना शुरू करेंगे कि ये लॉ नहीं है तो क्यों नहीं है। तो दोस्तों इसको सपोर्ट करने वाले जो स्कॉलर थे वो ऑस्टिन होब्स, बेंथम और पुफेंडोर्फ थे। तो जो ऑस्टिन थे हमारे, जिसको कि इंग्लिश जूरिसप्रूडेंस के फादर भी बोला जाता है, जिनको इन्होंने क्या बोला, इन्होंने जो लॉ की डेफिनेशन दी ना, अपनी इन्होंने एक लॉ की डेफिनेशन दी थी, उस लॉ की डेफिनेशन जो इन्होंने दी, उन डेफिनेशन में इंटरनेशनल लॉ को पुट किया, इंटरनेशनल लॉ की चीज़ों को पुट किया, फिर ये पाया कि नहीं भाई इंटरनेशनल लॉ लॉ नहीं बन रहा। इसका मतलब हमें पहले लॉ की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी कि लॉ की डेफिनेशन क्या है। सर मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी से लॉ पढ़ रहा हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से लॉ पढ़ रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो इसमें ऑस्टिन ने क्या बोला, ऑस्टिन का ध्यान से सुनना, मैं ऑस्टिन बताने लगा हूँ आपको, ऑस्टिन ये हम ये पूरा पॉइंट डिस्कस करने लगे हैं। तो ऑस्टिन ने क्या बोला, ऑस्टिन ने ये बोला कि लॉ क्या होता है, लॉ इज अ कमांड ऑफ सोवरन, इट इज अ कमांड, इट इज अ कमांड ऑफ सोवरन, ऑफ सोवरन विच इज फॉलोड बाई सेंक्शन, विच इज फॉलोड बाई सेंक्शन इन केस वन डज नॉट फॉलो द कमांड। लॉ क्या है, लॉ सोवरन की कमांड है जो कि बाकी इन्फीरियर को, लोगों को फॉलो करनी पड़ती है, और अगर लोग फॉलो ना करें तो उनके ऊपर सेंक्शन लगाए जाते हैं, उनको पनिशमेंट्स मिलती है, थ्रेट दिया जाता है, डर उनके मन में पैदा किया जाता है, फिर वो लोग को फॉलो करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन लॉ इज अ कमांड ऑफ सोवरन विच इज गिवन बाई सोवरन एंड इन केस एनीबडी डज नॉट फॉलो दैट कमांड देन दैट पर्सन वुड बी पनिश्ड, दैट पर्सन द सेंक्शंस वुड बी इम्पोज ऑन दैट पर्सन। ये हमारे प्रोफेसर ऑस्टिन बोलते थे, स्कॉलर ऑस्टिन बोलते थे। और ऑस्टिन ने जो ये लॉ की डेफिनेशन दी, इस डेफिनेशन को इन्होंने इंटरनेशनल लॉ में पुट किया और वहां पे ये पुट नहीं हो पाई। इंटरनेशनल लॉ क्या कोई कमांड है सोवरन की? इंटरनेशनल लॉ में कौन सोवरन है बताओ, कौन लॉ बना रहा है, कोई एक पर्सन है? जैसे हमारे इंडिया में सोवरन मान लो कोई अथॉरिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लॉ बना रही है, या स्टेट गवर्नमेंट सोवरन मान लो वो लॉ बना रही है। इंटरनेशनल लॉ में सोवरन किसको माना जाएगा? इंटरनेशनल लॉ तो बहुत सारी कंट्रीज का रेसिप्रोसिटी पर चलने वाला एक कानून है, रिलेशन के ऊपर चलने वाला कानून है। कोई कंट्री ना फॉलो करे तो ना फॉलो करे, कोई कन्वेंशन बनेगी किसी कंट्री ने साइन नहीं किए तो नहीं किए। तो इंटरनेशनल लॉ में ना तो कोई सोवरन होता है जो कमांड दे सके, और ना ही वहाँ पे कमांड को ना फॉलो करने पर कोई सैंक्शंस होते हैं। किस प्रकार के सैंक्शन इंटरनेशनल लॉ में? हम किसी कंट्री को किसी प्रकार से बांध नहीं सकते कि वो इस कन्वेंशन को फॉलो करे। हमारे देश में बहुत से, हमारे वर्ल्ड में बहुत से कन्वेंशंस बनी है इस इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, और जो कंट्री सबसे ज़्यादा पोल्यूशन करती हैं वो उसको साइन ही नहीं करती, कर लो जो करना है। क्योटो प्रोटोकॉल और बहुत सारे प्रोटोकॉल बने इंटरनेशनल लेवल पर, और जो हमारी बड़ी बड़ी कंट्रीज है जहाँ पे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं, वो कंट्री उसको फॉलो ही नहीं करती। मतलब क्या हुआ कि इंटरनेशनल लॉ में ना तो कोई सॉवरन है कमांड देने वाला और ना वहाँ पे सैंक्शंस है। इसी कारण ऑस्टिन और उसके फॉलोअर्स ने क्या बोला कि भाई इंटरनेशनल लॉ तो लॉ है ही नहीं, इंटरनेशनल लॉ तो लॉ है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे ये दो पॉइंट फुल नहीं होते, ना तो इंटरनेशनल लॉ कमांड ऑफ सोवरन है, ना इंटरनेशनल लॉ ना फॉलो करने पर आपकर आपके ऊपर कोई सैंक्शंस होंगे। इट इज द व्यू ऑफ प्रोफेसर ऑस्टिन एंड स्कॉलर्स। लेकिन इस पॉइंट को बहुत क्रिटिसाइज किया गया, जो इसकी डेफिनेशन थी लॉ की इसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया, जो हमारे जूरिसप्रूडेंस के हिस्टोरिकल स्कूल के जो स्कॉलर थे, जो कस्टम के ऊपर विश्वास करते थे, जो कन्वेंशंस के ऊपर विश्वास करते थे, उन्होंने इस डेफिनेशन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया। उन्होंने क्या बोला कि भाई ऑस्टिन तो केवल सोवरन के जरिए बनाए हुए कानून को ही कानून मान रहे हैं, लेकिन एक देश तो कस्टम के अनुसार भी चलता है,
जिस देश में कोई लॉ नहीं होता वहाँ भी लोग कस्टम को फॉलो करते हैं, जिस देश में कोई डर नहीं होता वहाँ भी लोग अपने कस्टम को फॉलो करते हैं। मतलब ना तो डर जरूरी है लॉ फॉलो करने के लिए और ना तो किसी सॉवरन का होना जरूरी है लॉ को बनाने के लिए। जब आस्तीन की डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया गया तो फिर एक नया व्यू निकल के सामने आया, वो था कि ये लॉ है। अब उसके ऊपर चलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा जो हमारे प्रोफेसर आस्तीन का व्यू था। हम ये पढ़ रहे हैं नेचर में, हम किसने पढ़ रहे हैं नेचर में, कि इंटरनेशनल लॉ का नेचर क्या है, किस प्रकार की उसकी प्रकृति है। तो एक पॉइंट हमने पढ़ लिया कि ये लॉ नहीं है। किसने बोला? आस्टिन, बैंथम, होब्स और पुफ्रेंडोरफ। क्यों बोला वो मैंने आपको बता दिया। पर इसके व्यू को क्रिटिसाइज किया गया ये बोलकर कि भाई जिन कंट्रीज में लॉ नहीं होता, सॉवरन नहीं होता, वहाँ कस्टम को लोग फॉलो करते हैं, सदियों से फॉलो करते आ रहे हैं, वहाँ भी तो कानून हो, लोग मानते हैं कानूनों को, बेशक लोगों को डर ना हो, कोई सॉवरन ना हो, थ्रेट ना हो, फिर भी वो कस्टम को फॉलो करते हैं। तो आस्तीन तो कस्टम नहीं, लोग को इग्नोर ही कर दिया बिल्कुल। तो इसकी डेफिनेशन को बहुत क्रिटिसाइज किया गया। दूसरा व्यू था कि ये लॉ है, इट इज लॉ। और ये व्यू किसने दिया था? मैंने आपको पहले बताया, ये व्यू ओपेनहाइम ने दिया था। ओपेनहाइम ने लॉ की क्या डेफिनेशन दी थी? इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन मैंने आपको शुरू में बता दी। अब ओपेनहाइम ने लॉ के बारे में क्या बोला था, ध्यान से मेरी बात सुनना। ओपेनहाइम ने क्या बोला था कि किसी भी चीज को क्या बोला इसने कि लॉ इज द बॉडी ऑफ रूल्स। लॉ क्या होता है? एक बॉडी ऑफ रूल्स होती है, बहुत सारे रूल्स की बॉडी है लॉ। लॉ इज अ बॉडी ऑफ रूल्स विच इज फॉलोड बाई द स्टेट्स, जो स्टेट उसे फॉलो करते हैं। इट इज अ बॉडी ऑफ रूल विच इज फॉलोड बाई द पीपल और कॉम्युनिटी। इसने वर्ड कॉम्युनिटी यूज किया था, सॉरी स्टेट नहीं, कॉम्युनिटी वर्ड यूज किया था। इसने क्या बोला था कि एक कॉम्युनिटी होती है हमारे पास और बॉडी ऑफ रूल्स होते हैं, और जो कम्युनिटी है वो अपनी कंसेंट से उन रूल्स को फॉलो करती है। ये तीन पॉइंट थे मेनली ओपेनहाइम की लॉ की डेफिनेशन के। ओपेनहाइम ने क्या बोला कि लॉ क्या है? लॉ एक रूल्स की बॉडी है जिसको फॉलो कौन करता है? जी कंट्रीज फॉलो करती हैं, कम्युनिटी फॉलो करती है अपनी कंसेंट से। अब ओपेनहाइम ने इंटरनेशनल लॉ को इसमें पुट किया और ये पाया कि इंटरनेशनल लॉ भी लॉ है। इंटरनेशनल लॉ क्या है? इट इज आल्सो बॉडी ऑफ रूल्स, बहुत से रूल्स की बॉडी है। इसको फॉलो कौन करता है? इंटरनेशनल कम्युनिटी। लॉ को कम्युनिटी फॉलो करती है, इंटरनेशनल लॉ को इंटरनेशनल कम्युनिटी फॉलो करती है। और कैसे फॉलो करती है? अपनी कंसेंट से। सभी इंटरनेशनल कम्युनिटी अपनी कंसेंट देती है, उसको फॉलो करती है। ये तीनों पॉइंट्स ओपेनहाइम की डेफिनेशन में फिट हो गए, इंटरनेशनल लॉ में फिट हो गए। तो ओपेनहाइम ने बोल दिया इंटरनेशनल लॉ क्या है भाई? ये तो एक लॉ है, ये लॉ नहीं है, ऐसा नहीं है, ये लॉ है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो दूसरा पॉइंट आपने ये लिख देना है कि इंटरनेशनल लॉ इज लॉ। मेरे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ आ रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दें। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी मैं वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि वो भी मेरे लेक्चर्स को देख सके। और साथ ही मैं फिर से बता देता हूँ, हमारा दूसरा चैनल है ब्लॉगिंग चैनल ब्लॉग्स विद ट्विंस। हमने नया चैनल बनाया है जिसमें हम डेली लाइफ के ब्लॉग्स डालते हैं, तो प्लीज़ आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, हमें उस चैनल में भी अपनी सपोर्ट दें। अब तीसरा जो व्यू था वो क्या था? इंटरनेशनल लॉ इज़ अ वीक लॉ। जो स्टार्क थे, स्टार्क ने क्या बोला कि मान लिया इंटरनेशनल लॉ लॉ है, पर ये एक वीक लॉ है। एक तो म्यूनिसिपल लॉ होता है जो कंट्रीज फॉलो करती हैं, अपने देश के लिए बनाती हैं, एक इंटरनेशनल लॉ होता है जो डिफरेंट नेशंस फॉलो करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। तो जो हमारे प्रोफेसर स्टार्क थे उन्होंने बोला कि ये इंटरनेशनल लॉ लॉ तो है पर एक वीक लॉ है, ये कमज़ोर कानून है। कमज़ोर कानून क्यों है? इन्होंने बोला कि लॉ बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेजिस्लेटिव ऑर्गन चाहिए होता है। लेजिस्लेचर वो ऑर्गन है जो लॉ बनाता है। फिर हमें एक एग्जीक्यूटिव ऑर्गन चाहिए होता है जो क्या करता है? उस लॉ को एग्जीक्यूट करता है, लोगों तक पहुंचाता है। फिर हमें एक जुडिशरी चाहिए होती है जो क्या करती है? उस लॉ को इंटरप्रेट करती है। पर इंटरनेशनल लेवल पर ये तीनों मशीनरीज अवेलेबल नहीं है, तीनों मशीनरीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। हाउएवर 1945 में जब यूएनओ बन गया था, 24 अक्टूबर 1945 को जब यूएनओ बन गया था, उस टाइम यूएनओ यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी काउंसिल
जनरल असेंबली, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये ऑर्गन निकल के सामने आए और ये तीन ऑर्गन कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी का ही काम करते हैं। पर जो एक्चुअल में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी है, वैसे एक्चुअल में हम ऐसा नहीं बोल सकते कि यूएनओ के ये ऑर्गन जो है वो सेम एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी का काम ही करते हैं। हम ऐसा कंप्लीट नहीं बोल सकते। इसीलिए स्टार्क ने ये बोला कि इंटरनेशनल लॉ एक वीक टाइप का लॉ है, एक स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं है। आप नेचर में ये भी लिखोगे। इसके अलावा नेचर में अगला पॉइंट क्या आता है आपका, अगला पॉइंट आपका आता है इंटरनेशनल लॉ का नेचर क्या है, इट इज़ अ वैनिशिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस। वैनिशिंग पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट्स, दो लाइनें जो आपस में जा रही हैं वो पैरेलल हैं, अगर ये लाइनें कहीं पे आपस में मिल जाती हैं, ये लाइनें कहीं पे आपस में मिल जाती हैं, तो ये पॉइंट आपका वैनिशिंग पॉइंट होता है। तो ध्यान से मेरी बात सुनना, होलैंड क्या बोलना चाहते थे, होलैंड ये बोलना चाहते थे कि भाई ज्यूरिसप्रूडेंस मतलब लॉ, ज्यूरिसप्रूडेंस का मतलब लॉ ही तो है, ज्यूरिसप्रूडेंस बॉडी ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ, लॉ ज्यूरिसप्रूडेंस मतलब लॉ कानून, जो ज्यूरिसप्रूडेंस है और जो इंटरनेशनल लॉ है ये आपस में कभी इकट्ठे हो ही नहीं सकते, ये आपस में इकट्ठे कभी मिल ही नहीं सकते कहीं, क्योंकि जैसे दो लाइनें आपस में इकट्ठी नहीं हो सकती, नहीं पैरेलल लाइनें जो रेल की पटरी हैं वो दोनों कभी भी आपस में इकट्ठी नहीं हो सकती, वैसे ही लॉ और ज्यूरिसप्रूडेंस आपस में कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। अर्थात लॉ अलग है, इंटरनेशनल लॉ अलग है, यही नेचर की बात करी हमारे प्रोफेसर होलैंड ने, स्कॉलर होलैंड ने। तो ये सारा पढ़ने के बाद हमें समझ आ गया इंटरनेशनल लॉ का बेसिस। अगर आपको ये क्लियर हो गया हो तो प्लीज़ हमें, मुझे आगे बताइए, फिर हम आगे नया टॉपिक शुरू करते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को, बेसिस तक क्लियर है, सॉरी नेचर तक क्लियर है सभी को, मुझे नेचर तक बता दीजिए, यहाँ तक क्लियर है सभी को, फिर हम आगे शुरू करते हैं। जी आशीष कुमार जी, थैंक यू सो मच, बाकी भी रिप्लाई कर दें, 19 सतारा ही ऑनलाइन है मेरे साथ, तो प्लीज़ रिप्लाई आल्सो रिप्लाई कीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दें अगर आपने वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है। सुरेंद्र मलिक यस सर, कमलेश कुमार यस सर, ठीक है थैंक यू सो मच। तो अगला जो टॉपिक है वो है बेसिस, इंटरनेशनल का बेसिस क्या है, वट इज़ द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये टॉपिक है बेसिस। पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, या बेसिस पढ़ने से पहले एक बार सब्जेक्ट मैटर पढ़ लेते हैं, एक बार सब्जेक्ट मैटर पढ़ लेते हैं, क्यों, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं मैं बता देता हूँ आपको, सब्जेक्ट मैटर पहले पढ़ते हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है वट इज़ इंटरनेशनल लॉ, इट्स मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, स्कोप। मीनिंग भी हो गया, डेफिनेशन भी होगी, नेचर भी हो गया, जो स्कोप है ना वो सब्जेक्ट मैटर ही है, जो स्कोप है ना वो सब्जेक्ट मैटर ही है, कि इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट मैटर क्या है, स्कोप क्या है, इंटरनेशनल लॉ किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो अगर मैं सब्जेक्ट मैटर की बात करूं, इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट मैटर क्या है, तो इसके रिगार्डिंग तीन थ्योरीज हैं, तीन प्रकार के व्यूज़ हैं, तीन प्रकार के जो हैं वो हमारे पास व्यूज़ हैं, तीन थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी है रियलिस्टिक थ्योरी, जो दूसरी थ्योरी है हमारे पास वो है फंक्शनल, फिक्शनल थ्योरी, फिक्शनल, वो है फिक्शनल थ्योरी, वो है फिक्शनल थ्योरी। और जो तीसरी थ्योरी है हमारे पास, जो तीसरी थ्योरी है हमारे पास वो है फंक्शनल थ्योरी, अगर मैं सब्जेक्ट मैटर की बात करूं या मैं स्कोप की बात करूं, तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास तीन थ्योरीज है बेसिकली, एक है फंक्शनल थ्योरी, एक है फिक्शनल थ्योरी और एक है रियलिस्टिक थ्योरी। मेरी बात सुन, मुझे फ़ोन दे, मैं फ़ोन पे बैठ जाने वाली है, मुझे फ़ोन देना अपना, फ़ोन लगा कर मेरे फ़ोन पे बैठ जाने वाली है, ठीक है। तो ये तीन थ्योरीज हैं, तीन व्यूज़ हैं हमारे पास सब्जेक्ट मैटर को लेकर या स्कोप को लेकर। पहला जो रियलिस्टिक थ्योरी है वो ये मानती है कि स्टेट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरनेशनल लॉ,
मतलब इंटरनेशनल लॉ में हम क्या पढ़ेंगे, केवल कंट्रीज के बारे में। कंट्रीज को ही रेगुलेट करता है इंटरनेशनल लॉ, कंट्रीज के लिए बनाया जाता है, स्टेट्स के लिए बनाया जाता है और किसी के लिए नहीं बनाया जाता। दूसरा जो व्यू है वो ये बोलता है इंडिविजुअल इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। दूसरा क्या बोलता है कि इंडिविजुअल है इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट, इंटरनेशनल लॉ की स्कोप में इंडिविजुअल आता है, स्टेट नहीं आता। स्टेट कौन है? इंडिविजुअल ही तो स्टेट को चलाता है। स्टेट तो एक मेरली फिक्शन है, फिक्शन मतलब एक सोच है, इमेजिनेशन है। स्टेट थोड़ा ना जाके कोई रिलेशन बनाती है, इंडिविजुअल जाता है, ह्यूमन बीइंग जाता है स्टेट को रिप्रेजेंट करते हुए। दूसरी जो थ्योरी है वो ये बोलती है इंडिविजुअल इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और जो तीसरी थ्योरी है वो ये बोलती है कि भाई स्टेट इसके साथ साथ इंडिविजुअल, इसके साथ साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे क्या हैं, ये सब्जेक्ट हैं इंटरनेशनल लॉ के, अर्थात इंटरनेशनल लॉ की स्कोप में ये सारे आएंगे। बोलने का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्तों कि पेपर में क्वेश्चन आता है सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ या स्कोप ऑफ इंटरनेशनल लॉ, तो आप तीन थ्योरीज को मेंशन करोगे, डायग्राम बनाओगे। पहली थ्योरी रियलिस्टिक थ्योरी जो ये बोलता है कि स्टेट ही सब्जेक्ट मैटर है इंटरनेशनल लॉ का, इंटरनेशनल लॉ स्टेट के लिए बनाया जाता है, स्टेट के लिए ही, स्टेट्स को ही रेगुलेट करता है, रियल में स्टेट है जिसके लिए इंटरनेशनल लॉ काम करता है। पर इसी व्यू को क्रिटिसाइज किया गया। और दूसरी थ्योरी आती है हमारी फंक्शनल थ्योरी। फंक्शनल थ्योरी क्या बोलती है कि स्टेट तो मेयर फिक्शन है, एक सोच है, इमेजिनेशन है, एक्चुअल में काम कौन करता है, उसमें रहने वाले इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल ही मेन रूट है लॉ का, रूट जो लॉ जिसके लिए बनाया जाता है वो इंडिविजुअल है, मेनली इंडिविजुअल्स के लिए लॉ बनाया जाता है, स्टेट के लिए नहीं बनाया जाता। स्टेट कौन है? स्टेट तो एक फिक्शन है, कि हमारी सोच है, कोई स्टेट को हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, और वो कंक्रीट भी नहीं है, वो तो अब्स्ट्रैक्ट है, वो तो हम देख नहीं सकते। इंडिविजुअल है इसी मायने में जिसके लिए इंटरनेशनल लॉ बनाया जाता है। और तीसरा जो है वो इन दोनों थ्योरीज को क्रिटिसाइज करते हुए नया जो थ्योरी है वो है फंक्शनल थ्योरी, जिसके अनुसार कि भाई स्टेट, इंडिविजुअल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे ही इंटरनेशनल लॉ की स्कोप में आएंगे, इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट मैटर में आएंगे। तो ये आपका सब्जेक्ट मैटर हो गया, इंटरनेशनल लॉ की स्कोप हो गई। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अगर आपको सब्जेक्ट मैटर समझ आ गया हो तो मुझे बता दें, फिर मैं आगे चलता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। बाकी हमें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। और अगर आप हमारे लेक्चर देखकर आपको समझ आता है और आप हमें कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं कोई भी अमाउंट, 1 रुपये से ले कितना भी, तो आप हमें गूगल पे नंबर 8218-20461 इस नंबर पर आप हमें कॉन्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं जी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो अब आगे चलते हैं। आगे हमने क्या पढ़ लिया? हमने इंटरनेशनल लॉ का मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, स्कोप, ये तो मेन हमने पढ़ लिया। अब आता है बेसिस। बेसिस क्या है इंटरनेशनल लॉ का? इंटरनेशनल लॉ का बेस क्या है? क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि इंटरनेशनल लॉ आया कहाँ से, इसका बेस क्या है? तो इसके रिगार्डिंग 3-4 थ्योरीज हैं। सबसे पहले जो थ्योरी है, आप बोलोगे इंटरनेशनल लॉ में थ्योरी से पढ़ने को मिल रही है, आपको इंटरनेशनल लॉ में थ्योरीज ही मिलेंगी, हर एक टॉपिक में थ्योरीज होंगी। थ्योरीज होती क्या है? एक अपनी विचारधारा होती है, मैंने कुछ बोला तो मेरी थ्योरी बन गई। वैसे जो हमारे पुराने स्कॉलर्स थे उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी, उसके हिसाब से थ्योरीज बन गई। तो थ्योरीज आपको पढ़नी पड़ेंगी इंटरनेशनल लॉ में। तो बेसिस में 2-3 थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी है नेचुरल लॉ थ्योरी। नेचुरल लॉ थ्योरी इंटरनेशनल लॉ के बेसिस को लेकर पहली थ्योरी है नेचुरल लॉ थ्योरी। और दूसरी थ्योरी है पॉजिटिविस्ट, पॉजिटिविस्ट थ्योरी। दूसरी थ्योरी क्या है? पॉजिटिविस्ट थ्योरी। तो मेरे दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनना, जो नेचुरल लॉ थ्योरी है इसको सपोर्ट करने वाले थे पुफेंडोरफ। पुफेंडोरफ, ये नाम आपने याद रख लेना है, पुफेंडोरफ का। इसने सपोर्ट किया था नेचुरल लॉ थ्योरी को। और पॉजिटिविस्ट थ्योरी को जिन्होंने सपोर्ट किया था उनका नाम था आस्टिन, उनका नाम था आस्टिन। नेचुरल लॉ को सपोर्ट करने वाले थे पुफेंडोरफ और पॉजिटिविस्ट थ्योरी को सपोर्ट करने वाले थे आस्टिन।
अब मेरे दोस्तों पहले नेचुरल लॉ थ्योरी पढ़ते हैं, फिर पॉजिटिविस्ट थ्योरी पढ़ेंगे, और पॉजिटिविस्ट थ्योरी जो है वो कहीं ना कहीं बेस करती है कंसेंट के ऊपर, मैं आपको बताऊंगा कैसे बाद में, डोंट वरी। और ये जो बेस करती है नेचुरल लॉ थ्योरी नेचर के ऊपर या नेचुरल लॉ के ऊपर, नेचुरल लॉ के ऊपर। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये अराइज होता है हमारे पास कि इंटरनेशनल लॉ का बेस क्या है, इंटरनेशनल लॉ आया कहाँ से है। तो सबसे पहला व्यू जो है वो है नेचुरल लॉ थ्योरी वालों का। जो नेचुरल लॉ थ्योरी वाले हैं वो ये मानते हैं कि इंटरनेशनल लॉ नेचुरल लॉ से आया है, नेचुरल लॉ इज द बेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अब आप बोलोगे नेचुरल लॉ क्या होता है, तो मेरे दोस्तों नेचुरल लॉ का मतलब है एक ऐसा लॉ जो रिलीजन के साथ लिंक करता हो, बेसिकली नेचुरल लॉ यही है। हम जो स्टूडेंट्स में नेचुरल लॉ स्कूल पढ़ते हैं तो नेचुरल लॉ इज दैट लॉ विच लिंक्ड विद द रिलीजन, जिसका लिंक रिलीजन के साथ होता है। तो जो नेचुरल लॉ स्कूल वाले थे वो ये मानते थे इस थ्योरी वाले कि जो नेचुरल लॉ जहाँ से आया है वहाँ से ही इंटरनेशनल लॉ आया है। अब नेचुरल लॉ कहाँ से आया है, वो रिलीजन से आया है, तो इंटरनेशनल लॉ भी कहीं ना कहीं रिलीजन से ही आया है, ये मानना है नेचुरल लॉ थ्योरी वालों का। लेकिन इस पॉइंट को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया कि ये वेग है, क्लियर नहीं है, पता ही नहीं है नेचुरल लॉ क्या होगा, रिलीजन जो है वो कंसेप्ट पता ही नहीं है हमें, तो इस पॉइंट को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया। बाद में क्या हुआ, एक नया व्यू निकल के सामने आया, वो था पॉजिटिविस्ट थ्योरी, जिसको आस्टिन ने दिया। और आस्टिन ने क्या बोला कि जो इंटरनेशनल लॉ है उसका बेस कोई नेचुरल लॉ नहीं है, कोई नेचर नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, बट कंसेंट है। जहां भी पॉजिटिविस्ट आ जाए वहां कंसेंट, आप याद रहा कंसेंट, कंसेंट किसकी, वेरियस कंट्रीज की। इंटरनेशनल लॉ कहां से आया, बहुत सारी कंट्रीज की कंसेंट से आया, किसकी कंसेंट से, कंट्रीज की, स्टेट की, जो वेरियस स्टेट्स हैं उनकी, वेरियस स्टेट्स जो हैं, वेरियस कंट्रीज जो हैं उनकी कंसेंट से इंटरनेशनल लॉ आया। ये किसने बोला, ये बोला पॉजिटिविस्ट ने। तो बेस क्या हुआ, पॉजिटिविस्ट के अनुसार इंटरनेशनल लॉ का कंसेंट, कंसेंट किसकी, वेरियस कंट्रीज की। और ये पॉजिटिविस्ट थ्योरी जो है ना, इसमें आपने आस्टिन लिखा, उसके बाद एक मेन नाम और लिख लो आप, वाइकनर शूक, वाइकनर शूक, वाइकनर शूक, SHOEK, वाइकनर शोक। जो वाइकनर शोक थे हमारे प्रोफेसर, इन्होंने भी, जो स्कॉलर थे इन्होंने भी पॉजिटिविस्ट थ्योरी को फोकस किया। मतलब अगर मैं बेस की बात करूँ इंटरनेशनल का बेस क्या है, तो दो थ्योरीज हमारे पास सामने आती है फिलहाल। एक है नेचुरल लॉ थ्योरी, जिसके अनुसार इंटरनेशनल लॉ का बेस क्या है, वो लॉ ऑफ नेचर है, और लॉ ऑफ नेचर का बेस क्या है, रिलीजन है। तो इंटरनेशनल लॉ का बेस भी क्या हुआ, रिलीजन हुआ। लेकिन दूसरा व्यू है वो है पॉजिटिविस्ट थ्योरी। पॉजिटिविस्ट थ्योरी के अनुसार क्या है इंटरनेशनल लॉ का बेस, कंसेंट, कंसेंट किसी कंट्रीज की, जब कंट्रीज ने अपनी कंसेंट दी तो इंटरनेशनल लॉ आ गया, अदरवाइज इंटरनेशनल लॉ नहीं आता। वाइकनर शूक ने भी इसको फॉलो किया। वाइकनर शूक ने बोला कि जो कंसेंट है, जो कंट्रीज कंसेंट देती हैं वो एक्सप्रेसली भी दे सकती हैं, इम्प्लाइडली भी दे सकती हैं। एक्सप्रेसली कैसे देंगी सभी कंट्रीज इंटरनेशनल लॉ को बनाने के कंसेंट, किसी एग्रीमेंट में साइन कर कर, एग्रीमेंट रिटन कन्वेंशन के ऊपर साइन कर कर एक्सप्रेसली वो अपने कंसेंट देंगी। और जो कंट्रीज हैं वो इम्प्लाइडली कैसी कंसेंट देंगी, अगर कोई कंट्री किसी यूसेज को काफ़ी लंबे टाइम से फॉलो कर रही हैं, कस्टम को काफ़ी लंबे टाइम से फॉलो कर रही हैं, तो मतलब वो इम्प्लाइडली कंसेंट है उसके ऊपर, बेशक रिटर्न में नहीं है पर इम्प्लाइडली उस, अगर वैसे लो इंटरनेशनल लेवल पे बन जाता है तो कंट्री ने इम्प्लाइडली कंसेंट दे दिया क्योंकि वो उसको ऑलरेडी फॉलो कर रही हैं, तो दिस इज इम्प्लाइड कंसेंट। इसके अलावा मेरे दोस्तों दो तीन पॉइंट आप और रख लो, थ्योरी ऑफ कंसेंट के ऊपर बेस करता है पॉजिटिविस्ट, इसके ऊपर एक होता है हमारा ऑटो लिमिटेशन थ्योरी। ये समझना आप ध्यान से, बेसिस में आप लिखोगे अदर थ्योरीज में, दो तो मेन है जो मैंने आपको करा दी, दो तो मेन है, इसके अलावा इसके अलावा दो थ्योरीज मैंने आपको करा दी मेन जो है, इसके अलावा एक आती है हमारी ऑटो लिमिटेशन थ्योरी, ऑटो लिमिटेशन थ्योरी। ऑटो लिमिटेशन थ्योरी जो है ये भी बेसिस की बात करती है। इसके अनुसार इंटरनेशनल लॉ का बेस क्या है,
ऑटो लिमिटेशन है। ऑटो लिमिटेशन मतलब अपने आप अपनी पावर को लिमिट कर लेना। इस थ्योरी के अनुसार जितनी भी कंट्रीज हैं उन्होंने अपनी पावर को खुद लिमिट कर लिया है और इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करना शुरू कर दिया, और यही बेस है इंटरनेशनल लॉ का। अर्थात इंटरनेशनल लॉ कंट्रीज के ऊपर थोपा नहीं गया, पर कंट्रीज ने खुद, मतलब ये थ्योरी कहीं ना कहीं कंसेंट थ्योरी का ही पार्ट है, ये आप याद रखें, कंसेंट थ्योरी से ही निकली हुई थ्योरी है, ये आप इस बात को याद रखें। इसमें क्या बोला गया कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, इंटरनेशनल लॉ को बहुत सारी कंट्रीज ने फॉलो कर लिया और अपनी पावर को लिमिट कर फॉलो करना शुरू कर दिया, ये इसका बेस है। इसके अलावा एक अगली थ्योरी है, वो है पैक्टा सेट सर्वंडा। पैक्टा सेंट सर्वंडा, इंटरनेशनल लॉ में पैक्टा सेट सर्वंडा, इसका क्या मतलब होता है, ये भी थ्योरी है, ये भी एक पॉइंट है जिसके जो बात करता है इंटरनेशनल लॉ के बेस की। इसका मतलब ये होता है कि भाई जो कंट्री के बीच ट्रीटीज हो रही हैं या जो एग्रीमेंट्स हो रही हैं या जो कन्वेंशंस हो रही हैं, दैट कन्वेंशंस दैट एग्रीमेंट्स दैट एग्रीमेंट्स मस्ट बी फॉलोड इन गुड फेथ। ये बात करता है बेसिकली गुड फेथ में, वो गुड फेथ की। ये क्या बोलता है, जो भी कंट्रीज के बीच ट्रीटीज हो रही हैं वो ट्रीटीज गुड फेथ में फॉलो भी करी जानी चाहिए, बैड फेथ में नहीं, गुड फेथ में। तो ये भी एक इंटरनेशनल लॉ का बेस माना गया कि इंटरनेशनल लॉ का बेस क्या है, गुड फेथ। लोगों की कंट्रीज के बीच गुड फेथ है तो इंटरनेशनल लॉ है, अगर गुड फेथ नहीं होगा कोई बंदा किसी ट्रीटी को मानेगा ही नहीं, जब मानेगा नहीं तो इंटरनेशनल लॉ कहाँ से आ जाएगा। तो इंटरनेशनल लॉ के बेस के रिगार्डिंग आपने तीन चार थ्योरीज याद रख लेनी है। पहली थ्योरी नेचुरल लॉ थ्योरी, जिसके अनुसार नेचुरल लॉ इंटरनेशनल लॉ का बेस है। दूसरी थ्योरी पॉजिटिविस्ट थ्योरी, जिसके अनुसार जो कंसेंट कंट्रीज देती हैं अपनी खुद, वो इंटरनेशनल लॉ का बेस है। तीसरी थ्योरी ऑटो लिमिटेशन थ्योरी, जिसके अनुसार कंट्रीज ने अपनी पावर को लिमिट कर लिया तभी इंटरनेशनल लॉ आया। और चौथी थ्योरी पैक्टा सेट सर्वंडा, जिसका मतलब है कि कंट्रीज गुड फेथ की वजह से इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करती हैं। बेसिस अगर आपको क्लियर हो गया तो एक बार मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, फिर हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे जो कि है सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अगर बेसिस क्लियर हो गया हो तो मुझे बता दीजिए, फिर हम सोर्सेज को शुरू करेंगे। वीडियो को लाइक भी कर दें साथ साथ में आप लोग, बहुत ज्यादा अच्छे से समझ आ गया। थैंक यू फरहत मंसूरी, क्लियर सर सत्येंद्र जी, थैंक यू सो मच, माइंड ब्लोइंग क्लास, थैंक यू सो मच, यस सर यस सर यस सर, ओके प्लीज लेट मी नाउ कि आपको यहाँ तक समझ आ गया, सो दैट वी कैन कंटिन्यू। ठीक है वेरी गुड वेरी गुड। तो अब अगला टॉपिक आता है सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ का सोर्स क्या है, इंटरनेशनल लॉ आया कहाँ से है। अगर मैं नेशनल लॉ की बात करूँ तो नेशनल लॉ के सोर्सेज आपने पढ़े होंगे, कस्टम प्रेसिडेंट्स, प्रेसिडेंट्स कस्टम, इसके अलावा हमारे मेन तो कस्टम और प्रेसिडेंट्स ही होते हैं हमारे, लेजिस्लेचर जो कि लॉ बनाता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि इंटरनेशनल लॉ का सोर्सेज क्या है, इंटरनेशनल लॉ कौन कौन बनाता है, कहाँ कहाँ से बनता है, कैसे कैसे बनता है। तो मेरे दोस्तों जो हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफजस्टिस का स्टैट्यूट का जो आर्टिकल 38 है, किसका आर्टिकल 38, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है जी, एक ऑर्गन है यूएनओ का, यूएनओ के 6 ऑर्गन हैं, 6 या 7 ऑर्गन आई थिंक, और उस ऑर्गन में से क्या हुआ, उस ऑर्गन में से एक ऑर्गन है हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका एक अपना स्टैट्यूट बना हुआ है, एक अपना कानून बना हुआ है, एक एक्ट बना हुआ है जिसके अनुसार ये काम करता है। उस स्टैट्यूट का जो आर्टिकल 38 है वो कहीं ना कहीं हमें इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज के बारे में बताता है। तो यहाँ पे सबसे पहला सोर्स कौन है इंटरनेशनल लॉ का, इंटरनेशनल कन्वेंशंस। सबसे पहला सोर्स कौन है इंटरनेशनल लॉ का, इंटरनेशनल कन्वेंशंस। दूसरा सोर्स कौन है इंटरनेशनल लॉ का, कस्टम। तीसरा सोर्स कौन है इंटरनेशनल लॉ का, जुडिशियल डिसीजंस, जुडिशियल डिसीजन तीसरा सोर्स है, जुडिशियल डिसीजन। चौथा सोर्स कौन है इंटरनेशनल लॉ का, जनरल प्रिंसिपल्स, जनरल प्रिंसिपल्स
recognized by the civilized state. Recognized by the civilized state. Civilized state. Recognized by the civilized state. और अगला एक सोर्स पांच में आप लिख सकते हैं, डिसीजन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. डिसीजंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस. इसके बाद छठा सोर्स आप ना ज्यूरिस्टिक वर्क भी बोल सकते हो. ज्यूरिस्टिक वर्क, ज्यूरिस्टिक वर्क. वैसे ज्यूरिस्टिक वर्क जो है वो जुडिशियल डिसीजन में ही कवर हो जाता है, जुडिशियल डिसीजन में ही कवर हो जाता है. तो 38 जो आर्टिकल है उसमें ये सारे ने दिए हुए हैं सोर्सेज, उसमें इंटरनेशनल कन्वेंशन, कस्टम और जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द सिविलाइज्ड स्टेट, ये कुछ एक पॉइंट्स वहाँ पे दिए हुए हैं, सारों को वहाँ पे कवर नहीं किया हुआ. तो इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज क्या क्या हैं? सबसे पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन. तो दोस्तों इंटरनेशनल लॉ कैसे बनता है? कन्वेंशन से बनता है. कन्वेंशन मतलब एग्रीमेंट, कन्वेंशन मतलब ट्रीटीज. जब दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज आपस में एग्रीमेंट करते हैं किसी पॉइंट को लेकर, तो जो उन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया वो लॉ बन जाता है उन दोनों कंट्रीज़ को आपस में रेगुलेट करने का. तो अगर मैं इंटरनेशनल कन्वेंशन की बात करूं तो कन्वेंशन दो प्रकार की हो सकती हैं, कन्वेंशन दो प्रकार की हो सकती हैं. एक तो कन्वेंशन वो हो सकती हैं जो दो कंट्रीज़ के लिए बनी हो, एक तो कन्वेंशन वो हो सकती हैं जो दो कंट्रीज़ के लिए बनी हो, और दूसरी कन्वेंशन वो हो सकती हैं जो पूरे वर्ल्ड के लिए बनी हो. हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एक तो ऐसा हो सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान ने आपस में मिलकर कोई एग्रीमेंट किया और कन्वेंशन बन गई. और दूसरा ये हो सकता है कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कोई कन्वेंशन बनाई कि हमने एनवायरनमेंट को बचाना है और ये डेट है, इस डेट से पहले पूरा वर्ल्ड इसको स्वीकार करे, उस कन्वेंशन में पूरी कंट्रीज उसको स्वीकार करेंगी. तो कन्वेंशन दो प्रकार की हो सकती है, एक तो वो जो दो कंट्री के बीच रिलेशन को रेगुलेट करती है, और एक वो जो वर्ल्ड में मैक्सिमम कंट्रीज के रिलेशन को रेगुलेट करती हैं. और दोनों ही कन्वेंशंस इंटरनेशनल कन्वेंशंस में आ जाती हैं. जो दो कंट्री के रिलेशन को रेगुलेट करती है वो कन्वेंशन केवल दोनों कंट्रीज के रिलेशन को ही रेगुलेट करेगी, दोनों कंट्रीज के लिए इंटरनेशनल लॉ माना जाएगा, और जो पूरे वर्ल्ड में होती हैं वो पूरे वर्ल्ड के लिए मानी जाएंगी. पर जिन कंट्रीज ने उस कन्वेंशन को सिग्निफाई नहीं किया, कंसेंट नहीं दी, उनके ऊपर वो कन्वेंशन भी बाइंडिंग नहीं होगी. आप ये बात भी रखें. तो पहला हमें समझ आ गया, इंटरनेशनल कन्वेंशन इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ. दूसरा इंटरनेशनल कस्टम. दूसरा कौन है? इंटरनेशनल कस्टम. ये दूसरा सोर्स इंटरनेशनल लॉ का वो है इंटरनेशनल कस्टम. कस्टम क्या होता है? बेसिकली कस्टम का मतलब होता है ऐसे रूल्स, ऐसे रेगुलेशंस जो हम सदियों से फॉलो करते आ रहे हैं. मान लो डिफरेंट कंट्रीज जो थी वो सदियों से कुछ चीज़ को फॉलो कर रही थी, तो वही बाद में इंटरनेशनल लॉ बन जाएगा, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ बन जाएगा. इसको बोला जाता है कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, बहुत सारे केसेज हैं हमारे पास कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के. फर्द मसूरी, थैंक यू सो मच. आप प्लीज़ अपनी यूनिवर्सिटी बता दें, कौन सी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं आप, और साथ में अपने स्टूडेंट्स के, अपने दोस्तों के साथ भी अपनी ये जो हमारा लेक्चर को शेयर जरूर करें, और साथ में आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दें. तो अब कस्टम की मैं अगर बात करूँ तो कस्टम का मतलब होता है ऐसे रूल्स जो हम सदियों से फॉलो करते आ रहे हैं. इंटरनेशनल लॉ तो अभी डेवलप होने लगा कुछ टाइम पहले, लेकिन कुछ चीज़ें तो हम सदियों से फॉलो करते आ रहे थे. डिफरेंट कंट्रीज आपस में रिलेशन तो सदियों से बनाती आ रही थी, वो सदियों से चीज़ों को फॉलो करते आ रहे थे, तो वही कस्टम है. तो कस्टम इंटरनेशनल लॉ का सोर्स माना जाएगा, पर एक कस्टम वैलिड कस्टम तब माना जाएगा जब उसकी कुछ कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएंगी. वो लॉन्ग होना चाहिए, लॉन्ग ड्यूरेशन से चलता होना चाहिए. देयर मस्ट बी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ अ कस्टम. कस्टम मस्ट बी यूनिफॉर्म, मतलब जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो सभी लोग उस एरिया के, उस कंट्री के, उस दो या तीन कंट्रीज के लोग एक जैसा यूनिफॉर्म,
सेम सेम उस कस्टम को फॉलो करें, मतलब पहला पॉइंट बन जाएगा, या आप लिखोगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कस्टम। कभी कभी कस्टम के ऊपर क्या क्वेश्चन आ जाएगा आपको, डिस्कस द कस्टम एज ए सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, तो क्या करोगे आपको इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कस्टम की पहले आपने सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ की इंट्रोडक्शन दे दी कि सोर्सेज का मतलब क्या होता है, सोर्सेज का मतलब लॉ आया कहाँ से है, पांच सोर्सेज आप बता दो ये कौन कौन से सोर्सेज हैं, फिर कस्टम अकेला पूछा हुआ है, बाकी तो आप सारे थोड़े बता दो, पर कस्टम को आपको बड़े से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे कस्टम क्या होता है, सम रूल्स विच वी आर फॉलोइंग सिंस लॉन्ग टाइम, बट आप उसमें लिखोगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कस्टम। कस्टम के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, सबसे पहले लॉन्ग ड्यूरेशन, कस्टम ऐसा होना चाहिए जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से हम फॉलो करते आ रहे हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है चाय बहुत टेस्टी बनाई है मुनीश ने, चाय बहुत टेस्टी बनाई है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच मुनीश, थैंक यू सो मच। तो दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, वो है कस्टम मस्ट बी यूनिफॉर्म, मस्ट बी यूनिफॉर्म मतलब जो कंट्रीज फॉलो कर रही हैं वो एक जैसा कस्टम फॉलो करें, वो एक जैसा कस्टम फॉलो करें, ऐसा ना हो कि कंट्री एक कोई पर्टिकुलर ग्रुप फॉलो कर रहा है बाकी तो कहीं है ही नहीं वैसा कस्टम, तो वो कस्टम वैलिड नहीं होगा। तीसरा इसेंशियल एलिमेंट क्या है, कंटिन्यूअस कस्टम, लगातार कंटिन्यू फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने किसी कस्टम को लॉ बनाना है तो वो लगातार लोग उसको फॉलो करें, ऐसा ना हो कि एक बंदा फॉलो करे फिर कोई फॉलो ना करे, फिर फॉलो करे फिर कोई फॉलो ना करे, तो कस्टम मस्ट बी कंटिन्यूअस। अगला क्या है, रीजनेबल, कस्टम मस्ट बी रीजनेबल आल्सो, इट मस्ट नॉट बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, ऐसा नहीं होना चाहिए जो लोगों के अगेंस्ट हो, रीजनेबल कस्टम होना चाहिए। अगला है सर्टेन, प्रिसाइज, कस्टम मस्ट बी सर्टेन, मस्ट बी प्रिसाइज प्रॉपर, देन इट शुड नॉट बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, एंड दीज आर सम एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कस्टम। अब इसमें दो तीन केसेस हुए थे, एक हुआ था वेस्ट रैंड लैंड गोल्ड माइनिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेज आर, वेस्ट WEST वेस्ट रैंड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस आर। इस केस में क्या बोला गया था, ये बोला गया कस्टम, वो कस्टम वैलिड कस्टम होता है जो काफी लंबे टाइम से लोग उसे फॉलो कर रहे हो। दूसरा था पुर्तगाल वर्सेस इंडिया, इसमें भी यही बोला गया कस्टम वैलिड तभी होगा जब काफ़ी लंबे टाइम से हम उसको कंटिन्यूसली फॉलो करते आएंगे। तो हमें कस्टम भी सोर्स समझ आ गया, हमें दो सोर्स समझ आ गए मेरे दोस्तों, एक सोर्स तो हमें समझ आ गया कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज बाई सिविलाइज, सॉरी एक तो हमें आ गया समझ इंटरनेशनल कन्वेंशन, और दूसरा समझ आ गया हमें कस्टम। अब तीसरा है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज बाई सिविलाइज स्टेट, हाँ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, आई एम सो सॉरी, तीसरा मैंने लिखा है जुडिशियल डिसीजन, पहले जुडिशियल डिसीजन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं ना, आई एम सो सॉरी, जुडिशियल डिसीजन। तो स्टूडेंट्स जुडिशियल डिसीजन, जैसा म्यूनिसिपल लॉ में प्रेसिडेंट आपने सुना होगा, प्रेसिडेंट का मतलब होता है एक ऐसा लॉ जो जज बनाए, जो जजेस ने बनाया हो उसे प्रेसिडेंट बोलते हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट, हमारे हाई कोर्ट कोई जजमेंट दे दें वो लॉ बन जाता है, उसे कोई हटा नहीं सकता, वो सुप्रीम लॉ बन जाता है कंट्री का, उसको प्रेसिडेंट बोला जाता है। तो वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अगर वो कोई डिसीजन दे दे तो वो कहीं ना कहीं सोर्स बन जाता है एक इंटरनेशनल लॉ का। तो ये भी आप पॉइंट इसमें लिखोगे। इसके साथ ही ज्यूरिस्टिक वर्क में आप क्या, इसके साथ ज्यूरिस्टिक वर्क यहाँ बता रहा हूँ आपको, ज्यूरिस्टिक वर्क का मतलब होता है इसमें म्यूनिसिपल वर्क भी आ जाता है। जो हमारे देश के बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हमारे देश के जो रिनाउंड जजेस हैं जिन्होंने बड़े बड़े ऐतिहासिक जजमेंट्स दिए हैं, अगर वो भी कोई ऐसी जजमेंट दे दें जो इंटरनेशनल लॉ में काम आने वाली हो तो उसको भी इंटरनेशनल लॉ में काम लाया जाता है, वो भी इंटरनेशनल लॉ का क्या बन जाता है, सोर्स बन जाता है। इसके अलावा जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज बाई सिविलाइज स्टेट, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज बाई सिविलाइज स्टेट ये भी सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का। अब आप बोलोगे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ क्या होते हैं, तो मेरे दोस्तों जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ का मतलब होता है एक ऐसे प्रिंसिपल्स जो हम लोग वेरियस कंट्रीज सिविलाइज स्टेट वेरियस स्टेट्स जो है वेस्ट कंट्रीज उसको फॉलो कर रही हैं, वो होता है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड स्टेट। कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं ऐसे, जैसे रेस जुडिकाटा,
रेस जुडिकाटा एक ऐसा लॉ है जो हम इंडिया में फॉलो करते हैं, बाकी कंट्रीज भी फॉलो करती हैं। जैसे एस्टोपल, एस्टोपल एक ऐसा जनरल प्रिंसिपल है जो हम फॉलो करते हैं, बाकी कंट्रीज भी फॉलो करती हैं। जैसे गुड फेथ, ये एक ऐसा इंटरनेशनल लॉ है, ऐसा सोर्स है जो हम लोग फॉलो करते हैं। आई एम सो सॉरी स्टूडेंट, यहाँ फोन आ रहा है, मैं एक बार फोन को साइलेंट कर देता हूँ। ये एक ऐसा लॉ है, ये एक ऐसा लॉ है जिसको हम फॉलो करते हैं और बाकी कंट्रीज भी, सॉरी एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसको हम फॉलो करते हैं, बाकी कंट्रीज भी वर्ल्ड की फॉलो करती हैं। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं जो बाकी कंट्रीज फॉलो कर रही हैं, इंडिया फॉलो कर रहा है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, यूएसए, यूके, या सब फॉलो कर रही है, वो प्रिंसिपल्स भी इंटरनेशनल लॉ का सोर्स माने जाएंगे। रेस जुडिकाटा क्या होता है कि भाई एक केस अगर किसी जज ने सॉल्व कर दिया तो वैसा सेम केस आप उसी कोर्ट में लेकर नहीं आ सकते। तो इंटरनेशनल लॉ में भी ऐसा होगा, अगर दो कंट्रीज के बीच एक डिस्प्यूट सॉल्व कर दिया किसी कोर्ट ने तो फिर आप द्वारा से वही डिस्प्यूट लेकर नहीं आ सकते। एस्टोपल क्या होता है, आपने एक बार जो बात बोल दी अब आप उससे मुकर नहीं सकते, आपको वो पूरा करना ही पड़ेगा। इंटरनेशनल लॉ में भी प्रिंसिपल फॉलो किया जाएगा, अगर एक कंट्री ने कोई बात किसी दूसरी कंट्री को बोल दी और दूसरी कंट्री ने उस पे विश्वास करके कोई काम कर दिया तो अब दूसरी कंट्री को वो इंटरनेशनल लेवल पे फॉलो करना ही पड़ेगा। गुड फेथ, हमारे कंट्री में गुड फेथ को फॉलो करते हैं, बाकी कंट्रीज में वर्ल्ड में गुड फेथ को फॉलो किया जाता है। तो ये जो है ये जनरल प्रिंसिपल्स, ये भी इंटरनेशनल लॉ का सोर्स माने जाते हैं। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि इंटरनेशनल लॉ के सोर्स में क्या आ जाएगा। अब आगे आता है डिसीजन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, UNO, WHO, WTO, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो हमारे ICRC, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बने हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। तो वो सभी क्या है, दे ऑल आर द सोर्सेज ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। आई होप आपको सोर्सेज समझ आ गए होंगे। सोर्सेज में क्या होगा, सोर्सेज का मतलब क्या है, सोर्सेज का मतलब है फ्रॉम वेयर द लॉ हैज कम इन टू एग्जिस्टेंस, लॉ आता कहाँ से है। तो इंटरनेशनल लेवल पे 5-6 सोर्सेज हैं मेन। पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन, कन्वेंशन से लॉ बन जाता है। दूसरा कस्टम, सदियों से फॉलो करते आ रहे किसी चीज़ को, वो लॉ बन जाता है इंटरनेशनल लेवल पे। तीसरा जुडिशियल डिसीजन, इसमें हमारी कंट्रीज की भी आ जाएंगे और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के भी आ जाएंगे, वो इसमें सोर्स बन जाता है। चौथा जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड, इसमें प्रिंसिपल्स आ जाएंगे। और पांचवा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन। यहां तक समझ आ गया हो, कंप्लीट LLM कंप्लीट कर लिया है सर जी, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जुडिशरी एंड UGC नेट आल्सो। और आपको ये लेक्चर UGC नेट के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है अगर आप ध्यान से देख लेते हो। तो हमें ये समझ आ गया, यहाँ तक समझ आ गया। थैंक यू जी आशीष, थैंक यू सो मच भाई, चाय बहुत टेस्टी बनाई है मुनीश ने, आई स्वेयर टू गॉड बड़ा मजा आ गया चाय पीकर। अब हम अगला चीज़ पढ़ेंगे, वो है लास्ट टॉपिक इस यूनिट का। फर्स्ट यूनिट कवर हो गई, क्या क्या कवर किया हमने, इंटरनेशनल लॉ, उसका मीनिंग, नेचर, स्कोप, उसका बेसिस, उसके सोर्सेज, ये सारा कुछ पढ़ा हमने, है ना। तो ये फर्स्ट यूनिट कवर होगी। अब एक टॉपिक बचता है हमारा लास्ट, वो क्या बचता है हमारा लास्ट टॉपिक, वो बचता है हमारा लास्ट टॉपिक बचता है हमारा रिलेशनशिप ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ। इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ, इसमें क्या रिलेशनशिप है, व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है। ये क्वेश्चन पेपर में अक्सर आ जाता है, कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ, क्या रिलेशनशिप है। तो मेरे दोस्तों, रिलेशनशिप में बेसिकली दो थ्योरीज हैं, 3-4 थ्योरीज हैं, पर मेन दो हैं। जैसे बेसिस में 3-4 थ्योरीज थी पर मेन दो थी, तो वैसे ही इसमें दो थ्योरीज मेन हैं। पहली थ्योरी है हमारी मोनिज्म थ्योरी, और दूसरी थ्योरी है हमारी ड्यूलिज्म थ्योरी। जो मोनिज्म थ्योरी है मेरे दोस्तों, ये थ्योरी दी थी मोजर एंड मार्टन ने, दो स्कॉलर थे
मॉर्जन एंड मार्टन, इन दोनों ने मोनिज्म थ्योरी को दिया था। और जो ड्यूलिज्म थ्योरी है वो किसने दी थी, वो दी थी एंजिलोटी, एंजिलोटी, ये नाम अच्छे से याद कर लें आप, एंजिलोटी और यूजीसी नेट वाले तो अच्छे से याद कर लें जो तैयारी कर रहे हैं, एंजिलोटी एंड ट्रिपल, इन्होंने ये थ्योरी दी थी। जो मोनिज्म थ्योरी थी इसको बाद में फर्दर डेवलप किया था कैल्सन ने, कैल्सन ने जो ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे उन्होंने बाद में इसको फर्दर डेवलप किया था। तो ये दो थ्योरीज तो मेन है रिलेशनशिप को लेकर कि इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ, म्यूनिसिपल लॉ मतलब जो हमारी कंट्रीज का लॉ होता है और इंटरनेशनल लॉ मतलब जो हमने पढ़ लिया जो कंट्रीज का लॉ होता है और म्यूनिसिपल लॉ जो कंट्री के अंदर लॉ बनाया जाता है लोगों के लिए, इन दोनों में रिलेशन क्या क्या है। ये दो थ्योरी मेन है, इसके अलावा एक है ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी, एक है स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी, ये हम बाद में देखेंगे, ये जनरल सी हैं, मेन दो हैं, मेन थ्योरीज दो हैं। तो मोनिज्म थ्योरी क्या है मेरे दोस्तों, मोनिज्म थ्योरी क्या बोलती है कि इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ इन दोनों में ये रिलेशन है कि इन दोनों में कोई फर्क ही नहीं है। रिलेशन समझने की कोशिश करना कि इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ आर क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर, दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द बोथ, दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मोनिज्म के अनुसार द लॉज आर मेड फॉर द ह्यूमन बींग, फॉर द ह्यूमन बींग, लोगों के लिए कानून बनाए जाते हैं, जो लोग हैं दे आर द मेन रूट ऑफ द लॉ, लॉ की मेन रूट कौन है, वो लोग हैं, जड़ कौन है, वो लोग हैं, हम लोग इंडिविजुअल ह्यूमन बींग, हम लोग मेन, हमारे लिए कानून बनाए जाते हैं। तो चाहे म्यूनिसिपल लॉ बनाया जाए, चाहे इंटरनेशनल लॉ बनाया जाए, बनाया तो हम लोगों के लिए जाएगा, ह्यूमन बींग्स के लिए जाएगा। मतलब बोलने का क्या हुआ कि इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ में ऐसा रिलेशन है कि इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों जो कानून हैं वो बेसिकली किसके लिए बनाए जाते हैं, वो बेसिकली ह्यूमन बींग के लिए बनाए जाते हैं, ह्यूमन बींग इज द मेन रूट ऑफ द लॉ, देयरफॉर देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द बोथ। आई होप आपको मोनिज्म समझ आ गई होगी। लेकिन ड्यूलिज्म, ड्यूलिज्म ने बोला कि भाई एंजिलोटी और ट्रिपल ने इसको फॉलो किया, इन्होंने बोला कि भाई इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ में ये रिलेशनशिप है कि इंटरनेशनल लॉ कंट्रीज स्टेट्स के बीच रिलेशन को रेगुलेट करता है और म्यूनिसिपल लॉ एक देश के लोगों को रेगुलेट करता है। अर्थात इसमें क्या बोला कि इंटरनेशनल लॉ म्यूनिसिपल लॉ सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट हैं। इंटरनेशनल लॉ इंटरनेशनल लेवल पर वेरियस कंट्रीज को रेगुलेट करता है उनके रिलेशन को, और म्यूनिसिपल लॉ एक देश के लोगों को रेगुलेट करता है। सभी कोशिश करो मेरे स्टूडेंट्स, मोनिज्म में इंडिविजुअल को मेन रूट बताते हुए बोला गया कि लो इंडिविजुअल के लिए बनाया जाता है, कोई फर्क ही नहीं है दोनों में, दोनों आपस में सेम है। लेकिन ड्यूलिज्म में बोला कि नहीं दोनों सेम नहीं है, एक वेरियस कंट्रीज के रिलेशन को रेगुलेट करता है इंटरनेशनल लॉ, और म्यूनिसिपल लॉ एक कंट्री के बीच लोगों को रेगुलेट करता है, मतलब लोगों के लिए बनाया जाता है म्यूनिसिपल लॉ, कंट्रीज के लिए बनाया जाता है इंटरनेशनल लॉ। ये दोनों में, दोनों थ्योरीज ने हमें बताया इंटरनेशनल म्यूनिसिपल लॉ में क्या रिलेशन है। अब इसमें एक अदर थ्योरी है, वो है स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी, स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी। ये क्या होती है स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी का मतलब क्या है कि इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ आपस में ऐसे लिंक करते हैं, इनका ये रिलेशन है कि जो इंटरनेशनल लॉ होता है उसको म्यूनिसिपल लॉ या म्यूनिसिपल कंट्री में एक लोगों के ऊपर एप्लीकेबल किया जा सकता है, पर एक स्पेसिफिक अडॉप्शन से, अर्थात इंटरनेशनल लेवल पे लॉ बना दिया, अब उसको कंट्रीज स्पेसिफिकली अडॉप्ट करेंगी तभी हमारे देश में जो है वो एप्लीकेबल होगा। मम्मी फोन ही कर दी, सिर्फ मम्मी दो तीन बार फोन कर दी। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई लॉ बन गया तो वो किसी कंट्री के ऊपर ऐसे ही एप्लीकेबल नहीं होगा, वो किसी कंट्री पे ऐसे ही एप्लीकेबल नहीं होगा, कंट्री को उस लॉ को अपने लोगों के ऊपर एप्लीकेबल करने के लिए उसे मानना पड़ेगा, साइन करने पड़ेंगे, कोई अलग से लॉ बनाना पड़ेगा, अलग से लॉ बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ, कोई कन्वेंशन बनी इन्वायरमेंट के लिए, अब हमारे इंडिया ने उसको फॉलो करना, तो इंडिया क्या करेगा अपने देश में उस कन्वेंशन के मेन पॉइंट को देखकर लॉ बना देगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बना दिया जैसे कि, ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट बना दिया जैसे कि। तो स्पेसिफिक अडॉप्शन का मतलब है कि इंटरनेशनल लॉ देश में लागू करने के लिए एक स्पेसिफिक अडॉप्ट करना पड़ेगा उसको, एक तरीके से उसके लिए स्पेसिफिक अलग से लॉ बनाना पड़ेगा कंट्री में। ये थ्योरी एक अलग से बन गई। और अगली थ्योरी हमारी
ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी, ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी जो भी ये बोलती है कि इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ में आपस में ये लिंक है, दोनों में आपस में ये रिलेशन है कि इंटरनेशनल लॉ म्युनिसिपल लॉ में ऐसे एप्लीकेबल होता है, ऐसे उसको वहाँ पे अप्लाई किया जाता है, एक ट्रांसफॉर्म किया जाता है। इंटरनेशनल लॉ को म्युनिसिपल लॉ में एप्लीकेबल करने के लिए एक प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ता है। ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है? वही कि अपने देश में लॉ बना दिया उसको फॉलो करने के लिए, ऐसी चीज़ें। तो मेन जो जो है वो ड्यूलिज्म और मोनिज्म है जो आपने याद रखनी है, जो मेन है इसका। इसके अलावा स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी, ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी, ये सेकेंडरीज हैं। आई होप आपको इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ में जो है वो फ़र्क भी समझ आ गया होगा। फटाफट मुझे बता दें कि यहाँ तक सारा क्लियर है आप लोगों को, और क्लियर है तो वीडियो भी लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने स्टडी चैनल्स में, स्टडी ग्रुप्स में शेयर करना हमें ना भूलें। और अगर आप हमें कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप हमारे गूगल पे नंबर 8219820461 इस नंबर पर पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे, किसी भी तरीके से 1 रुपये से लेके कोई भी अमाउंट आप हमें कॉन्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। कंपल्सरी नहीं है, ये आपकी विश के ऊपर डिपेंड करेगा, तो आप हमें कॉन्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। अब मेरे दोस्तों, अब हाँ एक और बात, हमारा जो ब्लॉगिंग चैनल है जिसका नाम है ब्लॉग द ट्विंस, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज़ उस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, हमारे ब्लॉग्स जरूर देखा करें और हमें अपना प्यार दें। तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया हो तो मेरी फर्स्ट यूनिट ख़त्म हो जाएगी, तो फिर हम सेकंड यूनिट शुरू करेंगे, ठीक है? तो यहाँ तक क्लियर है, सभी को एक बार बता दीजिए। कमलेश चौहान जी, वेरी नाइस। बीना राम, थैंक यू सो मच। मम्मी जी, मम्मी जी मुझे देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। नोट डाउन कर रही हूँ, हैंड टू हैंड, थैंक्स सर जी, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। सर आप अपनी चाय भी पी लो, मैंने चाय पी ली, अंशु दीमान, मैंने चाय पी ली, थैंक यू सो मच। तो अब हम शुरू करेंगे दूसरी यूनिट। दूसरी यूनिट जो हमारी है वो बात करती है बेसिकली स्टेट की। किसकी बात करती है? बेसिकली स्टेट की, ठीक है? दूसरी यूनिट शुरू करेंगे हम, तो उसमें क्या टॉपिक है सबसे पहला कि व्हाट इज स्टेट, स्टेट क्या होता है और स्टेट की इसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं। स्टेट, मेरे दोस्तों इंटरनेशनल लॉ में जो हम स्टेट पढ़ेंगे, ये स्टेट हमने आर्टिकल 12 में भी स्टेट पढ़ा था, एक ना कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 में स्टेट, ये स्टेट और वो स्टेट आपस में सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है। इस स्टेट का मतलब आप हिमाचल प्रदेश से मत समझ लेना, आप उत्तराखंड से मत समझ लेना, आप हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर या बिहार, मध्य प्रदेश या किसी भी राज्य से जो भारत के राज्य हैं उससे इसका मतलब मत समझ लेना। स्टेट का मतलब यहाँ से कंट्री से है, स्टेट का मतलब यहाँ पे कंट्री से है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, जैसे कि अफगानिस्तान, जैसे कि यूके, यूएसए, ये सारे उससे मतलब है स्टेट का। तो स्टेट होता क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टेट? मेरे दोस्तों जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि इंटरनेशनल लॉ क्या होता है, इंटरनेशनल लॉ ऐसा लॉ है जो कंट्रीज, स्टेट्स के रिलेशनशिप को आपस में रेगुलेट करता है। तो ये समझना बहुत अनिवार्य है कि स्टेट क्या है, ये समझना बड़ा अनिवार्य है कि भाई स्टेट क्या है। तो मेरे दोस्तों हम ये बोल सकते हैं कि स्टेट इज द लार्जेस्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। स्टेट क्या है? ह्यूमन बींग्स का, लोगों का एक लार्ज समूह है। स्टेट में लोग ही तो आते हैं, लोग नहीं होंगे तो स्टेट नहीं बन सकता, लोग नहीं होंगे तो स्टेट नहीं बन सकता, पीपल नहीं होंगे तो स्टेट नहीं बन सकता। लेकिन ये कैसा एसोसिएशन है लोगों का? लोगों का एक बहुत बड़ा एसोसिएशन है। लोगों का एसोसिएशन तो बहुत सारे होते हैं, फैमिली भी एक एसोसिएशन है, क्लास भी एक एसोसिएशन है, रिलीजियस ग्रुप भी एक एसोसिएशन है, पर ये सारे एसोसिएशन इस स्टेट के अंदर आते हैं। स्टेट बहुत बड़ा एसोसिएशन है, स्टेट इज द लार्जेस्ट ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, दिस इज द स्टेट। तो आपको स्टेट की इंट्रोडक्शन आएगी, आप लिख दोगे इंटरनेशनल लॉ स्टेट को रेगुलेट करता है, स्टेट का एक सब्जेक्ट मैटर इंटरनेशनल लॉ का एज पर द रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, जो मैंने पीछे पढ़ाई है आपको, उसमें सब्जेक्ट मैटर और स्कोप में जो पढ़ाया था मैंने आपको, आप ये सारा लिख दोगे। उसके बाद स्टेट होता क्या है, तो ये लोगों का बहुत बड़ा समूह है, ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, ये तो आपको लग गया बड़ा स्टेट क्या है। पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट एंड व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्टेट, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्टेट।
मतलब स्टेट को बनने के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? टेंथ सुना दी दोनों। हाँ, तो स्टेट को बनने के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं? व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्टेट? स्टेट कैसे बनता है? तो मेरे दोस्तों, चार इसेंशियल एलिमेंट है स्टेट को बनने के। अगर किसी के पास चार इसेंशियल एलिमेंट होंगे तो वो स्टेट मानी जाएगी, अगर किसी के पास चार इसेंशियल एलिमेंट नहीं हुए तो वो स्टेट नहीं मानी जाएगी। पहला इसेंशियल एलिमेंट क्या है? चार में से पहला जो इसेंशियल एलिमेंट है वो है ह्यूमन बींग्स। वो है ह्यूमन बींग्स, छोड़ो पॉपुलेशन लिखो आप, यहाँ लिखो आप पॉपुलेशन, यहाँ लिखो आप पॉपुलेशन। दूसरा है टेरिटरी, टेरिटरी। तीसरा है, इसको बोलते हैं जनसंख्या हिंदी में, इसको बोलते हैं भूभाग। तीसरा है गवर्नमेंट, मतलब सरकार, गवर्नमेंट मतलब सरकार। और चौथा क्या है स्टेट बनने के लिए जरूरी? सोवरनिटी। इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे कि एक स्टेट को बनने के लिए कौन से चार इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। पहली है पॉपुलेशन, जिसको जनसंख्या बोला जाता है। दूसरा है टेरिटरी, जिसको भूभाग बोला जाता है। तीसरा है गवर्नमेंट, जिसको सरकार बोला जाता है। चौथा है सोवरनिटी, जिसको प्रभुसत्ता बोला जाता है। जब किसी एक एंटिटी के पास, किसी एक एंटिटी, किसी एक पॉलिटिकल एंटिटी के पास ये चार चीजें होंगी तो वो स्टेट बन जाएगा। एक स्टेट को बनने के लिए सबसे पहले हमें लोग चाहिए। लोग जिस जगह के ऊपर रहेंगे, हमें एक टेरिटरी चाहिए, उन लोगों को रेगुलेट करने वाली हमें एक गवर्नमेंट चाहिए, सरकार चाहिए, और उस सरकार के पास सॉवरनिटी होनी चाहिए, उस स्टेट तभी स्टेट बनेगा। अब सबसे पहले पॉपुलेशन देखते हैं। पॉपुलेशन का मतलब है लोग, ह्यूमन बींग्स। तो स्टेट तभी बनेगा जब ह्यूमन बींग्स होंगे। अगर ह्यूमन बींग ही नहीं हुए, लोग ही नहीं हुए, तो स्टेट कैसे बन सकता है? स्टेट बन ही नहीं सकता। स्टेट इज बेसिकली द ग्रुप ऑफ पीपल, स्टेट इज बेसिकली द लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। अगर लोग नहीं है तो स्टेट नहीं बन सकता। तो अब मैं पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूँ, तो पॉपुलेशन की बात करूँ, आपसे कोई पूछे कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए स्टेट को बनाने के लिए, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पॉपुलेशन कैन बी स्मॉल, पॉपुलेशन कैन बी लार्ज। अगर लार्ज पॉपुलेशन हुई तो वो बहुत बड़ा देश बन जाएगा, जैसे कि चाइना सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, इंडिया सातवें नंबर पर है। अगर वो स्मॉल, उसकी इंडिया सॉरी दूसरे नंबर पर है, और दूसरा अगर पॉपुलेशन अगर आई एम सो सॉरी और दूसरा पॉपुलेशन कम भी हो सकती है, जूरनिया पॉपुलेशन ज़्यादा ही हो, जैसे वेंटिकन सिटी। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो हमारे इंडिया में, वर्ल्ड के 20 देश आ जाएंगे फिर हमारा इंडिया बनता है, मतलब छोटे देश भी हैं वर्ल्ड में। तो स्टेट बनाने के लिए पॉपुलेशन हमें कितनी चाहिए कोई लिमिट नहीं है। पॉपुलेशन ज़्यादा भी हो सकती है, पॉपुलेशन कम भी हो सकती है। दूसरा टेरिटरी, टेरिटरी का मतलब होता है भूभाग, लैंड, जहाँ पे लोग रहेंगे। तो एक कंट्री की अपनी एक टेरिटरी होनी चाहिए तभी वो स्टेट बनेगा। अगर टेरिटरी नहीं है तो स्टेट नहीं बन सकता। अब टेरिटरी कितनी होनी चाहिए, तो इसकी भी कोई प्रॉपर इसका मापदंड नहीं है। ये ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। जैसे रशिया के पास बहुत ज़्यादा टेरिटरी है, लेकिन कुछ एक कंट्रीज ऐसी हैं कि बस कम टेरिटरी है, इंडिया में वो फिट बैठ जाती हैं, ऐसी कंट्रीज भी हैं। तो टेरिटरी कैन बी स्मॉल कैन बी लार्ज। टेरिटरी में हमारी रिवर भी आ जाएंगी, रिवर ही पार्ट टेरिटरी का मानी जाएगी। टेरिटरी में हमारे सारी सारी हमारी जितनी भी सॉइल है वो सारी आ जाएगी, सॉइल का नीचे का हिस्सा भी आ जाएगा, हमारे माउंटेन्स आ जाएंगे, हमारे ट्रीज आ जाएंगे, माउंटेन्स माउंटेन्स आ जाएंगे, हमारे ट्रीज आ जाएंगे, ये सारे टेरिटरी में आ जाएंगे। तीसरा गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट बेसिकली अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, एक राजनीतिक इंस्टीट्यूशन है। इट इज़ अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थ्रू विच द विल ऑफ द गवर्नमेंट इज फॉर्मुलेटेड, थ्रू विच द विल ऑफ गवर्नमेंट इज फॉर्मुलेटेड। मतलब मुनीश हंस रहे हैं देख के, मतलब गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट इज बेसिकली द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, लिख लें आप कॉपी में। गवर्नमेंट क्या होती है? एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होता है जिसके माध्यम से, थ्रू विच द विल, विल मतलब इच्छा, विल ऑफ स्टेट, स्टेट मतलब कंट्री, इज फॉर्मुलेटेड, इज एक्सप्रेस्ड। देखो हम बोलते हैं इंडिया ने पाकिस्तान के साथ रिलेशन बनाए, इंडिया ने अमेरिका के साथ रिलेशन बनाए, इंडिया ने कनाडा के साथ रिलेशन बनाए, इंडिया वर्ड यूज करते हैं। क्या रिलेशन इंडिया बनाता है? नहीं, रिलेशन गवर्नमेंट बनाती है। तो गवर्नमेंट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके माध्यम से कंट्री क्या चाहती है
वो एक्सप्रेस किया जाता है। कंट्री तो एक अब्स्ट्रैक्ट चीज़ है ना, कंट्री खुद थोड़ा जाकर रिलेशन बनाएगी, नाम कंट्री का आएगा पर रिलेशन बनाने वाली गवर्नमेंट ही तो है। आज इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी गवर्नमेंट है तो वो रिलेशन बनाएगी, कल को कोई और होगा तो वो बनाएगी, कल कोई यही रही तो ये बनाएगी। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है मेरे दोस्तों कि गवर्नमेंट इज बेसिकली द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जिसके माध्यम जो जिसमें क्या होता है थ्रू विच जिसके माध्यम से विल ऑफ स्टेट इज एक्सप्रेस्ड, एक स्टेट की विल को एक्सप्रेस किया जाता है कि स्टेट चाहता क्या है। तो गवर्नमेंट बेसिकली तीन ऑर्गन के माध्यम से काम करती है। गवर्नमेंट गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन होते हैं। पहला आता है हमारा लेजिस्लेचर, दूसरा आता है हमारा एग्जीक्यूटिव, तीसरा आता है हमारा जुडिशरी। गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन है जिसके माध्यम से गवर्नमेंट काम करती है। एग्जीक्यूटिव वो ऑर्गन है जो लॉ बनाता है, सॉरी लेजिस्लेचर वो ऑर्गन है जो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव वो ऑर्गन है जो उस लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, एग्जीक्यूट करता है, और जुडिशरी वो ऑर्गन है जो उस लॉ को इंटरप्रेट करता है। तो तीन ऑर्गन के माध्यम से गवर्नमेंट काम करती है। और लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो ऑर्गन, ये जो तीसरा चौथा जो एसेंशियल एलिमेंट है वो है सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी को हिंदी में प्रभु सत्ता बोलते हैं। सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है? सुप्रीम पावर। जब तक एक कंट्री के पास ये सुप्रीम पावर नहीं हुई तो वो कंट्री उसे बोला ही नहीं जाएगा। सॉवरेनिटी का मतलब होता है एक ऐसी पावर जिसको एक्सरसाइज करते हुए कंट्री ये डिसाइड कर सके, स्टेट ये डिसाइड कर सके कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या कानून बनाने हैं क्या नहीं बनाने हैं। इंडिया की मैं बात करूं, 1947 से पहले इंडिया के पास पॉपुलेशन तो थी, टेरिटरी भी थी, गवर्नमेंट भी थी वहां पे, लेकिन इंडिया के पास अपनी सॉवरनिटी नहीं थी। गवर्नमेंट थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, गवर्नमेंट थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, और सॉवरनिटी किसके पास थी? ब्रिटिश के पास, ब्रिटिशर्स के पास। वो मेन अथॉरिटी थे, वो मेन कानून बनाते थे, इंडिया खुद कुछ नहीं कर पाते थी। तो इंडिया 1947 से पहले एक सॉवरन कंट्री नहीं था। अब तो हमारी प्रियम्बल बोलती है नहीं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमनली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरन सोशलिस्टिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो वहाँ पे अभी तो सॉवरन वर्ड यूज है प्रियम्बल में, पर 1947 से पहले हम सॉवरन नहीं थे, हमारे पास सॉवरनिटी नहीं थी। हमें रेगुलेट कौन करता था? ब्रिटिशर्स, इंग्लैंड के लोग, यूके के लोग हमें रेगुलेट करते थे, वो हमारे लॉ बनाते थे, वो हमने क्या करना है क्या नहीं करना है वो हमारे लिए डिसाइड करते थे, मतलब हमारे पास सॉवरेनिटी नहीं थी। तो इंडिया 1947 से पहले स्टेट नहीं था, इंडिया स्टेट नहीं था। 1947 के बाद हमारे पास सॉवरेनिटी आ गई। सॉवरेनिटी जो है वो दो प्रकार की हो सकती है, एक होती है एक्सटर्नल, एक होती है इंटरनल। सॉवरनिटी एक्सटर्नल भी होती है, इंटरनल भी होती है। और जो सॉवरनिटी है अगर वो ना हो तो एक देश देश नहीं बन सकता, राज्य राज्य नहीं बन सकता, एक स्टेट स्टेट नहीं बन सकता। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। सॉवरनिटी का मतलब समझ लो सुप्रीम पावर, हमने क्या कंट्री में करना है क्या नहीं करना है, दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाने हैं कंट्री के साथ नहीं बनाने हैं, दूसरी कंट्री को हमने मुंह तोड़ जवाब देना है नहीं देना है, जो भी चीज़ें एक जब हम अपने देश में खुद डिसाइड कर रहे हैं हमारे लोगों के लिए क्या लॉ बनने चाहिए क्या पॉलिसी बननी चाहिए हम खुद डिसाइड कर रहे हैं, कोई बार बार डिसाइड नहीं कर रहा, मतलब हम सॉवरन है। जब ये चार एसेंशियल एलिमेंट पूरे हो जाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? हमारा स्टेट बन जाता है। तो बच्चों को बता दो फटाफट कि आपको स्टेट समझ आ गया? व्हाट इज स्टेट एंड व्हाट आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्टेट? सर इको कब पढ़ाओगे? इकोनॉमिक्स, आई एम सो सॉरी, मुझे इकोनॉमिक्स में हम विल थिंक अबाउट दिस, अभी तो इकोनॉमिक्स का कुछ नहीं है सच। आप फटाफट मुझे बता दो कि स्टेट, यहां तक समझ आ गया तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। जब ये फिनिश हो जाता तो नेक्स्ट लो स्टार्ट करें वन बाई वन सर जी। ओके जी, डेफिनेटली सर, प्लीज़ अभी आप सिर्फ इंटरनेशनल लो ही कंटिन्यू ही रखें प्लीज़। इंटरनेशनल लो ही पढ़ाऊंगा आज मैं पूरा दिन, डोंट वरी, फिलहाल इंटरनेशनल लो ही पढ़ाऊंगा अभी। तो प्लीज़ आप फटाफट मुझे आप बताएंगे आपको समझ आ गया तो फिर कंटिन्यू करते हैं आगे, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं, अगर समझ आ गया आपको तो अगला आगे कंटिन्यू करते हैं, प्लीज़ फटाफट बता दें। बाईस मेरे साथ ज्वाइन है, प्लीज़ सभी वीडियो को लाइक कर दें, और साथ ही साथ रिक्वेस्ट करूंगा अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अभी कर दें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सभी लाइक करें। बहुत अच्छे समझ आया सर, थैंक यू सो मच अंशु दिमाग। अब अगला जो टॉपिक आता है वो आते हैं स्टेट टेरिटरी, स्टेट
टेरिटरी। क्वेश्चन क्या बनता है इसमें, इसमें क्वेश्चन ये बनता है स्टूडेंट, हमने हम स्टेट हमने पढ़ लिया, स्टेट क्या होता है, स्टेट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं। स्टेट टेरिटरी में आपको क्वेश्चन ये बनेगा कि स्टेट टेरिटरी होती क्या है और क्या मोड्स हैं स्टेट टेरिटरी को एक्वायर करने के, एक्विजिशन के क्या मोड है, स्टेट टेरिटरी को एक्वायर करने के क्या मोड है और लॉस करने के क्या मोड है, लॉस करने के क्या मोड है, मतलब स्टेट टेरिटरी को एक्वायर करने के और साथ ही साथ स्टेट टेरिटरी को लॉस करने के। यूट्यूब इज़ वेरी इजी मैनर, यस सर यू टेक इट वेरी इजी मैनर, थैंक यू शिल्पा चौहान, थैंक यू सो मच, इफ यू ऑल आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग देन दैट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर मी एंड दैट इज़ वी कैन से कि वी आर डूइंग समथिंग, अदरवाइज नथिंग इज रेलिवेंट हेयर इफ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। तो हम स्टेट टेरिटरी को पढ़ेंगे, तो स्टेट टेरिटरी में क्वेश्चन क्या आता है आपको, स्टेट टेरिटरी होती क्या है, मोड्स क्या है स्टेट टेरिटरी को एक्वायर करने के और मोड्स क्या है स्टेट टेरिटरी को लॉस करने के। तो सबसे पहले स्टेट टेरिटरी क्या होती है मेरे दोस्तों, मैंने आपको अभी स्टेट के एसेंशियल एलिमेंट बताए, चार एसेंशियल एलिमेंट थे, पहला था पॉपुलेशन, दूसरा टेरिटरी, तीसरा सरकार गवर्नमेंट, चौथा सॉवरनिटी प्रभुसत्ता। तो जो दूसरा था टेरिटरी यही तो है स्टेट टेरिटरी, यही तो है स्टेट टेरिटरी। अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं व्हाट इज स्टेट टेरिटरी, तो स्टेट टेरिटरी मींस एरिया वेयर अ स्टेट एक्सरसाइज इट्स सॉवरनिटी, एरिया वेयर अ स्टेट एक्सरसाइज इट्स सॉवरनिटी। मेरा इंडिया का मैप अच्छा नहीं बना पर आप समझ लें मैं क्या बोलना चाहता हूँ, देखो क्या बोलना चाहता हूँ, मान लो इंडिया है, जम्मू कश्मीर का हिस्सा ये पूरा, नीचे आके यहाँ पे श्रीलंका है, ये एक पूरी टेरिटरी है, ये पूरी बाउंड्री है, पूरी टेरिटरी है। इंडिया की बात करूँ मैं अगर इंडिया की, तो इंडिया क्या करता है, इंडिया की पास पावर है कि वो अपनी सॉवरेनिटी कहाँ कहाँ एक्सरसाइज कर सकता है, जम्मू कश्मीर में, यहाँ से आ जाए नेपाल को छोड़ दे, नीचे आ जाए यहाँ बांग्लादेश को छोड़ दे, पीछे आ जाए यहाँ सारा एक्सरसाइज कर सकता है, यहाँ नीचे भी श्रीलंका है, यहाँ नहीं एक्सरसाइज कर सकता, यहाँ कर सकता है, यहाँ गोवा आ गया यहाँ कर सकता है, यहाँ ऐसे के इंडिया के कर सकता है, इन सभी जगह पे अपनी क्या कर सकता है सॉवरेनिटी एक्सरसाइज कर सकता है। तो व्हाट इज स्टेट टेरिटरी, इंडिया की स्टेट टेरिटरी क्या हुई, ये सारी की सारी टेरिटरी जहाँ पे इंडिया अपनी सॉवरेनिटी एक्सरसाइज कर सकता है। व्हाट इज स्टेट टेरिटरी, स्टेट टेरिटरी मीन्स टेरिटरी वेयर A state can exercise its sovereignty, अर्थात वो पूरा का पूरा एरिया जिसमें एक कंट्री अपनी सॉवरनिटी एक्सरसाइज कर सकती है। सॉवरनिटी एक्सरसाइज करने का मतलब क्या हुआ कि वो एरिया के लिए लॉ बना सकती है, पॉलिसी बना सकती है, रूल्स बना सकती है, लोगों को अपने हिसाब से रेगुलेट कर सकती है, उसको स्टेट टेरिटरी बोलती है। अगर बाहर चले जाओ, यहाँ चले जाओ या इसके ऊपर चले जाओ, यहाँ पे इंडिया कोई अपनी एक्सरसाइज कर सकती है स्टेट सॉवरेनिटी, नहीं कर सकती। यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे ऊपर नेपाल है, भूटान है, वहाँ इंडिया अपनी पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता ना, तो वो इंडिया की स्टेट टेरिटरी नहीं माना जाएगा। मतलब स्टेट टेरिटरी का मतलब होता है वो सारा का सारा एरिया ऑल द टेरिटरी वेयर द स्टेट कैन एक्सरसाइज इट्स ज्यूरिसडिक्शन। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट आर द मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ स्टेट टेरिटरी, स्टेट टेरिटरी को एक्वायर करने के क्या क्या मोड्स हैं। देखो बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं एक्वायर की बात करूँ या लॉस की बात करूँ, मैं एक्वायर की बात करूँ या लॉस की बात करूँ, दोनों पॉइंट में पॉइंट सेम आएंगे, एक अच्छे से बता दूंगा, दूसरे आप खुद कर लोगे। मेरी बात समझने की कोशिश करना, मान लो ये टेरिटरी है, इस टेरिटरी को किसने एक्वायर कर लिया, तो किसी का लॉस भी हुआ होगा। मान लो इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ लगने वाली टेरिटरी को एक्वायर कर लेता है, इंडिया ने क्या किया, एक्वायर किया मतलब एक्विजिट किया, तो पाकिस्तान को उसका लॉस भी तो हुआ, तो पाकिस्तान ने उसको लॉस कर दिया। मतलब एक्विजिशन और लॉस करने के मोड्स कहीं ना कहीं सेम है। लेकिन अगर मान लो कोई टेरिटरी है, उस टेरिटरी के ऊपर किसी का कंट्रोल ही नहीं है, ना इंडिया का ना पाकिस्तान का, और इंडिया ने एक्वायर कर लिया, तो क्या पाकिस्तान को लॉस हुआ, नहीं हुआ। मतलब एक पॉइंट ऐसा है, मैं बताऊंगा अभी, उस पॉइंट को छोड़कर
जितने भी मोड एक्यूजेशन के हैं वो सारे मोड लॉस के बन जाएंगे। ये सिंपल सा फंडा है। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि मान लो कोई टेरिटरी है, उस टेरिटरी के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, ऐसी टेरिटरी को बोला जाता है रेस न्यूलेस। रेस न्यूलेस का मतलब होता है कि ऐसी टेरिटरी जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल ही नहीं है, जो ऐसे पड़ी हुई है, जिसका कोई भी वारिस नहीं है, कोई उसका ओनर नहीं है। तो अगर कोई टेरिटरी ऐसी है जिसका कोई ओनर नहीं है और कोई उसके ऊपर कंट्रोल कर लेता है, तो किसी का लॉस नहीं हुआ ना, तो किसी का लॉस नहीं हुआ। तो ये वाला जो पॉइंट हम पढ़ेंगे आगे, मैं बताऊंगा कौन सा पॉइंट है ये वाला। ये वाले पॉइंट में बस एक्यूजेशन ही आएगा, लॉस के लिए पॉइंट नहीं लिखा जाएगा, बाकी जितने भी पॉइंट एक्यूजेशन के होंगे वो सारे लॉस के पॉइंट होंगे। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं एक्यूजेशन के क्या क्या पॉइंट्स हैं। स्टेट टेरिटरीज को एक्वायर करने के क्या क्या पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा ऑक्यूपेशन। ठीक है, तो ऑक्यूपेशन में लेता क्या होता है, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है एक एज ऑक्यूपेशन इज दैट मैनर थ्रू विच वन स्टेट कैन एक्वायर द टेरिटरी विच डज नॉट बिलोंग टू एनी वन। मतलब जो पहला पॉइंट बताया था वो यही है, रेस नुल्लस। अगर कोई टेरिटरी रेस नुल्लस है, मतलब वो टेरिटरी किसी के कंट्रोल में नहीं है, ना किसी स्टेट के किसी पर्सन के कंट्रोल में वो टेरिटरी नहीं है, तो अगर उस टेरिटरी के ऊपर कोई स्टेट अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर ले, पीसफुली कंट्रोल इस्टेब्लिश कर ले, तो क्योंकि उसका कोई बाल्य बारिश तो पहले था नहीं, वो तो किसी कंट्रोल में थी नहीं, तो इसको क्या बोला जाता है, एक्यूजेशन ऑफ टेरिटरी बाई वे ऑफ ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है एक ऐसी टेरिटरी के ऊपर कंट्रोल करना, स्टेट कंट्रोल करता है जिसका कोई बेली बारिश नहीं होता, जो किसी के कंट्रोल में नहीं होती, जो रेस न्यूलेस होती है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो ये हो गया हमारा ऑक्यूपेशन। दूसरा जो मोड है वो मोड आप लिख सकते हैं बाई प्रिस्क्रिप्शन। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक अभी कर दें। बाई प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है, जो आपने सुना भी होगा, अपने लोकल लॉज में भी एप्लीकेबल होता है। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि अगर किसी जमीन के ऊपर हम लगातार कब्जा कर लेते हैं, पीसफुली उसको एंजॉय कर रहे हैं, कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा, तो वो लैंड फिर हमारी हो जाती है। आपने सुना होगा कि 12 साल हम किसी लैंड के ऊपर कब्जा करते हैं, 20 साल लैंड के ऊपर कब्जा करते हैं, या 30 साल, तो वो लैंड फिर हमारी हो जाती है, ऐसा सुना होगा आपने ना। तो ये क्या है, ये बाई प्रिस्क्रिप्शन यही है। अगर कोई लैंड है, वो लैंड बेशक किसी के कंट्रोल में है, बेशक वो किसी की लैंड है, किसी स्टेट कंट्री की लैंड है, पर उस लैंड को आप लगातार उसको यूज़ कर रहे हो, पीसफुली यूज़ कर रहे हो, किसी का इंटरफेरेंस नहीं है, तो वो फिर लैंड आपकी बन जाएगी बाद में। दिस इज बाई वे ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ये भी, इससे भी आप लैंड एक्वायर कर सकते हो। तीसरा जो पॉइंट है वो है बाई एक्रीशन। A-C-E-R-E-T-I-O-N एक्रीशन। एक्रीशन का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? एक्रीशन का मतलब होता है जब किसी कंट्री को लैंड कैसे मिलती है, किसी चेंजेस की वजह से। जैसे मान लो किसी कंट्री में कोई नेचुरल कैलेमिटी आई, कोई भूकंप आ गया, कोई बाढ़ आ गई, तो उस भूकंप या बाढ़ आने की वजह से किसी देश को कोई लैंड मिल गई। मान लो फॉर एग्जांपल एक नदी बहती है ऐसे, और बाढ़ आई और नदी ने अपना रुख कैसे कर लिया, ऐसे कर लिया। अब जो जो भी लैंड थी ये पीछे वाली, इस बार देश में शामिल हो गई, इस बार देश में खुद शामिल हो गई, तो ये जो लैंड इसको मिली कंट्री को, क्योंकि नदी का रुख ऐसे था, अब बाढ़ आई वो ऐसे हो गया, अब नदी ऐसे जा रही है, तो जितनी भी लैंड बच गई जो इस देश के साथ लगती है वो देश को मिल जाएगी, स्टेट को मिल जाएगी। और ये क्या होगा, ये एक्विजिशन ऑफ लैंड होगा बाई वे ऑफ एक्रीशन। अब एक्रीशन मेरे दोस्तों नेचुरल भी हो सकती है, मैनमेड भी हो सकती है। या तो नेचुरली खुद फ्लड आया, ये जानबूझ के नदी का बहाव उस तरफ कर दिया गया कि दूसरे स्टेट को लैंड मिल गई ये वाली, तो एक्रीशन जो है वो नेचुरल भी हो सकता है और एक्रीशन जो है वो मैनमेड भी हो सकता है। ये बातें आप ध्यान में रखें। तो हमारे तीन पॉइंट समझ आ गया हमें, एक्रीशन भी समझ आ गया। चौथा पॉइंट है अनेक्सेशन। इसको ब्रैकेट में लिख लो आप, सबजुगेशन। यहाँ मैं आपको बताता हूँ, आपने मैं सबजुगेशन क्यों लिखवाया, अभी फिलहाल इसको ध्यान में रखिए, मैं लिखवाया, मैं बाद में बताऊँगा जब लॉस पे आएगी।
एनेक्सेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई एक स्टेट, जब कोई एक कंट्री किसी लैंड को एक्वायर करता है फोर्सफुली, जबरदस्ती रिवोल्ट कर जबरदस्ती उस लैंड को एक्वायर कर रहा है, वो एनेक्सेशन होता है, वो एनेक्सेशन होता है। तो दिस इज आल्सो द मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी, कि हमने जबरदस्ती लड़ाई की और उस कंट्री को हरा कर हमने उसकी लैंड के ऊपर कब्जा कर लिया, एनेक्सेशन। इससे भी लैंड एक्वायर हो रही है, इससे भी टेरिटरी एक्वायर हो रही है। पांचवा जो है वो है हमारा, पांचवा है हमारा सेशन, सीशन, CEWSION। सीशन में क्या होता है मेरे दोस्तों, सीशन में ये होता है कि किसी एक कंट्री के लैंड का जो एक टुकड़ा है वो एक कंट्री दूसरी कंट्री को दे देती है। जैसे इंडिया ने क्या किया था, री बेरूबरी यूनियन केस है इंडिया में, एक उस केस में क्या होता है, री बेरूबरी यूनियन का पार्ट इंडिया ने पाकिस्तान को दे दिया था। तो सीशन में क्या होता है, एक कंट्री वो होती है जिसको हम बोलते हैं एक्वायरिंग स्टेट। इसमें क्या होता है, सीशन में दो स्टेट होते हैं, एक एक्वायरिंग स्टेट, एक्वायरिंग स्टेट, और दूसरा होता है सीडिंग स्टेट, CEDING, सीडिंग स्टेट। एक्वायरिंग स्टेट कौन होता है, एक्वायरिंग स्टेट वो स्टेट होता है जो किसी लैंड को एक्वायर करता है, और सीडिंग स्टेट वो स्टेट होता है जो अपनी लैंड किसी को देता है। तो सीशन इज आल्सो द मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी, इट इन दिस इट इज अ ट्रांसफर ऑफ सॉवरनिटी ओवर अ डेफिनेट टेरिटरी बाई वन स्टेट टू अनदर स्टेट। मतलब इसमें क्या होता है, सीशन में एक कंट्री खुद अपनी इच्छा अनुसार दूसरी कंट्री को कोई लैंड दे देती है अपनी इच्छा के अनुसार। एनेक्सेशन में क्या था, एक कंट्री दूसरे के ऊपर लड़ाई कर जबरदस्ती इंटरवेंशन कर वार कर लैंड उसकी ले लेती थी। और इसमें एनेक्सेशन में क्या है, ये हमारे UNO ने इसको मना कर दिया, ये प्रोहिबिटेड है अभी, अभी UNO उसको मना करता है कि कोई ऐसा कंट्री ना करे। सभी कंट्री की अपनी अपनी सॉवरेनिटी, चाहे कंट्री छोटी है, बड़ी है, पावरफुल है, लेस पावरफुल है, लेकिन कोई पावरफुल कंट्री किसी लेस पावरफुल कंट्री के ऊपर अटैक करके उसकी लैंड को नहीं लेगी। UNO ने मना कर दिया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, ये अब इसको इलीगल माना जाता है इंटरनेशनल लॉ में, लेकिन ये लीगल है। इसमें क्या है, इसमें एक कंट्री अपनी इच्छा अनुसार अपनी लैंड को दूसरे को दे रही है। इसमें एक एक्वायरिंग स्टेट होता है जो लैंड एक्वायर करता है, दूसरा सीडिंग स्टेट होता है जिसको लैंड मिलती है, जो लैंड अपनी छोड़ देता है, सॉरी, जो अपनी लैंड को दूसरे को देता है। ये भी हमारा एक मोड है एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। उसके बाद अगला है छठा, लीज। लीज लीज क्या होती है, जब हम कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री को कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए लैंड अपनी इच्छा अनुसार दे देती है, वो लीज मान जाता है। इसमें एक लेजर होता है, एक लेजी होती है। लेजर जो देश लैंड को दे रहा है दूसरी कंट्री को, और लेजी जिसको लैंड दी गई है, ये एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए लैंड को दिया जाता है। तो ये भी एक्विजिशन ऑफ लैंड में आता है। सातवां प्लेबसाइट, 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 PLEBISITE, प्लेबसाइट को हिंदी में बोलते हैं जनमत कराना। तो कभी कभी क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लोगों से जनमत कराया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि आप क्या चाहते हो, आप किस कंट्री में जाना चाहते हो, इस कंट्री में जाना चाहते हो, उस कंट्री में जाना चाहते हो। जैसे कि इंडिया में बहुत बार ऐसा हुआ, इंडिया में भी ऐसा हुआ ना, कि कश्मीर के लोगों से पूछा जाता है कि आप इंडिया में आना चाहते हो, पाकिस्तान में आना चाहते हो। तो यही जनमत होता है, प्लेबिसाइट। तो ये भी एक तरीका होता है लैंड को एक्वायर करने का, अगर किसी कंट्री के लोगों से जनमत कराया गया, प्लेबिसाइट कराया गया, उन्होंने मान लिया कि हमें इस कंट्री के साथ जाना है पर्टिकुलर, तो ये भी लैंड एक्वायर करने का एक तरीका होता है। तो दीज आर मोड्स फॉर एक्वायरिंग द लैंड। समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चन आएगा स्टेट टेरिटरी क्या होती है, और स्टेट टेरिटरी को एक्वायर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम ऑक्यूपेशन के साथ एक्वायर कर सकते हैं। ऑक्यूपेशन का मतलब है जो लैंड किसी के साथ की बिलोंग नहीं करती, किसी को बिलोंग नहीं करती, कोई उसका बाली वारिस नहीं है, कोई उसका ओनर नहीं है, उसके ऊपर कब्जा कर लेना। दूसरा होता है बाई प्रिस्क्रिप्शन, किसी लैंड को जो चाहे किसी और की भी, उसको हम लंबे टाइम तक एक्सरसाइज करते हैं उसके ऊपर अपनी सॉवरनिटी, तो वो हमारी ही हो जाती है। तीसरा एक्रीशन, एक्रीशन मतलब कि जब एक पर्टिकुलर टेरिटरी में चेंजेस आते हैं, या तो मैन मेड एक्टिविटी से या नेचुरल तरीके से, और लैंड किसी के अंडर आ जाती है, तो वो क्या होता है, वो एक्रीशन होता है। मैं एक्रीशन आपको एक बार देख कर बता देता हूँ। एक्रीशन इज अ नेम फॉर इंक्रीज ऑफ लैंड थ्रू न्यू फॉर्मेशन। देखो वर्ड इंक्रीज ऑफ लैंड, लैंड में इंक्रीज हुआ थ्रू न्यू फॉर्मेशन। न्यू फॉर्मेशन कैसी होगी, या तो मैन मेड तरीके से या नेचुरल तरीके से। फ्लड आ गई, बोल क्या इरप्शन हो गया, या खुद नदी का बहाव उस तरफ कर दिया और लैंड वो कंट्री में एक कंट्री को मिल गई। अगला है अनेक्सेशन। अनेक्सेशन का मतलब होता है जबरदस्ती किसी लैंड को अपने अंदर ले आना। अनेक्सेशन मतलब
फोर्सफुली किसी लैंड को अपने रिवोल्ट करके अपने अंदर लिया वो नेक्स्ट सेशन होता है। अगला आता है हमारा सीशन। सीशन का मतलब होता है एक कंट्री खुद अपनी इच्छा अनुसार दूसरी कंट्री को अपनी लैंड दे देती है। इसमें एक एक्वायरिंग स्टेट होता है, एक सीडिंग स्टेट होता है। एक्वायरिंग स्टेट जो कि लैंड एक्वायर कर रहा है, और सीडिंग स्टेट जिसको जो अपनी लैंड दूसरे को दे रहा है। अगला है लीज। लीज का मतलब जो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम किसी को लैंड दे देते हैं। और देन प्लेबिसाइट का मतलब होता है जनमत कराना, अर्थात जनमत करा के हम लोगों से पूछेंगे तुम किस कंट्री में जाना चाहते हो, और अगर लोग बोले हम इस कंट्री में जाना है तो उस कंट्री की प्रभु सत्ता उन लोगों के ऊपर आ जाएगी और लैंड जो होगी जहाँ लोग रह रहे हैं वो उस कंट्री की हो जाएगी। दीज आर द मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। अब मेरे दोस्तों अगर मैं पहले को छोड़ दूँ क्योंकि इसमें लैंड किसी की बिलोंग नहीं करती, जो एक कंट्री लैंड के ऊपर कब्जा करता है तो वो लैंड किसी की लैंड होती नहीं, मतलब किसी को लॉस नहीं होता, बाकी सभी में लॉस हो रहा है। प्रिस्क्रिप्शन में किसी एक कंट्री की लैंड होती है, दूसरी सदियों से उसको एक्सरसाइज करती है पावर उसके ऊपर, लैंड उसकी बन जाती है जिसकी थी उसको लॉस हो गया, तो ये लॉस ऑफ टेरिटरी का मोड भी प्रिस्क्रिप्शन बन जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। दूसरा एक्रीशन। एक्रीशन में क्या होता है, नेचुरली खुद लैंड इंक्रीज हो जाती है, या माया निमित्त तरीके से, तो जिस कंट्री की प्रभु सत्ता है बाढ़ आई लैंड अलग होगी, वो प्रभु सत्ता जिसकी थी उसको तो लॉस हो गया ना पहले, तो ये दूसरा ये मोड हो जाएगा लॉस का। तीसरा अनेक्सेशन, इसको आपने सब्जुगेशन लिखना है। सब्जुगेशन का मतलब होता है कि जब एक देश दूसरे देश के ऊपर कब्जा कर ले जबरदस्ती, वो सब्जुगेशन बोल जाता है। तो जिसके ऊपर कब्जा किया गया उसकी उसको तो लॉस हो गया, उसकी लैंड खत्म हो गई। अगला सीशन। सीशन का मतलब क्या होता है, सीशन का मतलब होता है कि एक कंट्री खुद अपनी लैंड को देती है, जिसने अपनी लैंड खुद दूसरे को दी हो उसको लॉस हो गया यहाँ पर भी ना। अगला है लीज, इसमें भी एक कंट्री दूसरे कंट्री को लैंड देती है, जिसने दिया उसको लॉस हो गया। चौथा प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट मतलब एक कंट्री दूसरे को लैंड देती है, सॉरी जनमत होता है, जनमत होकर जिस कंट्री पर वो सत्ता थी अगर लोग बोले हमने इसके साथ नहीं रहना, लोगों की मानकर दूसरे देश में चले गए लोग सारे और लैंड उनको दे दी, तो उसको लॉस हो गया। तो इन एक पहले पॉइंट को छोड़कर बाकी जितने भी पॉइंट हैं वो लॉस के भी पॉइंट बन जाएंगे। अगर समझ आ गया हो तो मुझे बता दें, फिर हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं, क्योंकि काफ़ी अभी टॉपिक बचते हैं हमारे, तो फटाफट अगला टॉपिक शुरू करते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अगर वीडियो समझ आ रही हो तो लाइक कर दें। हमने स्टेट में टेरिटरी एक्वायर करने अगर ओसम सर जी सर अगर मैं एक से ज़्यादा लाइक कर सकती तो इस वीडियो पर मिलियंस लाइक दे देती, मुझको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी वीडियो आपकी, थैंक्स लॉर्ड। थैंक यू सो मच डियर सब्सक्राइबर। मेरे को कभी समझ नहीं आया इंटरनेशनल लॉ। चलो आई होप आपको आज समझ आ गया होगा, बड़ी अच्छी बात है अगर आपको समझ आए। एब्सोल्युटली सर, थैंक यू सो मच शिवानी जी। मैं ग्रुप में अपने फ्रेंड्स में शेयर करूंगी और बोलूंगी लाइक करें शेयर करें। थैंक यू सो मच फरहत। यस सर, ठीक है, आप सभी को समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब हमने क्या कर लिया, दूसरी यूनिट में हमने स्टेट पढ़ लिया, स्टेट क्या होते हैं, उसके एसेंशियल एलिमेंट क्या है, और स्टेट टेरिटरी क्या होता है, हमने सारा समझ लिया। अब हम शुरू करेंगे रिकॉग्निशन। ये तो बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, पेपर में अक्सर आता है क्वेश्चन। रिकॉग्निशन क्या होती है, स्टेट सक्सेशन, चलो कोई बात नहीं। 11 को पेपर है वैदिक, वैदिक ऑल द वेरी बेस्ट। 11 को पेपर है, आप अच्छे से तैयारी करें, इस लेक्चर को एक बार फिर से देख लें। अभी 2 दिन है, आज 9 है, 10, 11, कल लेक्चर में अपलोड कर दूंगा, कल एक बार फिर से लेक्चर को देखना। तो एक बार वीडियो द्वारा से देखना, मैं अपलोड करूँगा। अभी हम रिकॉग्निशन पढ़ेंगे, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। रिकॉग्निशन क्या होती है, रिकॉग्निशन की थ्योरीज क्या है, रिकॉग्निशन के मोड्स क्या क्या है, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मेरे दोस्तों स्टेट हमने पढ़ लिया, हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जब कोई एंटिटी 4 इसेंशियल एलिमेंट कंप्लीट कर लेती है तो वो स्टेट बन जाती है। वो 4 इसेंशियल एलिमेंट क्या थे, एक पॉपुलेशन था, एक टेरिटरी था, एक
गवर्नमेंट था और एक सॉवरेंट था। जब चार एसेंशियल एलिमेंट किसी कंट्री ने पूरे कर लिए तो वो स्टेट बन गया। मेरे दोस्तों, रिकॉग्निशन जो है उसका मतलब होता है फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट ऑफ स्टेट ऑफ एन एंटिटी एज स्टेट, एन एंटिटी एज स्टेट। मतलब जब कोई कंट्री ने चार एसेंशियल एलिमेंट्स कर लिए और बाकी जो वर्ल्ड के नेशंस हैं उन्होंने मान लिया कि हाँ भाई अब तुम स्टेट हो। क्यों माना? अब हम आपके साथ रिलेशन बना सकते हैं। क्यों माना? अब हम आपके साथ ट्रीटीज बना सकते हैं, कन्वेंशन बना सकते हैं। अब तुम इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा बन गए हो। जब ये बात वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज ने मान ली तो वो रिकॉग्निशन हो गया। व्हाट इज रिकॉग्निशन? रिकॉग्निशन इज बेसिकली द फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट ऑफ एन एंटिटी एज अ स्टेट। एक कंट्री, एक स्टेट जो चार एसेंशियल एलिमेंट बना लेती है, जब उसको पूरा वर्ल्ड स्टेट के रूप में देखने लग पड़ता है तो वो रिकॉग्निशन हो जाती है। आई होप आपको रिकॉग्निशन का मीनिंग समझ आ गया होगा कि रिकॉग्निशन होती क्या है। इट इज फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट बाय द एग्जिस्टिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दैट द न्यू कंट्री हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस। जब एक वर्ल्ड की कंट्रीज ये मान लेती है कि नया देश आ गया तो वो स्टेट माना जाता है। आई होप आपको समझ, वो रिकॉग्निशन मान जाती है, आपको समझ आ गया हो। हमारे एक स्कॉलर है फेनविक, फेनविक FENWIC, फेनविक ने क्या बोला है? फेनविक ने क्या बोला है? थ्रू रिकॉग्निशन द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी फॉर्मली एक्नॉलेजेस दैट द न्यू स्टेट हैज एक्वायर्ड इंटरनेशनल पर्सनैलिटी। रिकॉग्निशन के माध्यम से जो ऑलरेडी कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, वो किसी न्यू स्टेट को रिकॉग्नाइज करती हैं कि तुमने इंटरनेशनल पर्सनैलिटी एक्वायर कर ली है, अब तुम स्टेट हो, अब तुम हमारे साथ संबंध बना सकते हो। यही है रिकॉग्निशन। तो रिकॉग्निशन होती क्या है बेसिकली, हमें समझ आ गई। रिकॉग्निशन का मतलब है कि एक फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट कि कोई कंट्री एग्जिस्टेंस में आ गई है। अब मेरे दोस्तों, क्वेश्चन पेपर में आएगा आपको कि व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ रिकॉग्निशन। क्वेश्चन यही आएगा, व्हाट इज रिकॉग्निशन, व्हाट आर इट्स थ्योरीज। थ्योरीज क्या है? थ्योरीज मेरे दोस्तों, दो थ्योरीज हैं बेसिकली रिकॉग्निशन की। पहली है हमारी कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, और दूसरी थ्योरी है हमारी डेक्लरेटरी थ्योरी। पहला है कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी और दूसरी कौन सी है? डेक्लरेटरी थ्योरी। कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी के जो स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इसको फॉलो किया, पहला है हमारा एंजिलोटी, दूसरा है ओपेनहाइम, तीसरा है होलैंड, चौथा है हीगल। ये अभी नाम नहीं याद कर लेने, और जो नेट की तैयारी करें वो तो नाम अच्छे से याद कर लें, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी को किसने फॉलो किया? एंजिलोटी ने, ओपेनहाइम ने, होलैंड ने, हीगल ने। और बात करूं मैं डेक्लरेटरी थ्योरी की, इसको किसने सपोर्ट किया? हाँ, तो गाइज आई एम सॉरी, थोड़ा सा बंद हो गया था ये। आई होप आपको अब सुनाई दे रहा होगा, सभी को अभी सुनाई दे रहा है? ब्लैक हो गया बिल्कुल, यस ठीक है। तो दो थ्योरीज हैं हमारी रिकॉग्निशन को लेकर, एक है हमारी कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी और दूसरी हमारी डेक्लरेटरी थ्योरी। जो कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी है, जो कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी है वो बात कर, उसको फॉलो किया एंजिलोटी, ओपेनहाइम, होलैंड, हीगल ने, और डेक्लरेटरी थ्योरी को फॉलो किया हार्ट, ब्रैडली और फिशर ने। तो जो रिकॉग्निशन है हमारी मेरे दोस्तों, इसके रिगार्डिंग दो थ्योरीज हैं। पहली है कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी। कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, जैसा कि नाम बता रहा है, कॉन्स्टिट्यूट करना, किस चीज़ को बनाना। ये थ्योरी क्या बोलती है कि स्टेट बेशक चार इसेंशियल एलिमेंट ऑब्टेन कर ले, बेशक पॉपुलेशन, टेरिटरी, प्रभु सत्ता और सरकार, ये चारों एलिमेंट जो है वो ऑब्टेन कर ले, फिर भी एक एंटिटी स्टेट नहीं बन सकती जबकि उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। अर्थात इस थ्योरी के हिसाब से, एंजिलोटी, ओपेनहाइम, हीगल के हिसाब से, होलैंड के हिसाब से, अगर किसी एंटिटी ने चार एसेंशियल एलिमेंट को ऑब्टेन भी कर लिया
तब भी वो स्टेट नहीं बनेगा अनलेस अंटिल दैट एंटिटी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी। बाकी कंट्रीज जब तक उसे इंटरनेशनल पर्सन नहीं मान लेंगी वो स्टेट बन ही नहीं सकता। कॉन्स्टिट्यूट करना अर्थात कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी फोकस करती है कि रिकॉग्निशन जरूरी है एक स्टेट को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, एक स्टेट को बनाने के लिए रिकॉग्निशन जरूरी है एक कंट्री के एग्जिस्टेंस में आने के लिए। अगर कंट्री के पास चार एलिमेंट भी हैं तब भी वो स्टेट नहीं बन पाएगी अनलेस अंटिल उस कंट्री को बाकी वर्ल्ड की कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज नहीं कर लिया। लेकिन इस चीज़ को, इस थ्योरी को बड़ा क्रिटिसाइज किया गया। अब चाइना की बात लो, चाइना को यूएसए ने अभी रिसेंटली कुछ सालों पहले रिकॉग्नाइज किया था, मान्यता दी थी, लेकिन चाइना तो फिर भी कंट्री माना जाता था वर्ल्ड में। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी होती हैं जिसको एक देश मान्यता दे देता है बाकी देश कुछ सालों के बाद मान्यता देते हैं, जैसे इसराइल है, इसराइल देश है उसको पाकिस्तान ने मान्यता नहीं दिया, रिकॉग्नाइज नहीं किया वो देश है, लेकिन फिर भी इसराइल देश तो है, हम इंडिया ने इसको रिकॉग्नाइज किया। तो ये थ्योरी बड़ी, मतलब ये थ्योरी फेल हो गई, दिस थ्योरी वॉज क्रिटिसाइज क्योंकि इस थ्योरी ने ये बोल दिया कि रिकॉग्निशन बड़ी जरूरी है कंट्री के एग्जिस्टेंस में आने के लिए, इस थ्योरी को लार्जली क्रिटिसाइज किया गया। दूसरी थ्योरी आई डिक्लेरेटरी थ्योरी, डिक्लेयर करना, इसको एविडेंशरी थ्योरी भी बोल देते हैं, इसको एविडेंशरी थ्योरी भी बोल देते हैं। इस थ्योरी के हिसाब से जो रिकॉग्निशन है वो कंट्री को बनाने के लिए जरूरी नहीं होती, जो रिकॉग्निशन है वो स्टेट को बस डिक्लेयर करती है। मेरी बात समझने की कोशिश करना, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ध्यान सुनो। डिक्लेरेटरी थ्योरी ये बोलती है कि जैसे ही एक एंटिटी ने चार इसेंशियल एलिमेंट को ऑब्टेन किया वो स्टेट बन गया, वो स्टेट बन गया। अब स्टेट बनने के लिए रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं है, वो स्टेट तो बन गया है। रिकॉग्निशन क्यों जरूरी है, उसके एविडेंस के लिए, एक एविडेंशरी वैल्यू है रिकॉग्निशन की। जब कंट्रीज ने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया तो मतलब सच में वो स्टेट है, अब एविडेंस भी आ गया हमारे पास। डेक्लारेशन है, मतलब रिकॉग्निशन जो है इट इज ओनली डेक्लारेटरी एक्ट ऑफ द कंट्री, कंट्री बस डिक्लेयर करती है। मनी आता एंड प्लेस्टिन्स आर ओवर ऑब्जर्व स्टेट्स होली सी एंड प्लेस्टिन्स, ओके ओके ठीक है, शिल्पा जी आप सही बोल रहे हो, ठीक है। तो जो रिकॉग्निशन है इस थ्योरी के हिसाब से, रिकॉग्निशन तो बस एक स्टेट है एग्जिस्टेंस में, इसका क्या एविडेंस है कि हाँ स्टेट एग्जिस्टेंस में आ गया, उसको डिक्लेरेशन की जाती है रिकॉग्निशन के माध्यम से। रिकॉग्निशन कभी स्टेट को एग्जिस्टेंस में नहीं लाती, इस बात को ध्यान में रखें। ये दूसरी थ्योरी है हमारी रिकॉग्निशन की जो बात करती है डिक्लेरेटरी थ्योरी की। आई होप आपको थ्योरीज भी समझ आ गई होंगी रिकॉग्निशन की, अगर थ्योरी समझ आ गई हो तो हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन के मोड्स क्या क्या हैं, रिकॉग्निशन के मोड्स क्या क्या हैं, अब हम पढ़ेंगे रिकॉग्निशन के मोड्स क्या 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 हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इसके मोड्स। हमने अभी तक क्या पढ़ा, रिकॉग्निशन होता क्या है, तो मतलब रिकॉग्निशन का हमें समझ आ गया, उसका मतलब होता है कि एक कंट्री वर्ल्ड की जो नई कंट्री बन रही है उसको एक्नॉलेज कर लेती है, वो कंट्री है। दो थ्योरीज हमने पढ़ी, एक थी कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, उसके हिसाब से स्टेट चाहे चार इसेंशियल एलिमेंट ऑब्टेन कर ले पर वो स्टेट नहीं बन सकता जब तक बाकी कंट्रीज उसको रिकॉग्नाइज ना कर देंगे वो स्टेट है, पर इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया। बहुत सारी कंट्रीज रिकॉग्नाइज नहीं करती पर फिर भी वो स्टेट तो होते ही है। दूसरी थी डिक्लेरेटरी थ्योरी, जिसके अनुसार जो रिकॉग्निशन है वो कंट्री को बनाता नहीं है, बस कंट्री को डिक्लेयर करता है, कंट्री तो ऑलरेडी बन जाती है जैसे चार इसेंशियल एलिमेंट बनते हैं, पर रिकॉग्निशन के बाद एक एविडेंस मिल जाता है कि बाकी कंट्रीज इसको मान रही है, रिकॉग्नाइज कर रही है ये कंट्री है, तो वो कंट्री है, एक एविडेंशियल वैल्यू इसकी रहती है। अब हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच वेलडन सर राहुल मिश्रा, थैंक यू सो मच राहुल मिश्रा जी। आज इस लेक्चर को देते हुए मेरे पास 18 बंदे ज्वाइन है, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरे नॉन नहीं हैं, इन द सेंस कि वो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं हिमाचल प्रदेश के अलावा, और वो भी हमें देख रहे हैं। आई एम सो हैप्पी। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर आवर वीडियोस, एंड आल्सो शेयर आवर वीडियोस इन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स, इन योर स्टडी ग्रुप्स, सो दैट कि हम वी कैन रीच टू मैनी स्टूडेंट्स हु आर नॉट वॉचिंग आवर वीडियोज़, वो हमारी वीडियोज़ को देख सके, और वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ फिर से बोल देता हूँ, हमारा एक ब्लॉगिंग चैनल है जिसका नाम है
ब्लॉग्स विद ट्विंस, ब्लॉग विद ट्विंस, आप उस ब्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप हमें कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अगर आपकी कॉन्ट्रीब्यूट करने की इच्छा है तो हमारा गूगल पे नंबर मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, आप हमें कॉन्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। हमारे गूगल पे नंबर 8219820461, इस नंबर पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, किसी भी तरीके से आप हमें कॉन्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। सर जी, योर आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स बाय गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम, थैंक यू सो मच शिल्पा चौहान, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, फॉर सीइंग मी। ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे रिकॉग्निशन के मोड्स क्या हैं, मोड्स ऑफ रिकॉग्निशन। दो प्रकार की मोड्स होते हैं, एक होता है डी जूरे और एक होता है डी फैक्टो। कोई कंट्री किसी कंट्री को रिकॉग्नाइज करती है ना, तो दो तरीके से कर सकती है, या तो डी जूरे तरीके से रिकॉग्नाइज कर सकती है या डी फैक्टो से कर सकती है। इनफैक्ट मैं ये बोलूं कि डी फैक्टो से कर सकती है या डी जूरे से कर सकती है, ज़्यादा सही होगा। पहले डी फैक्टो आती है फिर डी जूरे आती है। तो मेरी बात समझने की कोशिश करना कि एक तो रिकॉग्निशन होती है डी फैक्टो रिकॉग्निशन, इसका मतलब है बाई फैक्ट हमने किसी को रिकॉग्नाइज कर लिया, हमने किसी को रिकॉग्नाइज किया, पर अभी हमने उसको लॉफुल तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं किया। लीगल, डी जूरे मतलब लीगल तरीके से रिकॉग्नाइज करना। तो मेरे दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, कोई नई कंट्री बनती है लेकिन जो एग्जिस्टिंग कंट्रीज हैं उनको शक होता है, उनको ये शंका होती है कि भाई ये कंट्री है, क्या हम इसको लॉफुल तरीके से लीगली हम इसको रिकॉग्नाइज करें या नहीं करें। क्या पता ये कंट्री आज तो कंट्री लग रही है, दो दिन के बाद इसकी प्रभु सत्ता ही खत्म हो जाए, या इसके पास गवर्नमेंट ना रहे, या इसके पास लोग ही ना रहे, क्या पता चार इसेंशियल एलिमेंट इसके पास कवर ही ना हो पूरे। तो जब ऐसा हो, तो जब कोई नया देश बनता है तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंट्रीज हैं वो सबसे पहले क्या करती हैं, उसको डी फैक्टो बाई फैक्ट उसको रिकॉग्नाइज कर देती हैं। हम तुझे स्टेट मान लेते हैं, रिकॉग्नाइज कर देते हैं, पर अभी तू वो फाइनल रिकॉग्निशन नहीं है। दिस इज नॉट द फाइनल रिकॉग्निशन, दिस इज अ प्राइमरी रिकॉग्निशन, दिस इज अ रिकॉग्निशन इन नेम ओनली। जस्ट हमने मान लिया कि आप स्टेट हो, और जब उस कंट्री को लगता है एग्जिस्टिंग वर्ल्ड की कंट्रीज को कि हाँ भाई ये स्टेट है, इसने चार एसेंशियल एलिमेंट ऑब्टेन किए हैं और उनको सस्टेन भी कर रहा है, तो फिर वो कंट्रियाँ करती है उसको लॉ के तरीके से उसको रिकॉग्नाइज कर देती है, जिसको हम डी जूरे रिकॉग्निशन बोलते हैं। ये जो है ये फाइनल नहीं होती, दिस इज नॉट द फाइनल। अगर एक कंट्री ने किसको डी फैक्टो रिकॉग्नाइज किया, बाद में खत्म भी हो सकती है, पर ये जो रिकॉग्निशन है ये फाइनल होती है। एक बार कंट्री ने किसको डी जूरे रिकॉग्नाइज कर दिया, अब वो फाइनल है, अब उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। एक हमारे स्कॉलर है, नाम मैं आपको बता देता हूँ, नाम है स्वाजन वर्क, नाम याद रख लें, SCHWAJ WAJ ENBERGER, स्वाजन बर्गर कुछ ऐसा नाम है, स्वाजनर बर्गर कुछ ऐसा नाम है। इन्होंने क्या बोला कि जब कोई एक देश चाहता है रिकॉग्निशन को डिले करे, लेट दे किसी कंट्री को, तो पहले वो दिखाने के लिए डिफैक्टो दे दे और बाद में वो डी जूरे दे दे, ऐसा इस स्कॉलर ने ऐसा बोला था। तो डी फैक्टो क्या होती है, जब कोई देश एग्जिस्टेंस में आता है तो जो वर्ल्ड की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंट्रीज है उसको शंका होती है कि ये देश शायद देश नहीं है अभी, तो उसको डी फैक्टो फॉर टाइम बींग उसको रिकॉग्नाइज कर लेते, फाइनल नहीं करते, और अगर वो लगे हाँ भाई सच में स्टेट है तो उसको फाइनली डी जूरे तरीके से उसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो रिकॉग्निशन है ना, वो एक देश का अपना पॉलिटिकल एक्ट है, अपना डिप्लोमेटिक एक्ट है, जो किसी देश के ऊपर कंपल्शन नहीं है वो किसी को रिकॉग्नाइज करे। पर रिकॉग्निशन का फायदा क्या होता है रिकॉग्निशन का, कि किसी कंट्री को रिकॉग्नाइज करने के बाद अब देश उस देश के साथ संबंध बना सकता है, रिलेशन बना सकता है, आयात निर्यात कर सकता है, अपनी सोच जरूरतें पूरी कर सकता है, तो इसलिए रिकॉग्निशन दी जाती है ताकि हम उससे रिलेशन बना सके। बाकी किसी कंट्री के ऊपर कंपल्शन नहीं होती, किसी कंट्री ने किसी को रिकॉग्नाइज करना ही करना है। तो आपको डी फैक्टो और डी जूरे रिकॉग्निशन समझ आ गई होगी। अब इनमें डिफरेंस क्या क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डी फैक्टो डी जूरे रिकॉग्निशन, तो मैं आपको इसमें बता दूं, केस था बड़ा महत्वपूर्ण, लूथर वर्सेज सगोर। इस केस में क्या बोला गया था, लूथर वर्सेज सगोर के केस में, कि देयर इज नो डिफरेंस, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा इस केस में बोला गया था। अगर किसी कंट्री ने इसको डी फैक्टो रिकॉग्नाइज किया तो मतलब ये माना जाएगा कि वो डी जूरे भी उसको रिकॉग्नाइज कर ही देगा, क्योंकि एक कंट्री डी फैक्टो भी किसी को रिकॉग्नाइज तभी करती है जब उसे लगता है कि कोई स्टेट एग्जिस्टेंस में आया है, ऐसे किसी को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। तो देयर इज नो डिफरेंस।
डिफरेंस बिटवीन द बोथ आप ये याद कर लें तो हमारा रिकॉग्निशन भी खत्म हो जाता है। रिकॉग्निशन में हमने क्या क्या पढ़ लिया, रिकॉग्निशन में हमने पढ़ा कि रिकॉग्निशन होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या है, थ्योरीज क्या है रिकॉग्निशन की, और साथ साथ हमने लास्ट में क्या पढ़ लिया, लास्ट में हमने पढ़ा इसके मोड्स क्या क्या हैं। यहाँ तक समझ आ गया तो बताएं एक बार, प्रियांशु सर कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू कार, थैंक यू प्रियांशु, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स, थैंक यू सो मच। तो आप कोई अगर यहाँ तक समझ आ गया हो तो मुझे यहाँ तक बता दें, फिर हम आगे चलेंगे और आगे हम पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे अब ये नया टॉपिक। यहाँ तक समझ आ गया हो तो मुझे बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक। यस सर समझ आ रहा है, अंशु दीमान थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगला टॉपिक है स्टेट सक्सेशन, स्टेट सक्सेशन ये भी देख लेते हैं, कभी भी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में स्टेट सक्सेशन क्या होता है। ये जितने भी टॉपिक हैं वो सारे स्टेट से डील करते हैं, स्टेट, स्टेट के इसेंशियल एलिमेंट, स्टेट टेरिटरी, स्टेट टेरिटरी को अक्वायर करने के मोड, लॉस करने के मोड, रिकॉग्निशन, ये सारे कहीं ना कहीं स्टेट से डील करते हैं। तो स्टेट सक्सेशन क्या होता है, तो मेरे दोस्तों ये जो कंसेप्ट स्टेट सक्सेशन है ये कंसेप्ट इंटरनेशनल लॉ में कौन लेके आया, ग्रोटियस, जिसको ये फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ बोला जाता है, ये स्टेट कंसेप्ट को, स्टेट सक्सेशन कंसेप्ट को इंटरनेशनल लॉ में लेकर आए थे। रोमन लॉ में क्या होता था, रोमन के थे ग्रोटियस, रोमन लॉ में क्या होता था, अगर कोई एक पर्सन मर जाता था ना तो एक पर्सन के मरने के बाद उसके सारे राइट्स उसके सक्सेसर को मिल जाते थे। सक्सेसर मतलब जो उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा, उसके उसकी ड्यूटीज भी उसको मिल जाती थी। एक बंदा मर गया, उसकी जितनी भी राइट्स होंगे, जितनी भी ड्यूटीज होंगी, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होगी उसके सक्सेसर को मिल जाती थी। तो वहीं से रोमन लॉ से यही प्रिंसिपल इंटरनेशनल लॉ में ग्रोटियस ने अप्लीकेबल किया। ग्रोटियस ने बोला कि भाई इंटरनेशनल लॉ में क्या है, अगर कोई एक देश है उस देश की टेरिटरी किसी देश को मिल रही है या उस देश की टेरिटरी किसी कंट्री को मिल रही है, मतलब किसी एक देश की टेरिटरी लॉस हो रही है दूसरे को मिल रही है, तो जिसकी टेरिटरी लॉस हो रही है उस देश की उस टेरिटरी के ऊपर कुछ राइट्स होंगे, कुछ ऑब्लिगेशंस होंगे, अब वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे नई कंट्री को जो कंट्री वहाँ पे आ गई। फॉर एग्जांपल ये कंट्री है, ये कोई टेरिटरी है, एक ये मान लो आप एक ए कंट्री है एक बी कंट्री है, ये टेरिटरी जो है वो सारी ए में है, ये टेरिटरी सारी ए के पास है, मेरी बात समझने की कोशिश करना, ये सारी टेरिटरी ए के पास है, इतना हिस्सा मान लो, इतना हिस्सा मान लो ए ने क्या किया, ए ने बी को सीड कर दिया, सीड मतलब दे दिया, सीशन हमने पढ़ा था ना मोड्स ऑफ लॉज एंड एक्वायर टेरिटरी, तो सीड कर दिया बी को, बी के पास अब ये टेरिटरी आ गई, तो इस टेरिटरी के ऊपर पहले ए कंट्री के राइट्स होंगे, ड्यूटीज होंगी, ऑब्लिगेशंस होंगी, अब ये टेरिटरी किसको मिलेगी, बी को मिलेगी, बी के बन गया सक्सेसर बन गया ए का, अब इस टेरिटरी के ऊपर किसकी राइट्स ड्यूटीज आ गई, बी के। तो यही है स्टेट सक्सेशन, जब किसी एक टेरिटरी के ऊपर दूसरा कोई स्टेट कब्जा करता है, एक्वायर करता है, तो अब दूसरे स्टेट जिसने कब्जा किया उसको पहले वाले स्टेट के सारे राइट्स सारी ड्यूटीज उस टेरिटरी पर मिल जाती जाएंगी। ये है कंसेप्ट ऑफ स्टेट सक्सेशन। क्या आपको समझ आ रहा है, टेम्प्रेरी भी हो सकती है सर जी, हाँ जी बिल्कुल हो सकती है जी, डी फैक्टो इज टेम्प्रेरी, जो डी फैक्टो रिकॉग्निशन है वो टेम्प्रेरी नेचर की होती है, डी जूरे परमानेंट नेचर की होती है, इट कैन बी टेम्प्रेरी आल्सो, यस। तो व्हाट इज स्टेट सक्सेशन, मतलब क्या है, स्टेट सक्सेशन मीन्स सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन स्टेट बाई अनदर ओवर अ टेरिटरी, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन स्टेट बाई अनदर, एक टेरिटरी के ऊपर एक देश का कब्जा होना दूसरे देश को हटाकर, यही तो है स्टेट सक्सेशन। तो आई होप आपको स्टेट सक्सेशन समझ आ गया होगा। व्हाट इज स्टेट सक्सेशन, स्टेट सक्सेशन का मतलब होता है किसी भी एक टेरिटरी के ऊपर एक स्टेट का कब्जा होना दूसरे किसी स्टेट को हटाकर। व्हाट इज स्टेट सक्सेशन, इट इज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन स्टेट ओवर अ टेरिटरी इन प्लेस ऑफ अदर स्टेट, दिस इज
स्टेट सक्सेशन, इसमें दो कंट्री आती हैं, एक आती है, एक आता है हमारा सक्सेसर स्टेट जो वहाँ पे आ रहा है, एक प्रीडिसेसर स्टेट जो पहले वहाँ पे था, एक सक्सेसर स्टेट जो वहाँ पे अभी आया, न्यू स्टेट बोल दो, एक प्रीडिसेसर मतलब प्रेजेंट जो पहले था वहाँ पे। कितने टाइप का होता है स्टेट सक्सेशन, व्हाट इज बट टाइप ऑफ स्टेट सक्सेशन? दो प्रकार का हो सकता है, या तो यूनिवर्सल हो सकता है या फिर पार्शल हो सकता है। स्टेट सक्सेशन कैन बी ऑफ टू टाइप, या यूनिवर्सल हो सकता है या पार्शल। यूनिवर्सल का मतलब क्या है? जब पूरे स्टेट के ऊपर नया स्टेट ने कब्जा कर लिया वो यूनिवर्सल है, पूरी कंट्री के ऊपर नया स्टेट आ गया यूनिवर्सल सक्सेशन है। और पार्शल क्या है? किसी एक कंट्री के किसी एक पर्टिकुलर टेरिटरी पर कोई स्टेट आ गया वो पार्शल सक्सेशन है। आई होप आपको स्टेट सक्सेशन में यूनिवर्सल और पार्शल का मतलब समझ आ गया। यूनिवर्सल में क्या है? पूरी कंट्री के ऊपर किसने कब्जा कर लिया, अब नया स्टेट जो पूरी कंट्री पे आ गया वो क्या हो गया, वो यूनिवर्सल सक्सेशन उसने कर लिया कंट्री ने। और पार्शल में क्या होगा? पूरी कंट्री के ऊपर कब्जा नहीं होता, किसी एक पर्टिकुलर टेरिटरी के ऊपर कब्जा होता है वो पार्शल होता है। अब आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आई थिंक स्टेट सक्सेशन में इतना ही करते हैं क्योंकि इट वुड बी इनफ। अब मेरी दो यूनिटें खत्म हो गई, अब मैं तीसरी यूनिट पढ़ना शुरू करूंगा। दो यूनिटें हमारी खत्म हो गई, अब हम तीसरी यूनिट पढ़ना शुरू करेंगे। और तीसरी यूनिट में हम दो टॉपिक पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण है, एक एक्सट्राडिशन, दूसरा अजाइलम। ये दो टॉपिक ही पढ़ेंगे, इसमें से क्वेश्चन पेपर आ जाता है। ये रिवीजन सेशन है इसलिए मैं इजी वे में चाहूँगा कि आपको अच्छे से समझ आए और सारे टॉपिक कवर हो जाएं। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो अब हम पढ़ेंगे तीसरी यूनिट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सट्राडिशन। ठंड हो गया है जो क्या। हाँ तो यहाँ तक समझ आ गया सभी को भाई, जितना भी हमने पढ़ा अभी तक यहाँ तक समझ आ गया सभी को। हमने इंटरनेशनल लॉ के बारे में जितना भी पढ़ा अभी तक, इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन से लेकर अभी स्टेट सक्सेशन तक जितना भी हमने पढ़ा यहाँ तक समझ आ गया सभी को। प्लीज़ लेट मी नाउ इन द कमेंट सेक्शन एक बार मुझे बता दीजिए। अंशु दीमान का रिप्लाई आ रहा है, बाकी किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा। और 17 बच्चे मेरे साथ ज्वाइन है। प्लीज़ महोदय जी नहीं है हमारे यहाँ पे, आशीष महोदय जी, शिल्पा चौहान, यस थैंक यू सो मच। कमलेश जी, सतेंद्र जी, सुरेंद्र मलिक जी, थैंक यू सो मच। शिवानी कंबोज, बहुत से सब्सक्राइबर्स थे हमारे शुरू शुरू में, शिवानी कंबोज, गॉट इट सर, थैंक यू सो मच। रिप्लाई कर दिया करें ताकि मैं एक्टिव रहूं। चलो चलते हैं आगे। तो एक्सट्राडिशन क्या होता है? देखो हम लोगों ने जी, महोदय जी भी आ गए, ठीक है महोदय जी। हाँ तो आशीष जी, आशीष नाम है इनका। हाँ जी तो देखो क्या होता है, एक कंट्री के पास पावर होती है कि जिसने उसके देश में क्राइम किया है वो उसके ऊपर अपनी पावर एक्सरसाइज करे, अपनी महोदय पूर्ण रूप से, थैंक यू सो मच। भी ऐसा भी देना, ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है। तो बच्चों देखो, जब भी किसी कंट्री में कोई क्राइम कमिट किया जाता है तो उस कंट्री के पास पावर है कि वो अपने इंडिविजुअल्स के ऊपर अपनी क्या कर सके, अपनी पावर एक्सरसाइज कर सके, उस पर्सन को पनिश कर सके।
जब भी किसी पर्सन ने कोई क्राइम कमिट किया तो कंट्री के पास पावर है कि वो उस पर्सन को पुनिश कर सके, उस कंट्री में वो पुनिश कर सकता है। लेकिन अगर मान लो एक पर्सन ने एक कंट्री में क्राइम कमिट किया, एक कंट्री में क्राइम कमिट किया, उसके बाद वो वहाँ से भाग कर दूसरी नेशन में चला गया, दूसरी कंट्री में चला गया, तो अब क्या किया जाएगा? मतलब एक बंदे ने एक देश में क्राइम कमिट किया। मुनी सर इज ऑन ड्यूटी, हाँ हाँ ही इज ऑन ड्यूटी फॉर ब्रिंगिंग द वाटर फॉर मी, वाटर की दूसरा चाय, चाय है दूसरा अपना, क्या नाम क्या होता है वाला टेस्ट आ रही पीने में, अदरक वाला चाय, अदरक वाला, अदरक वाला पानी, अच्छा ओके ये अदरक वाला पानी है, स्पेशल पानी अदरक वाला। तो क्या बोला मैंने आपको कि अगर कोई एक पर्सन किसी देश में क्राइम कमिट करता है और वो उस देश में क्राइम कमिट करके दूसरे देश में भाग जाता है, अब जिस देश में भागा गया है वो बंदा, उस देश में उसने क्राइम कमिट नहीं किया, तो वो देश जिसमें वो भागा है वो उस पर्सन को पनिश नहीं कर सकता, क्योंकि एक देश केवल उस बंदे को पनिश कर सकता है, या तो वो उस देश में उस बंदे ने क्राइम कमिट किया हो, या फिर वो अपना उसका सिटीजन हो और दूसरे देश में क्राइम कमिट किया हो। मतलब इंडिया जो है वो इंडिया कब किसी को पनिश कर सकता है, या तो इंडिया का कोई बंदा अमेरिका में क्राइम कर दे तो इंडिया उस बंदे को पनिश कर सकता है, या इंडिया में कोई अमेरिकन क्राइम कर दे इंडिया उसको भी पनिश कर सकता है। पर मान लो कोई एक बंदा इंडिया में क्राइम करता है, इंडिया का बंदा है और भाग कर दूसरे देश में चला गया, अब क्या करे, अब क्या किया जाए, अब इंडिया क्या करेगा? ना तो वो इंडिया में है और जिस कंट्री में गया वहाँ उसने क्राइम नहीं किया, वो उसे पनिश नहीं कर पाएगी। तो इस केस में जिस देश में वो भाग कर गया हो, वो देश जिस देश से वो भागा हो उस देश को, उस क्रिमिनल को सरेंडर कर देती है, हैंड ओवर कर देती है, इसी को एक्स्ट्राडिशन बोला जाता है। क्या होता है एक्स्ट्राडिशन? एक्स्ट्राडिशन इज दैट एक्ट अंडर विच इफ अ पर्सन commits the crime in one country and fled away to other country, then other country hand over that criminal to that country where he has committed the crime, this is called the extradition. I hope आपको extradition का general introduction समझ आ रही होगी कि हर एक देश के पास power है कि वो हर एक person को punish कर सकता है जिसने उसकी country में crime commit किया है, जिसने offense commit किया है। पर क्या करें अगर कोई एक बंदा एक कंट्री में क्राइम कमिट करके दूसरी कंट्री में भाग जाए? तो इस केस में जिस कंट्री में बंदा भाग गया हो वो कंट्री क्या करती है, उस बंदे को वापिस उसी देश में पहुंचा देती है जहां से वो भागा हो। इसको ये एक्स्ट्राडिशन बोला जाता है, इसी को एक्स्ट्राडिशन बोला जाता है। और इसका जो उल्टा होता है वो अजाइलम होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अजाइलम में क्या होता है कि कंट्री जहाँ पे बंदा भागा हो वो बंदे को वापस नहीं करती, अपने ही देश में पनाह दे देती है, शरण दे देती है, उसे रोटी कपड़ा मकान दे देती है। हैं विजय माल्या इज बेस्ट एग्जांपल। अभी विजय माल्या के ऊपर एक्स्ट्राडिक्शन का काम चला, पर एक्स्ट्राडिक्ट उसे किया नहीं अभी तक। सही बोल रहे हो आप, अगर विजय माल्या इंडिया में आ जाता है तो एक्स्ट्राडिक्शन ही हुआ उसका, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो एक्स्ट्राडिशन क्या होता है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज एक्स्ट्राडिशन। बेसिकली एक्स्ट्राडिशन का मतलब है कि जब एक देश से कोई बंदा क्राइम करके दूसरे देश में भाग जाए, जिस देश में वो भागा हो वो देश के पास क्या करेगा, वो देश उसको बंदे को हैंड ओवर कर देगा उस कंट्री को जहां से वो भागा है, दैट इज एक्स्ट्राडिशन। अगर मैं एटिमोलॉजिकल मीनिंग की बात करूँ, एटिमोलॉजिकल मतलब ये टर्म कहाँ से आई है एक्स्ट्राडिशन, तो एक्स्ट्राडिशन टर्म लैटिन भाषा के एक्स एंड ट्रेडिटम से बनी है, ट्रेडिटम एक्स एंड ट्रेडिटम से मिलकर बनी है, लैटिन लैंग्वेज लातीनी भाषा की टर्म एक्स और ट्रेडिटम से मिलकर एक्स्ट्राडिशन बना है, जिसका मतलब होता है हैंड ओवर द क्रिमिनल्स, हैंड ओवर द क्रिमिनल्स या डिलीवरी ऑफ क्रिमिनल्स या सरेंडर ऑफ फ्यूजिटिव्स, सरेंडर ऑफ फ्यूजिटिव्स, फ्यूजिटिव्स, हैंड ओवर द क्रिमिनल्स, सरेंडर द फ्यूजिटिव्स या हैंड ओवर द फ्यूजिटिव्स, ये दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन का मतलब क्या हुआ, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को उस ऑफेंडर को दे देती है वापस जो उसकी दूसरी कंट्री में क्राइम करके आया हो, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्राडिशन।
बोल देते हैं। अब एक्स्ट्रा डिक्शन में समझ आ गया। अब हम पढ़ेंगे कि एक्स्ट्रा डिक्शन में पार्टीज कौन कौन सी होती हैं। एक्स्ट्रा डिक्शन में दो पार्टीज होती हैं बेसिकली मेरे दोस्तों, दो पार्टीज होती हैं बेसिकली, दो कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं। पहली कंट्री होती है इसमें वो कंट्री जो रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज़ हमें इस ऑफेंडर को वापस कर दो, मतलब रिक्वेस्टिंग स्टेट, मतलब वो स्टेट जिस स्टेट से एक बंदा भागकर दूसरी कंट्री में चला गया है और जो अब रिक्वेस्ट कर रही है कि इस बंदे को हमें वापस कर दो, उसको हम रिक्वेस्टिंग स्टेट बोलेंगे। और दूसरा कौन सा स्टेट होता है मेरे दोस्तों, दूसरा होता है टेरिटोरियल स्टेट का मतलब क्या है, वो स्टेट जहाँ पर बंदा भागकर चला गया है और वहाँ पर पाया गया है, जहाँ पर बंदा भागकर चला गया है और वहाँ पर पाया गया है, वो होता है टेरिटोरियल स्टेट। मतलब दो प्रकार के स्टेट होंगे, दो पार्टीज होंगी एक्स्ट्राडिशन में, एक तो रिक्वेस्टिंग स्टेट कौन होगा, जो रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज़ इस पर्सन को मुझे सरेंडर कर दो, ये हमारे देश में क्राइम करके आपके देश में भाग गया है। और दूसरा होगा टेरिटोरियल स्टेट, जिस स्टेट में उसने क्राइम कमिट किया था और वो भाग गया था, तो दो कंट्रीज इसमें आएंगे, आप ये याद रखें पार्टीज को। तो आई होप आपको समझ आ गया एक्स्ट्राडिशन की इंट्रोडक्शन, उसका मीनिंग भी आपको समझ आ गया होगा, उसके अंदर दो पार्टीज ये भी आपको पता चल गया होगा। अब हम एक्स्ट्राडिशन क्या किसी कंट्री की लीगल ड्यूटी है, इज एक्स्ट्राडिशन अ लीगल ड्यूटी ऑफ द स्टेट, क्या एक देश की लीगल ड्यूटी है कि वो किसी को एक्स्ट्राडिट करे ही करे, इज दिस लीगल ड्यूटी। तो मेरे दोस्तों अगर मैं इसके क्वेश्चन के आंसर की जवाब दूँ, देखो पेपर में क्वेश्चन ऐसे ऐसे आते हैं, व्हाट इज एक्स्ट्राडिशन, इज दिस बाइंडिंग ऑन द स्टेट टू एक्स्ट्राडिट द पर्सन, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपने क्या ये लीगल ड्यूटी है, तो आप क्या लिखोगे कि जो हमारे पुराने टाइम पर जो ग्रोटियस ने ये बोला था कि भाई अगर किसी कंट्री में कोई बंदा क्राइम करके भाग गया तो उस कंट्री के पास दो ऑप्शन है, या तो वो उस बंदे को दूसरी कंट्री को वापस कर दे जहाँ से वो भागा है, या उस बंदे को खुद पनिशमेंट दे दे। लेकिन खुद पनिशमेंट तो नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि उसने वहाँ थोड़ा क्राइम किया, ना वो उसका सिटीजन है, तो फिर क्या करें। तो ग्रोटियस ने बोला कि आप उसको एक्स्ट्राडिक्ट कर दो, मतलब ग्रोटियस के अनुसार क्या था, एक्स्ट्राडिशन इज कंपल्सरी, इट इज अ लीगल ड्यूटी ऑफ अ स्टेट। लेकिन ग्रोटियस की इस बात को बहुत सारे पर्सन ने फॉलो नहीं किया, कंट्रीज ने फॉलो नहीं किया। आज के टाइम पर एक्स्ट्राडिशन इज नॉट द लीगल ड्यूटी ऑफ अ कंट्री, अगर दो कंट्री के बीच एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी बनी है तो लीगल ड्यूटी बनेगी। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी क्या होती है, जिसमें लिखा हुआ है कि कोई ऐसा कोई ऑफेंस होता है और हमारे देश में आपका बंदा आता है, हम उसे दे देंगे, और हमारे देश में आपके देश का बंदा हमारे में आता है, हमारा आप में जाता है, हम आपस में एक दूसरे को बंदा वो देंगे, तो लीगल ड्यूटी है। पर अगर कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं बनी है तो इट इज़ नॉट द लीगल ड्यूटी ऑफ एनी कंट्री टू रिटर्न द पर्सन बैक टू अदर पर्सन टू दैट कंट्री। और मतलब बोलने क्या हुआ कि इट इज़ नॉट अ लीगल ड्यूटी इफ देर वुड बी नो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, दो कंट्री भी कोई ट्रीटी नहीं एक्स्ट्राडिशन, तो ये लीगल ड्यूटी नहीं होगी किसी कंट्री की कि वो बंदे को एक्स्ट्राडिक्ट भी करे, बात को आप ध्यान में रखें। अब ये पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे इसेंशियल्स ऑफ एक्स्ट्राडिशन। अब ना आगे हम पढ़ते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एक्स्ट्राडिशन के इसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हैं। देखो पेपर में ना क्वेश्चन कभी भी इसेंशियल एलिमेंट्स के ऊपर नहीं आएगा, पर इसमें मैं जो पॉइंट डिस्कस करूँगा उन पॉइंट्स में से क्वेश्चन आ जाएगा आपको, तो इन पॉइंट्स को अच्छे से समझना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक अभी कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अभी कर दें। सबसे पहला पॉइंट है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। तो एक एक्स्ट्राडिशन के लिए सबसे पहली जो नेसेसिटी है वो ये है कि दो कंट्री के बीच एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होनी चाहिए। अगर एक कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है तो किसी कंट्री के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता कि वो पर्सन को वापस दे। इस केस में क्या होता है, फिर इस केस में रेसिप्रोसिटी रोल प्ले करती है। रेसिप्रोसिटी का मतलब क्या होता है कि दो कंट्री के बीच रिलेशन क्या क्या है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ,
इंडिया में 1993 में बॉम ब्लास्ट हुआ था मुंबई में, मुंबई हमला आपको याद होगा 1993 में, तो जो एक वहाँ के एक जो टेररिस्ट थे अबू सलीम, अबू सलीम इंडिया छोड़कर अपनी वाइफ के साथ, जिनका नाम था मोनिका बेदी, मोनिका बेदी अपनी फैमिली के साथ उन्होंने इंडिया छोड़ा और कहाँ भाग गए, वो भाग गए पुर्तगाल, पुर्तगाल में भाग गए। अब इंडिया और पुर्तगाल का आपस में कोई एक्सट्राडिशन ट्रीटी नहीं थी, एक्सट्राडिशन ट्रीटी नहीं थी, पर पुर्तगाल ने फिर भी यस कर दिया कि हम अबू सलीम को आपको वापस कर देंगे। क्यों किया? क्योंकि इंडिया और पुर्तगाल का आपस में अच्छा रिलेशन था, रेसिप्रोसिटी थी। तो बोला मतलब क्या हुआ कि सबसे पहला जो इसेंशियल एलिमेंट है एक्सट्राडिशन के लिए वो है एक एक्सट्राडिशन ट्रीटी। पर अगर ये ट्रीटी ना हो तो कंट्रीज के बीच आपस में अगर अच्छे रिलेशन होंगे तो भी एक्सट्राडिशन हो जाती है। आई होप आपको पहला पॉइंट समझ आ गया होगा, दैट्स एक्सट्राडिशन ट्रीटी। दूसरा पॉइंट इसमें आप लिखोगे एक्सट्राडिशन ऑफ पोलिटिकल क्रिमिनल्स, एक्सट्राडिशन ऑफ पॉलिटिकल क्रिमिनल्स, एक्सट्राडिशन ऑफ पॉलिटिकल क्रिमिनल्स, जो पॉलिटिकल क्रिमिनल्स हैं उनका क्या एक्सट्राडिशन किया जाता है नहीं किया जाता है? पहले क्वेश्चन ये अराइज होता है पॉलिटिकल क्रिमिनल्स क्या है। मेरे दोस्तों पॉलिटिकल क्रिमिनल्स का मतलब है एक ऐसा पर्सन जिसने देश में पॉलिटिकल क्राइम किया हो। मान लो किसी देश में कोई पर्सन जो है वो स्वतंत्रता की आवाज़ उठाता है, इक्वलिटी की आवाज़ उठाता है, और उसकी आवाज़ को दबाने के लिए उसको बोला जाता है कि सजा दी जाएगी, वो बेचारा भागकर दूसरी कंट्री में चला जाता है। अब दूसरी कंट्री वाले क्या करें, उसको वापस उस कंट्री को दे मरने के लिए? तो रूल क्या बोलता है इंटरनेशनल लॉ का कि अगर किसी बंदे ने कोई पॉलिटिकल क्राइम किया हो और पॉलिटिकल क्राइम करने के बाद एक कंट्री को दूसरी कंट्री में भागा हो तो जिस कंट्री में भागा है वो कंट्री ड्यूटी बाउंड नहीं है कि वो उस क्रिमिनल को एक्स्ट्राडिक्ट करे, इवन दो देयर वुड बी एन एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, तो भी नहीं करेगी। तो क्या होता है एक्स्ट्राडिशन ऑफ पॉलिटिकल क्रिमिनल में आप क्या लिखोगे कि ये कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है, काफ़ी लंबे टाइम से चीज़ फॉलो की जा रही है कि अगर किसी बंदे ने किसी देश में पॉलिटिकल क्राइम किया हो और पॉलिटिकल क्राइम करने के बाद दूसरे देश में भाग गया हो तो उसका एक्स्ट्राडिशन कभी नहीं होता। पहले क्या होता है, पहले उसका एक्स्ट्राडिशन हो जाता था, लेकिन 1789 में फ्रेंच रिवोल्यूशन आई, इक्वलिटी की डिमांड की गई, लिबर्टी की डिमांड की गई, बहुत सारे लोग फ्रांस से भाग कर इंग्लैंड में चले गए, और जब वो इंग्लैंड में गए तो इंग्लैंड वाली गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि ये लोग तो बेचारे लिबर्टी डिमांड कर रहे थे, अब इनको हम वापस उसी गवर्नमेंट को दे देंगे, वो तो इनको मार देंगे। मेरी बात समझ आ रही है? तो जब किसी पर्सन ने पॉलिटिकल क्राइम किया हो, पॉलिटिकल क्राइम का मतलब है अपनी लिबर्टी के लिए क्राइम किया हो, पॉलिटिकल राइट्स के लिए क्राइम किया हो, फंडामेंटल राइट्स के लिए कोई क्राइम किया हो और दूसरे देश में वो भाग गया हो, तो जिस देश में वो भागा गया है वो उसको जो है वो अपने देश में जो है वो नहीं भेजेंगे, अब उसको वापस देश में नहीं भेजेंगे। तो दूसरा आपको ये पॉइंट समझ आ गया, पहला हमें लग गया पता एक्सट्राडिशन के लिए एक्सट्राडिशन ट्रीटी का होना जरूरी है, दूसरा हमें लग गया पता कि पॉलिटिकल क्राइम्स है उनका एक्सट्राडिशन नहीं होता। तीसरा पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट है आपका एक्सट्राडिशन ऑफ मिलिट्री ऑफेंडर्स, एक्सट्राडिशन ऑफ मिलिट्री ऑफेंडर्स, जो मिलिट्री ऑफेंडर्स होते हैं मतलब मिलिट्री किसी देश की मिलिट्री में रह के ऑफेंस कमिट करते हैं और दूसरे देश में भाग जाते हैं, उनका क्या करेंगे? तो उनका जनरल रूल तो यह कि उनको भी एक्स्ट्राडिट नहीं किया जाता, पर हाँ ये जनरल रूल है, ये कोई 100% रूल नहीं है, अर्थात उनका एक्स्ट्राडिशन हो भी सकता है सरकमस्टांसिस के हिसाब से। इसके अलावा आगे आता है हमारा, एक आता है हमारा डॉक्ट्रीन ऑफ डबल क्रिमिनलिटी, डॉक्ट्रीन ऑफ डबल क्रिमिनलिटी, इसका मतलब क्या हुआ ये थोड़ा समझने की कोशिश करना आप इसको, डॉक्ट्रीन ऑफ डबल क्रिमिनलिटी। देखो हम जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं हम एक्स्ट्राडिशन में पढ़ रहे हैं, आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, हम एक्स्ट्राडिशन हमने पढ़ा, उसका मीनिंग डेफिनेशन हमने पढ़ी, उसका हमने पार्टीज उसमें क्या है वो पढ़ी, हमने ये देखा कि क्या ये स्टेट की लीगल ड्यूटी है या नहीं है, फिर हम पढ़ रहे हैं एक्स्ट्राडिशन के एसेंशियल एलिमेंट, मतलब मेन पॉइंट एक्स्ट्राडिशन में। क्वेश्चन कैसे आएगा कि व्हाट इज एक्स्ट्राडिशन, इज द एक्स्ट्राडिशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स इज अलाउड इन द इंटरनेशनल लॉ? इसमें दो केस पढ़ लीजिए, बड़े महत्वपूर्ण केस है पोलिटिकल, एक रीक आस्तोनी केस, एक तो मैंने यहाँ लिखे हुए आई थिंक, एक तो रीक आस्तोनी केस और दूसरा 1891 का 1891 रीक आस्तोनी केस और दूसरा है हमारा री मुनीर केस, मुनीर केस, MUNIR, मुनीर केस, दोनों केस बड़े लैंडमार्क है
पॉलिटिकल ऑफेंडर्स की एक्स्ट्राडिशन को लेकर, जिसमें बोला गया था पॉलिटिकल ऑफेंडर को एक्स्ट्राडिट नहीं किया जा सकता। तो डबल क्रिमिनलिटी ये भी इसमें आता है एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी बंदे ने कोई क्राइम कमिट किया और वो दूसरे देश में भाग गया, तो दूसरा देश उसको तभी ऑफेंडर मानेगा और एक्स्ट्राडिक्ट करेगा अगर वो चीज़ उस कंट्री में भी क्राइम हो। तो डबल क्रिमिनलिटी, देयर मस्ट बी डबल क्रिमिनलिटी। अगर मान लो एक बंदा यहाँ क्राइम करता है, अमेरिका में वो ऑफेंस ही नहीं है, तो उसको एक्स्ट्राडिक्ट नहीं किया जाएगा। अमेरिका वाले एक्शन तभी करेंगे जब अमेरिका में वो चीज़ क्राइम हो। दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ क्रिमिनल डबल क्रिमिनलिटी। एक होता है डॉक्ट्रिन ऑफ स्पेशलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ स्पेशलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ स्पेशलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ स्पेशलिटी का मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि अगर एक देश में एक बंदे ने क्राइम कमिट किया और दूसरे देश में भाग गया, और दूसरे देश ने ये देखकर कि ये बंदा ये क्राइम करके आया है, उसको हम एक्स्ट्राडिक्ट कर देते हैं, उन्होंने एक्स्ट्राडिक्ट कर दिया। अब जिस देश को वो बंदा मिला है, उसकी ड्यूटी है कि वो उसको उसी ऑफेंस के लिए पनिश करे जिसके लिए उन्होंने उसकी डिमांड करी थी कि इसने हमारे देश में ये क्राइम लेकर करके भागा है, ना कि जब उसे वो बंदा मिला तो किसी और ऑफेंस के लिए उसके ऊपर केस चला दिया। नहीं, रूल ऑफ स्पेशलिटी का मतलब होता है जिस देश से बंदा भागा और क्राइम करके उस कंट्री ने डिमांड किया बंदे ने क्राइम कमिट किया, अब इसको दे दो, हमें एक्स्ट्राडिट कर दो, और कंट्री ने एक्स्ट्राडिट भी कर दिया किसी एक क्राइम के लिए। अब कंट्री को उसी क्राइम के लिए उसको पनिश करना पड़ेगा, और क्राइम के लिए उसको पनिश नहीं किया जा सकता। तो हमारा एक्स्ट्राडिशन जो है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया। इसमें केस है हमारा US राउचर केस 1886, US राउचर ROUCHER 1886। तो हमारा एक्स्ट्राडिशन भी खत्म हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे अजाइलम। अब हम पढ़ेंगे लास्ट यूनिट, इस यूनिट का लास्ट टॉपिक अजाइलम। अजाइलम क्या है? अजाइलम, अजाइलम क्या है? तो मेरे दोस्तों देखो, जब कोई एक पर्सन किसी देश में ऑफेंस कमिट करता है और ऑफेंस कमिट करने के बाद वो दूसरे देश में भाग जाता है, तो जिस देश में वो भाग कर चला गया हो उसके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? उस बंदे को, अच्छा आगे बढ़ने से पहले एक बार बता दीजिए कि यहाँ तक क्लियर है सभी को? फरहत, नेक्स्ट फैमिली लॉ स्टार्ट कीजिए। सर मैंने फैमिली लॉ भी बनाया है, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, सबके लेक्चर बनाए हुए हैं, प्लीज़ आप लेक्चर्स देखें। शानदार, जबरदस्त, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। यस सर, थैंक यू सो मच। तो देखो, जब एक बंदे ने किसी देश में क्राइम कमिट किया और दूसरे देश में वो भाग गया, जब दूसरे देश में भाग गया तो उस देश के पास दो ऑप्शन है, या तो उस बंदे को उस कंट्री को वापस कर दे, रिटर्न कर दे, मतलब एक्स्ट्राडिक्ट कर दे, या उस बंदे को अपनी कंट्री में शरण दे दे, जिसको अजाइलम बोला जाता है। तो व्हाट इज़ द अजाइलम? अजाइलम इज द पॉलिटिकल एक्ट ऑफ वन कंट्री अंडर विच वन कंट्री गिव्स द शेल्टर, फूड एंड एवरीथिंग टू पर्टिकुलर पर्सन हु हैज़ committed a crime in other country and has come to that particular country. तो क्या हुआ, मैं एक बार देखकर बता देता हूँ आपको। What is the asylum? Asylum means, the word asylum has been derived from the Greek word asylia, which means inviolable place. मतलब asylum means an act of a country under which one country give shelter to a criminal who has committed a crime to other country and has run to that country. अब जब कभी कोई बंदा किसी कंट्री में पॉलिटिकल क्राइम कर देता है, पॉलिटिकल ऑफेंस कर देता है, मैंने आपको शुरू में बताया कि पॉलिटिकल ऑफेंस करने वाले बंदे को एक्सट्राडिट नहीं किया जाता, तो अगर किसी बंदे ने किसी कंट्री में पॉलिटिकल क्राइम कर दिया और दूसरी कंट्री में भाग गया, तो दूसरी कंट्री क्या करेगी, उसको क्या दे देगी, अजाइलम दे देगी, उसको रिटर्न बैक तो करेगी नहीं, एक्सट्राडिट नहीं करेगी, लो मना करता है तो उसको रिटर्न कर देगी, तो एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं करेगी, उसको अजाइलम दे देगी। अब एक्स्ट्राडिक्शन की बात करूं तो हमारा जो यूएन चार्टर बना हुआ है उसका UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, UDHR 1948 जो हमारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, इसका जो आर्टिकल 14 है,
आर्टिकल 14 वो क्या बोलता है कि प्रत्येक बंदे के पास राइट है कि वो किसी कंट्री से अजाइलम की डिमांड कर सकता है, अजाइलम की डिमांड कर सकता है। तो ये आर्टिकल यही बोलता है। लेकिन अजाइलम देना किसी कंट्री की अपनी मर्जी है, ये कंपल्सरी नहीं है। ये तो बोलता है कि आप मांग सकते हो, राइट है, पर यहाँ ये लिखा हुआ कंट्री को देना भी पड़ेगा। तो अजाइलम में आप ये बात अच्छे से याद रखें। अगर मैं अजाइलम की बात करूँ तो अजाइलम दो टाइप का हो सकता है, अजाइलम दो टाइप का हो सकता है, एक टेरिटोरियल अजाइलम और एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, एक टेरिटोरियल अजाइलम और एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अजाइलम। टेरिटोरियल अजाइलम क्या होता है, अपनी टेरिटरी में अजाइलम देना, अर्थात जब किसी एक कंट्री ने किसी एक पर्सन ने किसी एक कंट्री में ऑफेंस कमिट किया और दूसरी कंट्री में भाग गया, दूसरी कंट्री ने अपनी टेरिटरी में उसको अजाइलम दे दिया, उसको बोला ठीक है आप माई कंट्री में रह सकते हैं, ये टेरिटोरियल अजाइलम हो गया। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अजाइलम क्या होता है, ये एम्बेसीज में दिया जाता है। एम्बेसीज मतलब एक देश में किसी बंदे ने क्राइम किया और जाके वो दूसरे देश की एम्बेसी में घुस गया, मैं यहाँ से बाहर नहीं निकलूँगा, अब अम्बेसी ने उसको शरण दे दी, हाँ हम तुझे बचा लेंगे, तो ये क्या हुआ, ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अजाइलम हुआ। तो अजाइलम कैन बी टेरिटोरियल, कैन बी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। इंडिया के संदर्भ में कभी भी क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया में क्या इंडिया ने कभी किसी को अजाइलम दिया है, तो प्लीज़ आप एक बार मुझे कमेंट करके बताएं इंडिया ने क्या किसी को अजाइलम दिया है। फटाफट क्राइम, फटाफट मुझे अबू सलेम छोटा राजन, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। हाँ जी बताओ मुझे, इंडिया ने किसी को अजाइलम दिया, जल्दी जल्दी रिप्लाई करें, जल्दी फास्ट, क्या इंडिया ने कभी किसी को अजाइलम दिया है। वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक दे दें और बताएं मुझे क्या इंडिया ने कभी किसी को अजाइलम दिया है, क्या इंडिया ने कभी किसी को अजाइलम दिया है, जल्दी बताएं। मैं बता रहा हूँ फिर आपको, यस यस, नाम बताएं, जल्दी नाम बताएं सर। नो आइडिया सर, नो आइडिया सर। ठीक है सर, मैं बताता हूँ आपको, अजाइलम दिया इंडिया ने दलाई लामा को, दलाई लामा और जो उसके अनुयायी थे, उसके जो प्यूपिल्स थे, तिब्बतीज, हाँ बिल्कुल सही, दलाई लामा बिल्कुल, आशीष कमले जी बिल्कुल सही बोला आपने, जो नो आइडिया सर। देखो क्या था, इंडिया जो ये दलाई लामा थे ये चाइना से काफ़ी दुखी हो गए थे, ये लिबर्टी की डिमांड कर रहे थे, इक्वलिटी की डिमांड कर रहे थे, और वहाँ से भागकर जब इनको लगा डर लगा, वहाँ से ही भागकर इंडिया में आ गए, इन्होंने इंडिया से शरण मांगी और हमारे जवाहरलाल नेहरू ने इनको शरण दे दी, मतलब अजाइलम दे दी। तो आज दलाई लामा को इंडिया ने शरण दी हुई है, उनको सारी फैसिलिटीज इंडिया में मिलती हैं। तो दिस इज़ द अबाउट द अजाइलम। तो हमारा एक्स्ट्राडिशन भी ख़त्म हो गया, हमारा अजाइलम भी ख़त्म हो गया। तो ये आपने अच्छे से याद कर लेना है। अब हम आगे पढ़ेंगे, अब अगला लास्ट यूनिट है हमारी, जिसमें हमें मेनली पढ़ना है कि एक बार मुझे बता दीजिए आप कि आपको यहाँ तक सब क्लियर है, फिर हम आगे बढ़ें, मुझे एक बार बता दीजिए। थैंक यू सो मच, मुझे यहाँ तक बता दीजिए, यहाँ तक सबको क्लियर है। तो हमारा मैक्सिमम पार्ट कवर हो गया, अभी कितना टाइम हो गया हमें पढ़ते हुए, मैं एक बार देख लूँ, 3 घंटे से ऊपर हो गया, 5 मिनट 6 मिनट हो गए, तो मतलब ये स्पष्ट है, ये सर क्लियर। तो 2.5 घंटे के करीब लेक्चर हो गए, 2:30 बजे लगे थे, 2:30 से 3:30 4 और 5, 2.5 घंटे हो गए, 3 घंटे में ख़त्म करना है हमने। अब लास्ट यूनिट बचते हैं, उसमें हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जो है कि सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल। हाँ, अजाइलम में आप एक केस लिख सकते हो, कोलंबिया वर्सेस पेरू बड़ा ही महत्वपूर्ण केस है, जो बात करता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अजाइलम और टेरिटोरियल अजाइलम में क्या फ़र्क है, एक बेसिस में दिया जाता है, एक अपनी टेरिटरी में दिया जाता है, आप ये लिख सकते हो। ठीक है, कीप गोइंग सर, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स सेटल करने के क्या क्या मीन्स हैं, तो मेरे दोस्तों आप सभी को पता है इंटरनेशनल लॉ क्यों बनाया गया, वर्ल्ड में पीस मेंटेन करने के लिए, लोगों में शांति बन सके, डिस्प्यूट सेटल हो सके।
तो अगर ये डिस्प्यूट ही सेटल नहीं होंगे तो इंटरनेशनल लॉ का भी कोई पर्पज़ नहीं रहता। तो इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सेटल करने के दो तरीके हमारे पास, एक है पीसफुल मीन्स या आप इनको पैसिफिक मीन्स भी बोल देते हैं, पैसिफिक मीन्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। और दूसरे जो तरीके हैं डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के वो हैं कोर्सिव या कंपल्सरी या आप बोल सकते हो कोर्सिव मीन्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। दो तरीके हैं इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सेटल करने के। पहले तो पीसफुल तरीकों का यूज़ किया जाता है। अगर पीसफुल तरीके से डिस्प्यूट सेटल ना हो तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम लोग हेल्प लेते हैं कोर्सिव मीन्स की। तो इंटरनेशनल डिस्प्यूट का मतलब है दो कंट्रीज के बीच या चार कंट्रीज या वर्ल्ड कम्युनिटी के बीच किसी पॉइंट को लेके कन्फ्लिक्ट होना, डिस्प्यूट होना। तो वो डिस्प्यूट कैसे ख़त्म हो सकता है, पहला तरीका है हमारा आर्बिट्रेशन। मैं पीसफुल मीन्स बता रहा हूँ, पीसफुल मीन पहला है आर्बिट्रेशन, दूसरा है जुडिशियल डिसीजन, तीसरा है गुड ऑफिस, चौथा है मेडिएशन, पांचवा है नेगोशिएशन, छठा क्या है कॉन्सिलिएशन। पेपर में क्वेश्चन 100% आएगा, या तो पैसिफिक मीन्स आएंगे या पीसफुल मीन्स आएंगे, या फिर हमारे जो है वो दूसरे या पीसफुल मीन्स आएंगे या कंपलसरी मीन्स आएंगे, कॉन्सिलिएशन। उसके बाद अगला आता है हमारा जुडिशियल सेटलमेंट बाई द ICJ और UNO भी आप बोल सकते हैं, UNO के थ्रू या फिर UN यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसके थ्रू या फिर ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये तो हो गया जुडिशियल डिसीजन में, मेनली UNO। तो ये जो हमने मीन्स लिखे मैंने आपको, ये किसी डिस्प्यूट को ख़त्म करने के पीसफुल मीन्स है, मतलब आराम से काम हो जाएगा पीसफुल तरीके से, कोई हमें किसी प्रकार की लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ कंपलसरी मीन्स हैं, कोर्सिव मीन्स हैं, मतलब जब इंटरनेशनल डिस्प्यूट इन पीसफुल तरीकों से सॉल्व ना हो तो कंट्री को क्या फॉलो करने पड़ते हैं, कोर्सिव, जबरदस्ती वाले कंपलसरी मीन्स फॉलो करने पड़ते हैं। इनमें कौन से मीन्स आ जाएंगे, सबसे पहले आ जाएगा हमारा इसमें रिटॉर्शन, दूसरा आ जाएगा हमारा रिप्राइजल भी बोल देते हैं कोई इसको रिप्राइजल, तीसरा आ जाएगा इम्बार्गो, चौथा आ जाएगा हमारा पैसिफिक ब्लॉकेड, चौथा पांचवा जाएगा इंटरवेंशन, और छठा आ जाएगा हमारा वार, छठा क्या आ जाएगा हमारा पैसिफिक ब्लॉकेज इंटरवेंशन एंड देन वार, एक हमारा वार भी आ जाएगा, और एक लास्ट में आप सेटलमेंट अंडर UN भी लिख सकते हो, सेटलमेंट बाय द UNO भी फोर्सफुल तरीके से सेटलमेंट कर सकता है। तो दो तरीके के मोड्स हैं इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सॉल्व करने के, पहला है पैसिफिक मीन्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट और दूसरे है कंपल्सरी मीन्स ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। सबसे पहला है हमारा आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन में क्या होता है, जब किसी दो या दो से ज़्यादा कंट्री भी डिस्प्यूट होता है तो वो कंट्रीज़ किसी तीसरे पर्सन को, आर्बिट्रेटर को, जो न्यूट्रल होता है, किसी की साइड नहीं होता, उसको अपॉइंट कर लेते हैं और उसको बोलते हैं कि तू हमारे बीच डिस्प्यूट को सॉल्व कर दे। और आर्बिट्रेटर जो डिसीजन देता है उसको अवार्ड बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अवार्ड बोला जाता है, उसका अवार्ड दोनों पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग भी होता है। आर्बिट्रेशन में हमारे पास परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी है, जो कोर्ट परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो यही काम करता है, आर्बिट्रेशन का काम करता है डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, पीसफुल तरीके से दोनों कंट्रीज को बुला के उनके बीच समझौता कराया जाता है। दिस इज द फर्स्ट मीन्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। जब दो देशों में भी डिस्प्यूट हुआ तो वो क्या करेंगे, किसी तीसरे पर्सन, तीसरे कंट्री को पॉइंट करके या तीसरे ग्रुप ऑफ पर्सन को पॉइंट करके, किसी आर्बिट्रेटर को पॉइंट करके अपना डिस्प्यूट जो है वो सॉल्व करेंगे। दूसरा है जुडिशियल डिसीजन में क्या होता है कि जितने भी ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं या जितना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बना हुआ है वो क्या करते हैं, थैंक यू सो मच वो क्या करते हैं, वो
2 घंटे की भी डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए अपना एक डिसीजन देते हैं। पीसफुल डिस्प्यूट सेटलमेंट हो रहा है, 2 घंटे के बीच डिस्प्यूट था, वो इंडियन कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास चले गए, इंडियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपना डिसीजन दिया और डिस्प्यूट खत्म कर दिया। तीसरा, गुड ऑफिस। गुड ऑफिस में क्या होता है मेरे दोस्तों, गुड ऑफिस में कोई एक कंट्री ना 2 कंट्री के बीच जिनके भी डिस्प्यूट है उनको अपना एक प्लेस दे देती है, अपना एक जगह दे देती है कि आप यहाँ पे आकर इस ऑफिस में बैठकर अपना डिस्प्यूट सॉल्व कर सकते हो। तीसरी कंट्री बीच में कोई आर्गूमेंट्स नहीं करती, बीच में कोई सुजेशन नहीं देती, बस 2 कंट्री को आपस में मिला देती है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, जैसे कि इंडिया में ऐसा हुआ था, मैं बता देता हूँ आपको, इंडिया और पाकिस्तान की भी जब आपस में कश विवाद हुआ था, कश कन्फ्लिक्ट हुआ था, कश एक प्लेस है उसको लेकर कोई कन्फ्लिक्ट हुआ था, तो जो विल्सन थे पीएम ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के पीएम प्राइम मिनिस्टर विल्सन ने क्या किया, उन्होंने अपना एक प्लेस दिया इंडिया और पाकिस्तान को, आप दोनों आओ यहाँ पे आकर समझौता करो, आपस में क्या करो, नेगोशिएट करो और अपने डिस्प्यूट को सॉल्व कर लो। तो गुड ऑफिस में क्या होता है, एक तीसरी कंट्री अपना ऑफिस देती है, अपनी जगह देती है किसी को बैठकर डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए। अगला है मेडिएशन। मेडिएशन में क्या होता है, गुड ऑफिस में एक कंट्री जगह देती है मेडिएशन में, वो कंट्री इंटरफेयर भी करती है, सुजेशन भी देती है, ओपिनियन भी देती है। मतलब मेडिएशन में 2 देशों के बीच एक कंट्री आपस में अपना राय देगी, ओपिनियन देगी, अपना जो है वो आगे क्या करेगी, अपनी उनको अपनी सपोर्ट करेगी, अपनी अपना एक राय देगी कि आप कैसे अपना डिस्प्यूट सेटलमेंट कर सकते हो। उसके बाद नेगोशिएशन। नेगोशिएट करना क्या होता है, जब कंट्रीज आपस में किसी पॉइंट के ऊपर, एक कंट्री बोलेगी ऐसा कर लें, दूसरी बोलेगी नहीं ऐसा करेंगे, तो दोनों किसी चीज़ के ऊपर मान जाते हैं, वो नेगोशिएशन होता है। इंडिया में नेगोशिएशन ऐसा हुआ था, इंडिया में शिमला समझौता हुआ था, आपको याद होगा शिमला नेगोशिएशन, जब इंडिया में पाकिस्तान और इंडिया का वार हुआ था, बांग्लादेश बना था 1971 में, उस दौरान फिर शिमला समझौता भी हुआ था एक ना, तो वही तो नेगोशिएशन होता है, 2 कंट्रीज आपस में अपन डिस्प्यूट खत्म करने के लिए मिलती हैं, बात करती हैं और नेगोशिएट कर लेती हैं किसी पॉइंट पर। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक करना, वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप हमें हमारे गूगल पे नंबर के थ्रू हमें कॉन्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। हमारा गूगल पे नंबर है 8219820461। आपको अगर हमारी वीडियो हेल्पफुल होती है, किसी भी रिवीजन सेशन आपको हेल्पफुल होते हैं, आप हमें कॉन्ट्रीब्यूट करके हमारा हौसला अफजाई भी कर सकते हैं, और बहुत सारे लोगों ने हमें कॉन्ट्रीब्यूट भी किया, थैंक यू सो मच फॉर देम, तो आप हमें कॉन्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, कंपल्सरी नहीं है, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करेगा। तो हमें नेगोशिएशन भी समझ आ गया, नेगोशिएशन का मतलब होता है हमने डिस्प्यूट को सॉल्व करना है नेगोशिएट करके। अब अगला आता है हमारा कॉन्सिलिएशन। कॉन्सिलिएशन एक तरीका है डिस्प्यूट खत्म करने का। कॉन्सिलिएशन में क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, लोगों का ग्रुप होता है, कॉन्सिलिएटर्स जिनको बोलते हैं, वो क्या करते हैं, वो किसी का डिस्प्यूट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, पर कॉन्सिलिएशन का डिसीजन बाइंडिंग नहीं होता। आर्बिट्रेटर का डिसीजन बाइंडिंग होता है, कॉन्सिलिएशन का डिसीजन बाइंडिंग होता है। कॉन्सिलिएशन में बेसिकली एक मैटर को किसी कमेटी के पास भेजा जाता है, लोगों की कमेटी होती है उसमें किसी मैटर को भेजा जाता है। तो कॉन्सिलिएशन इज आल्सो मीन्स ऑफ द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। लास्ट इज UNO, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1945 में बना था, वो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट को पीसफुल तरीके से सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्प करता है। कंट्रीज़ अगर आपस में कोई डिस्प्यूट हो, कंट्रीज़ की दोनों को सुनता है, जनरल असेंबली उसकी, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट जैसे जितने भी ऑर्गन्स हैं UNO के, वो सारे क्या करते हैं, डिस्प्यूट को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करते हैं। इसमें आपको एक बात बता देता हूँ मैं कि ये जो जितने मीन्स मैंने पढ़े, ये मीन्स कहाँ दिए गए हैं, UN चार्टर के पार्ट 6 में। UN चार्टर का जो पार्ट 6 है, पार्ट 6 जो UN चार्टर का है, उसके आर्टिकल 33 से लेकर 38 तक हमारे जो मीन्स दिए गए हैं, वो दिए गए पैसिफिक मीन्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। आई होप आपको ये सारे समझ आ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे कंपल्सरी या कोर्सी मीन्स, ये कहाँ दिए गए हैं, ये चैप्टर नंबर 7 में दिए गए हैं, 7th चैप्टर में दिए गए, UN के चार्टर के चैप्टर 7 में आर्टिकल 39 से लेकर 51 तक ये दिए गए हैं हमारे UN चैप्टर के चैप्टर 7th में आर्टिकल 39 से
51। अब ये जो कंपलसरी मीन्स है ये आपको मुनीर सर बताएंगे, ये आपको मुनीर सर बताएंगे। तो मुनीर सर आ जाइए, इन कंपलसरी मीन्स को बताइए, उसके बाद फिर आगे हम इस लेक्चर को ख़त्म कर देंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और अभी बंद करना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। तो मुनीर सर प्लीज़ आप हमारे स्टूडेंट्स को एनलाइटन करो। दीपक कुमार सर सीपीसी पर वीडियो बनाएं, सीपीसी पर वीडियो बनाएं जी। दीपक कुमार बिल्कुल बनाएंगे। तो अब आपको मुनीर सर बताएंगे लास्ट में कंपलसरी मीन्स कौन कौन से हैं, जो कि चैप्टर जो कि पार्ट 7th में दिए गए हैं। तो मुनीर सर प्लीज़ कंटिन्यू थोड़ा सा। थैंक यू मुकेश सर एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स तो कंपलसरी मीन जो मीन्स है वो मुकेश सर ने लिखे ही हैं वैसे, रिटोर्शन रेप्रिजल एम्बार्गो। तो ये क्या होते हैं, क्या मतलब है इनका? सबसे पहले रिटोर्शन, देखो स्टूडेंट्स जो रेप्रिजल और रिटोर्शन है वो दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है कि जो रिटोर्शन है वो इंटरनेशनल लॉ में अलाउड किया गया है, आप रिटोर्शन कर सकते हो। कंट्रीज अपने जो मीन्स हैं अपने जो उनका डिस्प्यूट है उसको सेटलमेंट करने के लिए रिटोर्शन के जरिए सेटलमेंट कर सकती है, ये अलाउड होता है, लेकिन रेप्रिजल अलाउड नहीं होता। रिटोर्शन का मतलब होता है कि टिट फॉर टैट, अर्थात जो आपके साथ जैसा करेगा आप वैसा कर सकते हो। मान लो कोई कंट्री है, एग्जांपल पाकिस्तान का ही है, पाकिस्तान की जो पाकिस्तान है वो हमारे कंट्री के जो आर्मी मैन है फौज में है जो उनके साथ गलत करती है, तो हम भी कर सकते हैं। ये होता है रिटोर्शन, बदला लेना, सिंपल सी बात है, बदला लेना। तो रिटोर्शन जो है वो अलाउड होता है इंटरनेशनल लॉ में, लेकिन रेप्रिजल अलाउड नहीं होता। रेप्रिजल भी सेम ही होता है बदला लेना, लेकिन ये बड़ा ज़्यादा खतरनाक तरीके से हो सकता है, तो ये अलाउड नहीं होता। रेप्रिजल में आप एक केस लॉ लिख सकते हो, नोलिला इंसिडेंस, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, नोलिला इंसिडेंस, NAULILA नोलिला इंसिडेंस। हाँ यस, रिटोर्शन का मतलब है बदला लेना, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल टिट फॉर टैट वाला सिस्टम है, कि जैसे कोई कंट्री आपके जो मतलब पाकिस्तान है वो हमारे आर्मी मैन के साथ गलत करती है कुछ भी, तो हम भी बदला लेते हुए ऐसा कर सकते हैं, ये हमें अलाउड इंटरनेशनल लॉ में, तो ये हम कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ इसके ऊपर, टॉर्शन के ऊपर। देखो जब इंडिया और पाकिस्तान का विवाद हुआ था, कौन सा, अभी जो इंडिया ने पाकिस्तान इंडिया भी कुछ दिनों पहले बहुत विवाद हुआ था, इंडिया ने अंदर जाके पाकिस्तान के सैनिक मारे थे, कुछ ऐसा हुआ था आपको पता है। उस टाइम पर पाकिस्तान ने क्या किया, हमारे जो एम्बेसीज में वहाँ के लोग थे उनको बोला ये लोग हमें नहीं चाहिए, उनको कंट्री से बाहर निकाल दो। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने बदले में पाकिस्तान के लोग जो हमारे देश में उनको बाहर निकाल दिया। मतलब जब कोई एक देश कोई एक्ट करता है और वो एक्ट जो है वो ऐसा एक्ट है कि दूसरे देश को लगता है कि मेरे साथ गलत किया जा रहा है, ये डिस्प्यूट का कारण बन जाता है, तो वो देश भी सेम एक्ट वापस करता है। रिटोर्शन का मतलब बदला लेना, टिट फॉर टैट। तो ये एग्जांपल हो गया, दूसरा जो है वो रेप्रिजल रिटोर्शन दोनों हो गए। रेप्रिजल में आप एक केस को पक्का लिखोगे, नोलिला इंसिडेंस, ये हुआ था जर्मनी वर्सेज पुर्तगाल के बीच। तो ये इसमें भी यही हुआ था कि जर्मनी ने कुछ पुर्तगाल के लोग मार दिए थे, तो पुर्तगाल ने बदला लिया था और जर्मनी के लोग भी मार दिए थे, और इंटरनेशनल लॉ में इसे वैलिड तो नहीं माना गया था, लेकिन ये रेप्रिजल था। रेप्रिजल में क्या होता है, ये थोड़ा लॉ से हटकर होता है, थोड़ा ज़्यादा हाई लेवल का होता है मतलब बोलने का, लेकिन रिटोर्शन अलाउड है इंटरनेशनल लॉ में, ये बात याद रखना। अगर मैं बात करूँ एम्बार्गो की, तो एम्बार्गो का मतलब होता है ना कि जो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दूंगा पहले आपको, इंडिया है, मान लो इंडिया और पाकिस्तान का आपस में कोई भी कोई वॉर हो गया या हुए भी हैं वॉर, तो एम्बार्गो का मतलब होता है कि इंडिया में जो पाकिस्तान के समुद्री जहाज आ रहे हैं उनको रोक लेना, उनको वहां से जाने नहीं देना, या दूसरी बात अपना समुद्री जहाज पाकिस्तान में नहीं भेजना, ना ही कोई समुद्री जहाज पाकिस्तान का आने देना ना जाने देना, तो जो है वो वहीं रोक लेना, ये होता है एम्बार्गो। एम्बार्गो का मतलब क्या होता है कि जिस कंट्री के साथ विवाद हुआ है उस कंट्री के जो भी समुद्री जहाज हैं उनको समुद्री अपने ही जो अपना समुद्र का जो तट है वहीं रोक लेना, वहाँ से बाहर नहीं जाने देना। इस तरीके से भी इंटरनेशनल जो डिस्प्यूट है उनमें उनको कंट्री सोल्व कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल दे देता हूँ, मान लो इंडिया और श्रीलंका के बीच विवाद हो गया, अब इनका जो है आयात निर्यात चल रहा था समुद्र के माध्यम से, समुद्री जहाज के माध्यम से, तो इंडिया और पाकिस्तान का विवाद हो गया, सॉरी श्रीलंका का विवाद हो गया, तो इंडिया जो है श्रीलंका के जहाजों को अपने ही तट पर रोक लेती है, वहाँ से जाने नहीं देती, छोड़ती नहीं है, या फिर श्रीलंका वाले इंडिया के जहाजों को रोक लेते हैं, तो ये होता है एम्बार्गो। अब बात कर लेते हैं आगे, जो कि मुकेश ने आई थिंक नहीं लिखा है, जो है पैसिफिक ब्लॉकेज, पैसिफिक ब्लॉकेज लिखा हुआ है ये वाला। तो पैसिफिक ब्लॉकेज का मतलब जो है वो एम्बार्गो की तरह ही होता है,
लेकिन पैसिफिक ब्लॉकेज में क्या होता है, ये थोड़ा खतरनाक तरीके का होता है। फॉर एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि इम्बार्गो में तो ये होता है कि इंडिया के पास, इंडिया का मान लो श्रीलंका से विवाद हो गया तो इंडिया क्या करेगी, श्रीलंका के जहाज़ों को वहाँ से जाने देगी अपने प्लेस से, ना अपने जहाज़ों को श्रीलंका के कंट्री में जाने के लिए अलाउड करेगी। लेकिन पैसिफिक ब्लॉकेज में क्या होता है कि जो इंडिया होगी वो श्रीलंका की ही देश में जाएगी, और जो श्रीलंका का बंदरगाह है वहाँ पे जो भी जहाज जिस मर्जी कंट्री से आ रहे हैं उनको वहीं रोक लेगी, कहीं नहीं जाने देगी वहीं पे। ना तो श्रीलंका से जहाज बाहर जा सकते हैं, ना नए आ सकते हैं, अपने जहाजों को तो रोकेगी। प्लस दूसरी कंट्री से जो जहाज आ रहे हैं, आयात निर्यात हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, वो सारा रोक देगी। तो ये होता है पैसिफिक ब्लॉकेज। ये जो है इंटरनेशनल लॉ में दोनों जो है ये भी एक मीन्स है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के, क्योंकि ये कंट्री के बीच डिस्प्यूट हो गया, मान लो श्रीलंका और इंडिया का डिस्प्यूट है तो वो प्यार मोहब्बत से तो ठीक हो रहा, नेगोशिएशन कर लिया, आर्बिट्रेशन कर लिया, गुड ऑफिस कर लिया, तो प्यार मोहब्बत जो है पीसफुल मीन्स है उससे नहीं सोल्व आउट हो रहा। फिर वो आता है कंपल्सरी मीन्स या कंपल्सिव या कोर्सिव मीन में। तो कोर्सिव में क्या है कि हम लोग इनका बिजनेस ही बंद कर देंगे, हम लोग इनको इकोनॉमिकली लॉस करेंगे ताकि अगली कंट्री डर जाए और जो वाद विवाद है उसको ख़त्म करे और हमारे अनुसार काम करे। तो होता है पैसिफिक ब्लॉकेज कि एक कंट्री दूसरी कंट्री में जाएगी और वहाँ पे अपना उस कंट्री में जाके ना तो उस कंट्री में कोई और समुद्री जहाज आने देगी ना जाने देगी, अपनी कंट्री के तो रोकेगी और बाकी कंट्रियों के साथ भी जो बिजनेस है उसको ठप कर देगी। ये होता है पैसिफिक ब्लॉकेज। अब बात कर लेते हैं इंटरवेंशन। इंटरवेंशन क्या होता है? इंटरवेंशन जो है ना, ये जो है ये एक किस्म का, इसका मतलब होता है ना कि आप क्या करोगे, आप तानाशाही तरीके से जिस कंट्री के साथ आपका विवाद है, मान लो इंडिया का विवाद पाकिस्तान से है, तो इंडिया तानाशाही तरीके से पाकिस्तान में घुसेगी और वहाँ पे क्या करेगी इंडिया कि वहाँ पे तानाशाही तरीके से वहाँ के जो वहाँ पे रूल रेगुलेशन अपने अनुसार चलाना शुरू कर देगी। जैसे तालिबानी ने किया, अभी तालिबानियों ने क्या किया, अफगानिस्तान पर आ गए, वो इंटरवेंशन कर दिया और वहाँ पे अपना रूल चलाना शुरू कर दिया, अपनी गवर्नमेंट बना ली, तालिबानी गवर्नमेंट बना ली। ये होता है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन को ना इंटरनेशनल लॉ प्रोहिबिट करता है, जो इंटरनेशनल लॉ है, इवन यूएन चार्टर का जो सेक्शन, यूएनओ का जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 4 है, ये प्रिंसिपल्स की बात करते हैं सेक्शन 2, तो ये सब सेक्शन 4 है ना, सेक्शन नहीं आर्टिकल होगा, यूएन चार्टर का आर्टिकल होगा, आर्टिकल 2 सब क्लोज है इसका 4, ये इंटरवेंशन को प्रोहिबिट करने की बात करता है कि इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी कंट्री किस दूसरी कंट्री में जोर जबरदस्ती से जाकर तानाशाही तरीके से अपना वहाँ पे हुकूमत नहीं चला सकती, अपने आप को, ये नहीं कि अपने आप को वहाँ बड़ा कर ले, अपने रूल रेगुलेशन बना ले, जैसे कि तालिबान नहीं कर रहे हैं। ये एक किस्म से इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है, आर्टिकल 2 सब क्लोज जो है इसका 4 इसके अगेंस्ट है। तो ये जो है ये होता है इंटरवेंशन। इसको इंटरनेशनल लॉ कभी भी अलाउ नहीं करता, परमिट नहीं करता, ये एब्सोल्युटली प्रोहिबिट है इंटरनेशनल लॉ के अंडर, ये बात याद रखना। अब बात कर लेते हैं वॉर। तो वॉर का मतलब क्या होता है? वॉर का मतलब सिंपल सा होता है कि जो कंट्री के बीच आपस में, अब देखो कोई डिस्प्यूट है, मान लो इंडिया और पाकिस्तान का एग्जाम्पल लूंगा या इंडिया और चाइना का लूंगा, डिस्प्यूट है कोई भी किसी, अब इंडिया और चाइना के भी डिस्प्यूट होता है अरुणाचल प्रदेश को लेके, लैंड को लेके, ये लैंड मेरी है ये है, तो वो जो डिस्प्यूट है वो सोल्व नहीं हो रहा, ना वो नेगोशिएशन से हो रहा है, ना वो आर्बिट्रेशन से हो रहा है, ना गुड ऑफिस से हो रहा है, ना मेडिएशन से हो रहा है, तो फाइनली क्या होता है कंट्री के बीच वॉर हो जाता है। लेकिन वॉर में एक बात याद रखना, वॉर ऐसे कभी नहीं होता, कंट्री प्रायर पहले कंट्री एक किस्म से बोलती है दूसरी कंट्री को कि हम आपके अगेंस्ट जो है डिक्लेरेशन करती है कंट्री, मतलब बोलने का कि हम आपके अगेंस्ट वॉर करने जा रहे हैं तो आप तैयार हो जाओ। मैं वॉर में क्या होता है डिक्लेरेशन होती है, प्री डिक्लेरेशन हमेशा होती है, तो फिर फाइनली कंट्री वॉर करेगी, दोनों कंट्री आपस में लड़ेंगी, लड़ने के बाद जो जीत गई फिर वो उसका प्लेस हो जाएगा, जो डिस्प्यूट है वो जो कंट्री जीत जाएगी फाइनली डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा, जो हारी कंट्री है उसको फिर हार माननी पड़ेगी और जो जीती हुई कंट्री है उसके फेवर में वो चीज़ चली जाएगी जिस मैटर को लेके डिस्प्यूट हो रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि वॉर जो है, तो वॉर भी एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने का एक तरीका है। तो ये जो है ये सारे तरीके हैं इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए। ये कोर्सिव मीन्स है, कोर्सिव मीन्स आप समझ रहे होंगे, मतलब कि मार तोड़ जो है, गोलियां बारूद ये यूज होगा इसमें, ये कोई में प्यार मोहब्बत से काम नहीं चलेगा, तो फिर बाद में जो है वो जोर जबरदस्ती से काम किए जाते हैं, तो ये आता है इसमें कोर्सी मीन्स में। इवन जो यूएन चार्टर है उसका आर्टिकल 42-41 जो मुकेश ने बताया आपको, 7th पार्ट 39 से लेकर 51, ये कोर्सी से डील करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा
कि क्या है ये कंपल्सरी मींस क्या होते हैं, कोर्सी मींस क्या होते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं जो कि आपकी अपनी इच्छा है वो आप कर सकते हैं। और हमारा नया चैनल है ब्लॉगिंग विद ट्विंस, ब्लॉग विद ट्विंस है, हम उसमें ब्लॉग्स डालते हैं डेली के डेली। इवन वो ब्लॉग्स जो है हमारी डेली लाइफ को लेकर हो या हमारे कोर्ट में विजिट हैं उनको लेकर हो, कोई भी हो सकते हैं वो, तो आप प्लीज़ उनको सब्सक्राइब करें चैनल को जरूर। और जो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप देख लेना। तो मुकेश सर, आपको कुछ कहना है अपने स्टूडेंट्स को? नहीं, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, फॉर एक्सेप्टिंग आवर इन्विटेशन टू ज्वाइन अस, थैंक यू सो मच। एट द एंड वी आर थैंकफुल टू यू। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ लेट अस नाउ सो दैट वी कैन clarify your doubt, otherwise we'll leave the lecture. Thank you so much. Thank you Shivani Kamboj, you watched entire video from the very beginning of the 2:30. Pankhuri Singh, please share our video to your classmates. Your exam is on 11th of January, therefore I request to please share the video with your classmates also, so that they can also watch our video. Please, I request you. So, Shivani Kamboj, thank you so much. Kamlesh ji, Stender ji, Surendra ji, everyone, thank you so much. Manisha, Rahul Mishra, Pankhuri, and then the girl, name was Ashish Farahat Mansuri, thank you everyone. Kunal Dubey, thank you so much for watching our video and keep supporting us, like our video, stay with us and also share us with your friends. Thank you so much. Now I am going to leave the lecture. Like karein video, like. Okay, thank you so much, thank you so much. Thank you so much, thank you so much, thank you so much, thank you so much, thank you so much.